हेलो, वेलकम बैक टू इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स। मैं हूं आप लोगों का निशान तैयार। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नया प्रोजेक्ट जो होगा एंड टू एंड प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट में हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। यदि आप बिगनर हैं और आपने कभी भी कुछ भी वर्क नहीं किया है पावर बीआई के अंदर, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। क्योंकि एंड टू एंड प्रोजेक्ट कहने का मतलब ये है कि आप स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक डेटा को इंपोर्ट करने से लेके डेटा को एनालाइज करने से लेके डेटा को क्लीन करने से लेके डेटा के विजुलाइजेशन मॉडल्स बनाकर रिपोर्ट बनाकर उस डैशबोर्ड को लाइव पिन करते तक मैं आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ईच एंड एवरी स्टेप्स यहां पर बताऊंगा। और आपके लिए ये एकदम बेनिफिशियल होगा क्योंकि ये एकदम प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट प्रोजेक्ट है और एकदम बिगनर फ्रेंडली प्रोजेक्ट है। तो आप लोग इसे एंजॉय करिए। और मेरा आप लोगों से एक प्रॉमिस है कि आप लोगों को यदि जैसे जैसे मैं आप लोगों को स्टेप यहाँ पे बता रहा हूं और आपने केवल पावर बीआई को अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर इंस्टॉल किया है, मतलब डेस्कटॉप के अंदर आपने इंस्टॉल किया है, तो आप उसे जैसे जैसे मैं बता रहा हूं, यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर भी हैं और आप पहली बार यहां पर एक एक्सेल फाइल को इंपोर्ट भी कर रहे हैं, तब से लेकर हमारे प्रोजेक्ट बनते तक मैं ईच एंड एवरी स्टेप आप लोग को यहां पे बताऊंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है कि आप सारे स्टेप्स को फॉलो अप करते जाएंगे तो आपका लास्ट में एक अच्छा यहां पर ग्लोबल सुपर स्टोर का जो हमारा डैशबोर्ड है वो बन जाएगा। अब हम लोग इस ग्लोबल सुपर स्टोर के डैशबोर्ड को एक रियल प्रोजेक्ट के साथ रिलेट करते हुए चलेंगे जो होगा हमारा अमेजॉन का। सभी लोग यहाँ पर अमेजॉन जो है हमारी वेबसाइट जो है उससे हम लोग सबसे ज्यादा फेमिलियर हैं, तो मैंने उसी एग्जांपल को यहाँ पर लिया है ताकि हम लोग केवल ग्लोबल सुपर स्टोर को बना ना पाए, हम लोग यहाँ पर एक केस स्टडी या एक बिजनेस स्टडी को भी एनालाइज जो है कर पाए। सो आप लोग जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, हम लोग इसे जो स्टार्ट करेंगे ये हमारा स्टार्ट पॉइंट होगा, ठीक है, और ये हमारा जो है एंड पॉइंट होगा। और इसको जो है मैं आप लोग को एक एक करके बताऊंगा, स्टेप वन से लेकर स्टेप फाइव तक हम लोग चलेंगे। बट इससे पहले हम लोग हमारे ऑब्जेक्टिव को देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग यहाँ पर ये जो आपका रिपोर्ट है या फिर हम लोग इसको डैशबोर्ड कह लें, इन दोनों को हम लोग यहाँ पर जो है क्रिएट करेंगे। अब इसको मैं कंप्लीट एक बहुत बड़े डेटा सेट में से जो मुझे एग्जिस्टिंग रिजल्ट है, जो मुझे ये रिजल्ट यहाँ पर देखना है, वो रिजल्ट को वहां से फिल्टर करके लाऊंगा। मतलब कि एक डेटा एनालिस्ट या एक डेटा साइंटिस्ट किसी प्रोजेक्ट में काम करता है तो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि वो एक अपने क्लाइंट को, अपने एंड यूजर को बहुत सारे डेटा में से काम का जो डेटा है या फिर जो रिजल्ट ओरिएंटेड डेटा है उस डेटा को फिल्टर करे, क्लीन करे और अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करे। तो आज हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि मान लीजिए हमारे पास चार साल का डेटा है, जैसे आप लोग को यहाँ 2012, 2013, 2014 और 2015 का ये कंप्लीट डेटा है, तो मैं आप लोग को ये डेटा भी बताऊंगा, डेटा कहाँ मिलेगा, डेटा आपको कैसे क्लीन करना है, सब कुछ मैं यहाँ बताने वाला हूँ। बस आप अभी समझिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो एक 2012-13-14 ईयर वाइज हम लोगों को यहाँ पर एक सेल्स रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन करना है या इसे रिप्रेजेंट करना है जिससे एक अच्छा खासा रिजल्ट मिल सके। तो हम लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव ये है कि बहुत बड़े डेटा सेट में से लॉस प्रॉफिट स्टार्टिंग के हमारे छह यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट प्रोडक्ट कौन से हुए हैं, लॉस प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कौन से हुए हैं, ये हम लोगों को यहाँ पर निकालना है। उसके बाद उसी डेटा सेट में से हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग के प्रॉफिट बाय कस्टमर ऐसे कौन से 10 कस्टमर्स हैं, जो बहुत बड़ा डेटा सेट होगा जो मैं अभी आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, उसमें से आपको प्रॉफिट कस्टमर्स तो कौन से 10 है वो हम लोग यहाँ पर देखेंगे और बहुत इजी तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि इसको हम लोग इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, उसके बाद हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए कभी भी एक डेटा में से डेटा को जो है हमको कनेक्ट करना होता है। स्टेप नंबर वन ये होता है कि हम लोग को डेटा को कनेक्ट करना होता है। अब डेटा को कनेक्ट करेंगे कहने का मतलब ये है कि डेटा कई प्रकार का होता है, एक होता है एक्सेल, एक होता है एसक्यूएल, वेब या वेब सर्वर से हम लोग डेटा लेते हैं। तो ये आप लोग जो आज डेटा यूज करेंगे वो सैंपल डेटा मैं आप लोगों को दे दूंगा जो एक्सेल डेटा होगा, इसको हम लोग इंपोर्ट भी करेंगे और उसके बाद लास्ट में मैं इसको डायनेमिक कनेक्ट करके भी बताऊंगा कि यदि मान लीजिए किसी वेब सर्वर में कोई डेटा या फिर कोई वैल्यू चेंज होती है तो हमारे डैशबोर्ड में भी क्या क्या चेंजेस होते हैं। तो ये होगा हमारा स्टेप नंबर वन। फिर हम लोग बढ़ेंगे हमारे स्टेप नंबर टू पे। स्टेप नंबर टू पर हम लोग एनालाइज करेंगे हमारे टेबल को, जो डेटा को हम लोग इंपोर्ट करेंगे उसके रिलेशंस को देखेंगे। उसके बाद स्टेप नंबर थ्री,
जैसे कि यहाँ पर हम लोग डेटा को क्लीन करेंगे, हम लोग कुछ यहाँ पे सिंटेक्स यूज करेंगे पावर क्वेरीज के और डेक्स के। ये बहुत इजी होते हैं, इन तीन स्टेप्स के अंदर मैं आप लोग को लेकर जाऊंगा और इन तीनों स्टेप में आप लोग यहाँ पर जो करेंगे इसको हम लोग कहेंगे डेटा को प्रिपेयर करना। मतलब कि एक आप लोगों को विजुलाइजेशन के अंदर लेकर जाने से पहले जो हमको डेटा मिलता है उस रॉ डेटा में से हम लोग यहाँ पर, क्योंकि एंड टू एंड प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो मेरा यहाँ पर आप लोगों को उद्देश्य है कि आप कंप्लीट उसी तरीके से इस प्रोजेक्ट को करें जैसे कि इंडस्ट्री के अंदर होता है। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को प्रिपेयर करेंगे, मतलब कि डेटा में यदि कोई रॉ डेटा है और उसमें कोई यहाँ पर जो है डेटा में कुछ प्रॉब्लम्स है, मान लीजिए डेटा इनकरप्ट है, तो डेटा में कंप्लीट वैल्यू नहीं है, कोई नल वैल्यू है, या फिर उस डेटा में से नया डेटा मुझे निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे डेटा क्लीन करेंगे पूरी तरीके से और एक डेटा को प्रिपेयर करेंगे। उसके बाद जब स्टेप 1, 2, 3 हमारा हो जाएगा तब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि उसी डेटा में से उस विजुलाइजेशन को यहाँ पर क्रिएट करेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पर एक कंप्लीट रिपोर्ट बनाएंगे जो मैंने आप लोगों को अभी दिखाया और उसको हम लोग जो हमारे डैशबोर्ड पर पिन करेंगे। उसके बाद हम लोग यूनिट नंबर 11 के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मैं आप लोगों को अलग अलग पॉइंट वाइज लेक्चर में बताऊंगा और लास्ट में मैं कंप्लीट आपको एक ऐड कर दूंगा जिससे कि आपका एंड टू एंड पूरा प्रोजेक्ट जो है स्टार्ट हो जाए। इसके बाद कंप्लीट हमारे इस स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग और ये कंप्लीट इस रिपोर्ट को बनाएंगे, इस रिपोर्ट को हम लोग पब्लिश करेंगे जिसमें मैं आप लोग को डैशबोर्ड के कुछ फंक्शंस भी बताऊंगा। तो आप लोगों को ये हमारे सीक्वेंस वाइज आप लोग को मिल जाएगा और लास्ट में आप लोगों को ये एक साथ मिल जाएगा जिससे कि आप एंड टू एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट को यहाँ पर कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस सेशन को जिसमें हम लोग एंड टू एंड कंप्लीट प्रोजेक्ट करेंगे और इस कंप्लीट रिपोर्ट को और डैशबोर्ड को यहाँ पर क्रिएट करेंगे। सो चलिए हम लोग यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हैं और स्टेप नंबर 1 के अंदर देखते हैं कि कैसे हम लोग कनेक्ट करेंगे एक डेटाबेस को। तो यहाँ पर हम लोग 11.1 के अंदर देखेंगे कि कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं अपने डेटा फाइल को। इससे पहले आप लोगों के पास दो रिक्वायरमेंट्स हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट ये है कि आपने अभी तक पावर बीआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल नहीं किया है तो उसे इंस्टॉल कर लीजिए। यदि आप प्लेलिस्ट फॉलो कर रहे होंगे तो आपने पहले से ही पावर बीआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया होगा और जो नए हैं और इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप सबसे पहले पावर बीआई सॉफ्टवेयर जो आपका डेस्कटॉप है इसमें आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। सेकेंड, आपको जरूरत पड़ेगी यहाँ पर एक एक्सेल फाइल की जो होगा हमारा इंपोर्ट डेटा जिसको आज हमें इंपोर्ट करना होगा, यही हमारा जो होगा एक सैंपल डेटा होगा। ये मैं आप लोगों को यदि यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगा पावर बीआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का और हमारी एक्सेल फाइल की ड्राइव लिंक। यदि आप 32-bit या 64-bit का कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो सक्सेसफुली आप पावर बीआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लीजिए, देन आप यहाँ पर इंपोर्ट कर पाएंगे अपनी डेटा फाइल को। सो मैं आप लोग को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप लोग को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने का जो लिंक है वो कैसे मिलेगा, जो मैंने पहले से बताया हुआ है। आपको यहाँ पर यूट्यूब के अंदर आना है और YouTube में आप लोग को यहाँ पे टाइप करना है IHHPT डेटा एनालिस्ट कोर्स बाय निशान भैया, तो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट हमारी ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। इस प्लेलिस्ट को आप ओपन करेंगे तो मैंने जैसे यहाँ पर नए टैब में ओपन किया हुआ है 1.2 लेक्चर जो है हमारा यहाँ पर, इस लेक्चर के अंदर मैंने आप लोग को बताया कि कैसे आप यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं पावर बीआई सॉफ्टवेयर को। उसके बाद मैंने यहाँ पर कंप्लीट 1.4 के अंदर इंपोर्ट कैसे करते हैं हमारी फर्स्ट सैंपल एक्सेल फाइल, उसे भी इंपोर्ट करके बताया है। और यहाँ पर एक लेक्चर और मैंने यहाँ पे 6 नंबर लेक्चर डाला है जिसके अंदर मैंने यहाँ पे ये बताया है कि हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में आप जाकर और भी कई सारे जो डेटा सेट है, जो क्लीन डेटा सेट आपको मिलेंगे, वो कैसे आप उसका एक्सेस ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए ये जो एक्सेल फाइल है जिसमें आप लोगों को यहाँ पर सैंपल डेटा मिलेगा, ये एक्सेल फाइल में आप लोगों के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है यूट्यूब के इसमें आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। इसके अलावा भी आपको कई सैंपल फाइल चाहिए होगी तो आप हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर और भी जोमेटो के, स्विगी के और कई सारे हमारे सैंपल डेटा को यहाँ पर जो है आप जो है एक्सेस पा सकते हैं। तो यहाँ पर आप अमेजोन का जो हमारा ये जो फाइल है एक्सेल फाइल जिसको मैं अभी ओपन करके आप लोगों को बताता हूँ, इसे आपको डाउनलोड कर लेना है और हमारे पावर बीआई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेना है। ये दोनों स्टेप हो जाने के बाद हम लोग प्रोजेक्ट के अंदर अपनी इस एक्सेल फाइल को इम्पोर्ट करेंगे। एक बार एक्सेल फाइल को आप लोग डाउनलोड कर लेंगे तो आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं यहाँ पर 3 sheet या फिर कह लें 3 pages है, जैसे आप लोग को यहाँ पे शो हो रहे हैं ऑर्डर, रिटर्न और पीपल के। इन तीनों पेज पे आपका डेटा है। आप लोग यहाँ पर नोटिस करिएगा कि आप लोगों को यहाँ पे जो रो है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर रो जो है इसके अंदर तो आपका यहाँ पे कंप्लीट जो लिखा हुआ है आपका हेडर लिखा हुआ है, रो नंबर 2 से आपका जो है डेटा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर रो 2, रो 10, उसके बाद रो 20, इस तरीके से यहाँ पर रो बनी हुई है।
सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इतना बड़ा जो डेटा सेट है, इस डेटा सेट में मैं कर्सर की हेल्प से आप लोग को यहाँ पर नीचे करके दिखाता हूँ कि यहाँ पे मल्टीपल कितने सारे रोज हैं बने हुए हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो है जो रो है हमारा लास्ट 51290, मतलब 51291 रोज यहाँ पर अवेलेबल है। अब इस रो में से आप लोग को जो डेटा है उसे फिल्टर भी करना है, डेटा को क्लीन भी करना है, और उसके बाद इस डेटा में से जो हमारा आउटपुट रिजल्ट है उसको भी यहाँ पर आप लोग को शो करना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव जो हमारा है, जैसे आप लोग देख सकते हैं ये मैंने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, मैंने यहाँ पर इतना बड़ा जो डेटा आप लोग को एक्सेल में दिखाया वो अभी मैं आप लोग को इम्पोर्ट करके बताऊंगा, लेकिन आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को इतने बड़ा डेटा में से आपको प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट नेम, मतलब कि किसी प्रोडक्ट का टॉप 6 प्रॉफिट यहाँ पर आप लोग को शो करना है। तो जब मैं 2012 पे क्लिक किया हुआ हूँ यहाँ पर, तो आप देखिए 2012 पे जो मेरा जो यहाँ पे स्लाइजर बना हुआ है, 2012 पे मैं क्लिक जो है अभी हटा दिया हूँ, तो आप यहाँ पे देखिए ये जो आपका जो डैशबोर्ड है पूरा डायनेमिक डैशबोर्ड है। मैं यहाँ पे 2013 पे एक बार क्लिक करता हूँ, मैं एक बार इसको 2013 में क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे शो करता हूँ। आप देखिए यहाँ पर 2013 में हमारे 6 इतने बड़े डेटा में से 6 प्रोडक्ट जो है यहाँ पे हाईलाइट हो गए हैं, 6 जो प्रोडक्ट है यहाँ पे हमारे लॉस जो हमारे हुए हैं 2013 में वो यहाँ पे टॉप 6 लॉस यहाँ पे शो कर रहे हैं, यहाँ पे टॉप जो 10 कस्टमर है वो यहाँ पे शो कर रहे हैं। इस तरीके से आप लोग को डेटा को एनालाइज करने के लिए यहाँ पर कंप्लीट एक डैशबोर्ड क्रिएट करना है। तो चलिए हम लोग डेटा को इम्पोर्ट करते हैं और इस डैशबोर्ड को हम लोग धीरे धीरे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर समझ आ गया होगा कि एक बहुत बड़े डेटा में से आप लोगों को यहाँ पर फिल्टर करने के लिए एक कंप्लीट डैशबोर्ड क्रिएट करना है, जिससे कि मान लीजिए अमेजोन को यहाँ पर एक केस स्टडी को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, मान लीजिए अमेजोन को भी यहाँ पर एक डिस्कशन करना हो एक कंप्लीट बोर्ड के साथ, तो वो एक डेटा का कंप्लीट यहाँ पर समरी फॉर्मेट को बनाएगा और अपने बोर्ड के साथ डिस्कशन कर पाएगा कि किस जगह में हमारे हमें लॉस हो रहा है और कहां पर हमें मार्केटिंग करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका जो डेटा है एक बिजनेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। सो आप लोग एक काम कर सकते हैं, अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करने के लिए जब आप इंस्टॉल हो गया होगा तो यहां पर आप लिख सकते हैं पावर बीआई, तो आप लोग को यहां पर शो करेगा पावर बीआई डेस्कटॉप। ध्यान रखिए पावर बीआई डेस्कटॉप जो है जिसको आप इंस्टॉल करेंगे अपने विंडोज सिस्टम के अंदर, तो आप लोग यहां पर इसे ओपन करेंगे, जिसके लिए आपको यहां पर कोई भी साइन इन की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आप जब पावर बीआई सर्विस या नेट वर्जन पे जाते हैं तो यहां पर आप लोग को साइन इन की जरूरत पड़ती है। तो मैंने यहां पे साइन इन नहीं किया है और हम लोग यहां पर पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेते हैं। सो इस तरह से पावर बीआई सॉफ्टवेयर को जैसे आप ओपन करेंगे तो आप लोग को ये पेज दिख रहा होगा, इस पेज पर आपको यहाँ पर शो कर रहा है एड डेटा टू योर रिपोर्ट। तो यहाँ पर आपके पास इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल आ रहा है, इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर आ रहा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एक्सेल और उसके बाद इम्पोर्ट डेटा फ्रॉम एसक्यूएल सर्वर। अभी हम लोग यहाँ पर इम्पोर्ट कर रहे हैं क्योंकि ये बिगनर फ्रेंडली है, फर्स्ट टाइम जो भी प्रोजेक्ट बना रहा है ये उसके लिए है, इसलिए हम लोग यहाँ पर जो डेटा उसे इम्पोर्ट कर रहे हैं एक्सेल पे। पर ध्यान रखिए अभी हम लोग यहाँ पर जो हमारी डाउनलोड फाइल है उसे यहाँ पर जो है इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपकी एक्सेल फाइल में कोई चेंजेस होता है तो आपके डैशबोर्ड में भी यहाँ चेंजेस होगा, जिससे कि आप प्रोजेक्ट के लास्ट में एक स्टैटिक के साथ साथ एक डायनेमिक डेटा को भी यहाँ पर जो है सीख पाए। इसके अलावा आप यहाँ पर वेब सर्वर से और कई सारे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे गेट डेटा फ्रॉम अनदर सोर्सेज, इसे आप क्लिक करेंगे तो आप एसक्यूएल सर्वर से, आपके वेबसाइट से डायनेमिक डेटा, कोई भी डेटा आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है इम्पोर्ट डेटा इन एक्सेल जो है इसे हम लोग यहाँ पर जो है क्लिक करेंगे, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जैसे ही इसे क्लिक किया तो यहाँ पर जो मेरी एक्सेल फाइल है उसे मुझे इसके अंदर इम्पोर्ट करना है। तो आप लोग यहाँ पर डाउनलोड करके जो रखे होंगे इस एक्सेल फाइल को यहाँ पर ले लीजिए, इस एक्सेल फाइल को यहाँ ओपन कर लीजिए। जब आप इसे ओपन करेंगे तो थोड़ा ये लोडिंग के लिए टाइम लेगा और इसमें लोडिंग में आपको काफी ज्यादा डेटा है तो काफी थोड़ा सा टाइम लग सकता है, तो इसको एक बार लोडिंग होने देते हैं हम लोग यहाँ पर। आप लोग जैसे स्क्रीन पे देख रहे हैं, हम लोगों ने जैसे देखा था ऑर्डर, प्यूपल और रिटर्न, ये तीनों पेजेस हमारे यहाँ पे शो हो रहे हैं। हम लोगों को इसे चेकबॉक्स को क्लिक करना है, चेकबॉक्स को क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो हमारा डेटा है वो हमें यहाँ पर प्रीव्यू होगा, और एक बार प्रीव्यू हो जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे हमारा जो डेटा है वो लोड हो चुका है, और यहाँ पर डेटा की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है ये कितना टाइम लेगा। यहाँ पर एक बार डेटा को लोड हो जाने के बाद हम लोग यहाँ पे लोड बटन पे क्लिक करेंगे, आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है नीचे में लोड बटन, इस लोड बटन पे हम लोग यहाँ पर जाकर जो है क्लिक करेंगे। जैसे लोड बटन में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा प्रोसेस हो जाता है कंप्लीट डेटा। अब आप लोग यहाँ पर देखिए, एक बार प्रोसेस हो जाने के बाद यहाँ पर जो फील्ड्स है
ये वाला जो सेक्शन आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा, यदि आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं तो मैं आप लोग को यहाँ बता दूं कि यहाँ पर आप लोगों को जो एक मेरे पास पॉपअप आया है, इस पॉपअप को आप अप्लाई कर देंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेटा अच्छी तरीके से लोड होने पर टाइम ले रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ भी कट पेस्ट या एडिट नहीं किया है क्योंकि ये एंड टू एंड प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आप लोग को ईच एंड एवरी चीज जो है यहाँ पर जैसे हो रहा है वैसे ही बता रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पर हर चीज को फॉलोअप कर सके और एक के बाद एक सारे स्टेप्स को यहाँ पर सीख सके। सो हमारा यहाँ पे जो डेटा है वो लोड हो रहा है जिसमें थोड़ा सा टाइम हमें लग रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों ही फाइल हमारी एक साथ लोड हो रही है और ऊपर हमारे पास जो पॉपअप आया है यहाँ पर हमें अप्लाई चेंजेस हम लोग करेंगे तो यहाँ पर जो है हमारा डेटा जो फील्ड्स है इस जगह में हमारा डेटा जो है यहाँ अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ऑर्डर है, जैसे मैंने आपको बताया था 51,290 रो यहाँ पर लोड हो चुकी है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर जो डेटा है यहाँ पर लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को 3 सेक्शन दिख रहे होंगे, ऑर्डर का, पीपल का और यहाँ पर रिटर्न का। सो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर तीनों जो है हमारा यहाँ पर जो डेटा है वो यहाँ पर शो कर रहा है जो हम लोगों ने एक्सेल के अंदर देखे थे। जैसे ही मैं ऑर्डर के अंदर जा रहा हूं तो वहां पर जितने भी रो बने हुए थे वो रो यहाँ पे जो है शो हो रहे हैं। उसी के अलावा मैं यहाँ पर जो है पीपल के अंदर जा रहा हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ पे जो मेरा जो डेटा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। बट आप लोग ध्यान दीजिए यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 आ रहा है, मेरा डेटा यहाँ पे अच्छे तरीके से लोड नहीं हुआ है पीपल के अंदर। रिटर्न के अंदर भी मेरे पास यहाँ कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 आ रहा है, मतलब ऑर्डर डेटा जो है यही हमारा जो है लोड हुआ है और पीपल वाला डेटा जो है हमारा यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 और कॉलम 3 आ रहा है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, इसी को हम लोग यहाँ पर समझेंगे। तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पर हम लोग जाते हैं हमारे जो सेकंड वाला ये जो टैब है यहाँ पे आप लोग को जो दिख रहा है यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे तो आप लोग को ये जो है डेटा का जो है यहाँ पर शो रिप्रेजेंटेशन जो है वो शो करेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर कंप्लीट आपको जो रो है यहाँ पर शो कर रहा है जो हमारा ऑर्डर का वैल्यू है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये पूरा की पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे लोड हो चुका है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम जो है हमारे पास पीपल पे और रिटर्न पे है। तो आप लोग यहाँ पर देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या जनरेट हुआ है पीपल में, आप लोग यहाँ देखिए कॉलम 1 और कॉलम 2 जो है हमारा हेडर दिखा रहा है, आप लोग देख पा रहे हैं, और यहाँ पर्सन और रीजन जो है यहाँ पर ये आपका हेडर होना चाहिए था एक्चुअल में। यही सेम प्रॉब्लम आपके पास रिटर्न में भी है, ये बाय डिफॉल्ट कई बार ये प्रॉब्लम जो है आ जाती है। तो इसे कैसे ठीक करेंगे ये मैं आप लोग को बता देता हूँ। आप लोग यहाँ एक्सेल के अंदर भी देख सकते हैं, मैं रिटर्न के अंदर जा रहा हूँ और आप लोग को यहाँ पे रिटर्न, ऑर्डर आईडी और रीजन दिखा रहा है जो आपका फर्स्ट जो है हेडर है, और पीपल के अंदर आप लोग को यहाँ पे पर्सन और रीजन दिखा रहा है। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग कैसे पावर बीआई के अंदर ठीक करेंगे वो देख लेते हैं। सो इस तरह से हमने यहाँ पर ऑर्डर, पीपल और रिटर्न इन तीनों ही डेटा को यहाँ पे जो है इम्पोर्ट कर लिया है। तो आप लोग यहाँ पर जाएंगे होम पेज के अंदर, यहाँ पर आप लोग को जो सेक्शन दिखता है ये जो आप लोगों को सिम्बॉल दिख रहा है ये आपके रिपोर्ट का सिम्बॉल है, जो लोग फर्स्ट टाइम यूजर है मैं उनको बता दूं। उसके नीचे यहाँ पर आप जब जाएंगे इस सिम्बॉल पे, ये जो आपका सेकंड नंबर का सिम्बॉल है ये डेटा का सिम्बॉल है। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आप लोग यहाँ पे चेक कर चुके हैं इस फील्ड्स के अंदर हमारे जो तीनों जो पेज है वहाँ लोड हो चुके हैं। इसमें कई जो पेज है उसमें कॉलम वगैरह हमें शो कर रहा है जिसको हम लोग बहुत जल्दी अभी ट्रिम कर लेंगे। और थर्ड जो है आप लोग का यहाँ पे कनेक्शन का जो है यहाँ पे सिम्बॉल शो हो रहा है। इन तीनों सिंबल पर हम लोग जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे तीनों सिंबल पे वर्क करेंगे। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर, पीपल और रिटर्न। इस तरह से हमने हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है इसे हमने फुलफिल कर लिया है और हम लोगों ने यहाँ पे जो डेटा है उसे यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया है। मतलब कि हम लोग यहाँ पर हमारे एक्सेल डेटा को इम्पोर्ट कर लिए है, या फिर हमारे पास अभी एसक्यूएल सर्वर से डेटा लेना रहता या वेबसाइट से डेटा लेना रहता तो हमने फर्स्ट स्टेप को यहाँ पे जो सक्सेसफुली फुलफिल कर लिया है। सो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं स्टेप नंबर 1 जो हमारा था, जो जिसमें हम लोग को कनेक्ट करना था डेटाबेस, एक्सेल का डेटाबेस हमने कनेक्ट कर लिया है। अब स्टेप नंबर 2 के अंदर हम लोग जाके एनालाइज करेंगे टेबल को और रिलेशन को देखेंगे, जिसमें हम लोग आज जो है कनेक्ट कर चुके हैं हमारे डेटा को, इंपोर्ट कर चुके हैं फाइल को। तो हमने स्टेप 1 सक्सेसफुली फुलफिल कर लिया है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप में, जो होगा हमारा डेटा को ट्रांसफॉर्म करने का और डेटा को क्लीन करने का। आपने अभी तक मेरे साथ साथ यहाँ पर डेटा को इंपोर्ट कर लिया है और तीनों फील्ड्स यहाँ पे बन चुकी है, आपने प्रोजेक्ट को यहाँ सेव कर लिया है और यहाँ पे पेज का नाम भी यहाँ पर रीनेम कर लिया है। अब जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था स्टेप नंबर 1 के बाद हम लोग स्टेप नंबर 2 पे चलेंगे। यहाँ पर हम लोग एनालाइज करेंगे टेबल के रिलेशन को, उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो है एक ट्रांसफॉर्म डेटा जो है इसे करके देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग यहाँ पे डेटा को क्लीन करेंगे।
ये जो स्टेप है इसको हम लोग डेटा को प्रोसेस करना कहते हैं, जिससे कि हम लोग यहाँ पे डेवलप कर सके हमारे विजुलाइजेशन मॉडल को। तो चलिए इसे हम लोग क्लीन करके देखते हैं और यहाँ पर ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं अपने डेटा को। सो यहाँ पर आप जैसे ही यहाँ पर जो ओपन करते हैं फील्ड्स को, तो यहाँ पर ऊपर में आप लोग को जो शो होता है, यहाँ पर आपको ट्रांसफॉर्म डेटा जो है वो यहाँ पर शो होता है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ट्रांसफॉर्म डेटा। मैं यहाँ पर जो है ट्रांसफॉर्म डेटा को यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये जो एक्चुअल में पावर क्वेरीज का एक पार्ट है, आप लोग को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप लोगों को जो ओपन होता है, ये आपका पावर क्वेरी एडिटर है जो ओपन होता है। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर ऊपर जाकर जो ट्रांसफॉर्म डेटा से क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे पास पावर क्वेरी एडिटर जो है ओपन हो चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर में कैसे वर्क करना होता है मैं पहले बता दूं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपके पास तीनों जो आपकी क्वेरीज है, वो जो चार्ट है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। यहाँ पर मैं ऑर्डर है, पीपल है और रिटर्न है। इस पर मैं आप लोगों को बता दूं कि पावर बी आई ने कंप्लीट यहाँ पर जीयूआई इंटरफेस दिया है, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया है। और आप लोग को यहाँ पर जो ऊपर में दिख रहा है, ये जो सिंटेक्स आपको दिख रहा है, ये एक आपका एक पावर क्वेरी का या कह लें डेक्स का जो एक सिंटेक्स है। तो आप लोग को ये सिंटेक्स लिखना नहीं होता है, ये सिंटेक्स बहुत इजी होता है। जब मैं यहाँ पे जो है एक टच बटन के साथ यहाँ पे ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से कुछ भी चीज यहाँ कमांड करूंगा, तो यहाँ पे क्वेरी भी अपडेट हो जाएगी अपने आप। चलिए मैं इसे एक बार यूज करके आप लोग को बताता हूँ। आप लोग को यहाँ पर पहले से फंक्शंस बता दूं पावर क्वेरी एडिटर के। आप लोग को क्या करना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आता है, जब भी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं क्लोज एंड अप्लाई का। आपको यहाँ पे यदि अप्लाई, आपने कोई भी फंक्शन किया आपको अप्लाई करना है, तो आप पहले क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करें, या अप्लाई पे क्लिक करें या क्लोज पे करें। मैं एक बार इसको क्लोज कर देता हूँ, जिससे कि आपको फिर से मैं बता सकूं कि आपको अपने पावर बीआई डैशबोर्ड से अपने पावर क्वेरी एडिटर पे कैसे आना है। तो आप लोग यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट कर लिए होंगे मेरे साथ साथ, मैं फिर से आप लोग को बता रहा हूँ। यहाँ पर आपके पास क्वेरीज का सेक्शन बनता है और ऊपर में आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा दिखाता है। इस पर मैं जाऊंगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं यहाँ क्लिक करूंगा, तो पहला मेरा जो यहाँ पे जो सेक्शन है ओपन होता है वो है हमारा मेरे ट्रांसफॉर्म डेटा का। इसे मैं क्लिक करूंगा तो जो मेरा पेज है डायरेक्ट रिडायरेक्ट कर देगा मुझे पावर क्वेरी एडिटर पे। मुझे कोई भी क्वेरीज लिखनी होगी तो मैं इस एडिटर में जाऊंगा और यहाँ पे मैं क्वेरीज को लिखूंगा, जो एकदम इजी होती है, जिसके लिए आपको यहाँ पे पावर बीआई ने टच जो सिस्टम है, मतलब कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस सिस्टम जो दिया हुआ है, जिसको आप केवल यूज करते हुए कई सारी क्वेरीज को, कई सारे डेटा को यहाँ पे क्लीन, फिल्टर और ट्रिम कर सकते हो। चलिए हम लोग देखते हैं ये कैसे वर्क करता है। सबसे पहले जो हमारे पास प्रॉब्लम था पीपल वाला जो सेक्शन था, यहाँ पर आप देखिए आपके पास यहाँ कॉलम वन और कॉलम टू आ रहा था, बट मुझे यहाँ पे चाहिए पर्सन और रीजन, क्योंकि यहाँ पे जितने भी पर्सन के नाम लिखे हुए हैं और यहाँ पे रीजन के नाम लिखे हुए हैं। तो चलिए इसको कैसे हम लोग करते हैं, इसके लिए आपको यहाँ पे जो क्वेरीज लिखी हुई है इसमें कुछ भी नहीं करना है। आपको यहाँ पे क्या करना है, आप लोगों को यहाँ पर कई सारे ऑप्शन दिखा रहे होते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर, यहाँ पर पहले से ऑप्शन है। मैं आप लोग को हाईलाइट करके दिखा देता हूँ, यहाँ पर यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर ऑप्शन है। इस ऑप्शन पे मुझे जाना है और इस ऑप्शन पे मुझे जो है क्लिक कर लेना है। तो आप लोग को मैं यहाँ पे एक बार ऑप्शन को क्लिक कर लेता हूँ, यूज फर्स्ट रो एज ए हेडर को मैंने जैसे क्लिक किया, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरा ये जो डेटा है इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा लोड होने के लिए। एक बार लोड हो जाएगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉलम वन और कॉलम टू हट चुका है और जो मेरा फर्स्ट रो था वो मेरा यहाँ पे हेडर बन चुका है। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपकी क्वेरीज है यहाँ अपडेट हो चुकी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल डॉट ट्रांसफॉर्म कॉलम टाइम्स आप लोग को यहाँ पे जो शो कर रहा है ये यहाँ पर अपडेट हो चुका है। पर्सन टाइप टेक्स्ट रीजन, यहाँ पर आपको कुछ भी क्वेरी नहीं लिखनी हुई है, आपको यहाँ पे केवल जाकर क्लिक कर देना है वही चीज। चलिए अब हम लोग जाकर करते हैं हमारे रिटर्न्स के अंदर। मैं रिटर्न के अंदर चले गया हूँ, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे क्वेरी बाय डिफॉल्ट बनी हुई है। एक बार क्वेरी को आप लोग नोटिस करिए, यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कॉलम टू और कॉलम थ्री लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री यहाँ पर शो हो रहा है आप लोगों को। मेरे को क्या करना है, ये कॉलम वन कॉलम टू और कॉलम थ्री को हटाना है, जिसके लिए यहाँ पे शॉर्टकट अलग से पहले से दिया हुआ है। सो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे इजिली सा यहाँ पे जाके केवल यहाँ पे क्लिक कर दूंगा, तो आप देख पाएंगे कि मेरी क्वेरीज भी अपडेट हो चुकी है और यहाँ पे जो मेरे जो मेरे को जो फंक्शन बना हुआ है, मतलब कि ग्राफिकल यूजर फेस जो मेरा जीयूआई फंक्शन बना हुआ है, जो पावर क्वेरी ने इजी यहाँ पे स्टेप दिया हुआ है, इसको मैं यहाँ पर यूज करके आपको बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर देखिए, ये जैसे ही मैंने अपडेट किया तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ऑर्डर आईडी कॉलम वन की जगह यहाँ अपडेट हो गया, रिटर्न आईडी, ऑर्डर आईडी और रीजन, तो यहाँ पर भी अपडेट हो चुका है। और यहाँ पर देख सकते हैं आप लेफ्ट साइड में, यहाँ पर आप लोग को एक हिस्ट्री बनते जा रही है, मतलब कि एक अप्लाइड स्टेप बनते जा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे कट करूंगा तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे जो कट करूंगा तो एक स्टेप बाई स्टेप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या क्या वर्क हुआ है। वापस से यहाँ कॉलम आ चुका है, मैं वापस से जाऊंगा यहाँ पे फर्स्ट रो एज ए
एज ए हेडर करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रमोटेड हेडर्स आप लोग को यहाँ शो हो रहा है। इस तरीके से आप यहाँ पर हिस्ट्री में देख पाएंगे और एकदम इजी यहाँ पे मैंने दो फंक्शन कर लिए हैं, मतलब मैंने पीपल के और रिटर्न के जो कॉलम्स है उसको एज ए हेडर यहाँ पे कमांड दे दिया है। अब मैं जा रहा हूँ यहाँ पे क्लोज कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लोज एंड अप्लाई पे जो है क्लिक कर रहा हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो मैं वापस से पावर क्वेरी एडिटर से अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर चले जाऊंगा। अब हम लोग यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं कि हमने जो वहां पे जो चेंजेस किया है वो यहाँ पर अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है लोड होने के लिए। लोड हो जाने के बाद इन दोनों कॉलम के अंदर हम लोगों ने काम किया पीपल और रिटर्न के अंदर, इसलिए यहाँ पे लोड हो रहा है। लोड हो जाने के बाद हम लोग इसे चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हुए हैं। सो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, हम लोग जैसे फील्ड्स के अंदर जाते हैं अब आप देख सकते हैं पर्सन और रीजन यहाँ आ चुका है जहाँ पे कॉलम वन और कॉलम टू आ रहा था। रिटर्न्स के अंदर भी हमारी तीनों जो फील्ड्स है बन चुकी है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे डेटा कनेक्शन पे जाते हैं, यहाँ पर भी देख लेते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर एक आपका यहाँ पे जो कनेक्शन है ये आप लोग को दिखा रहा है और आप लोग को यहाँ कॉलम वन कॉलम टू की जगह पर्सन और रीजन दिखा रहा है और यहाँ पर भी तीनों जो चीजें हैं ऑर्डर आईडी रीजन और रिटर्न यहाँ अपडेट हो चुकी है और यहाँ पर आपका एक कनेक्शन जो है वो भी यहाँ पे शो हो रहा है। अब हम लोग एक और काम करते हैं कि अब इस डेटा के क्लीनिंग प्रोसेस को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाते हैं और इसे भी हम लोग एक बार एनालिसिस करते हैं। अब आप देखिए इस ट्रांसफॉर्म डेटा को मैं फिर से गया, अब हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब हम लोग जो नल वैल्यू है उसको हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। यहाँ पर चलिए हम लोग एक एक करके कॉलम को यहाँ पर देख लेते हैं। रो आईडी है, रो आईडी के अंदर केवल और केवल न्यूमेरिक वैल्यू है। उसके बाद यहाँ पर ऑर्डर आईडी है, यहाँ पर ऑर्डर का डेट है, यहाँ पे शिपमेंट का डेट है। अब देखिए यहाँ पे केवल मेरे पास ऑर्डर का डेट है और शिपमेंट का डेट है, बट मेरे पास ऑर्डर और शिपमेंट के बीच में जो डिलीवरी का टाइम लगा है वो नहीं है, जिसको मैं यहाँ पे निकालूंगा। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे बता देता हूँ और भी डेटा हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर लेते हैं। शिप का यहाँ पे मोड है फर्स्ट क्लास सेकंड क्लास सेम डे, इस तरीके से यहाँ पे शिप जो है मुझे शो कर रहा है कि मेरा शिपमेंट कब कब हुआ है लॉजिस्टिक में। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पोस्टल कोड, पोस्टल कोड में यहाँ पे बहुत सारी नल वैल्यू है, आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे कई सारी नल वैल्यू है। तो जो मैंने डेटा सेट लिया हुआ है उसमें आप लोग देख सकते हैं कई नल वैल्यू है, तो हम लोग को क्या करना होगा इस नल वैल्यू को भी यहाँ पे जो है फिल्टर आउट करना होगा। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कैटेगरी है, सब कैटेगरी है, प्रोडक्ट का नेम है, उसके बाद सेल्स है, क्वांटिटी है, इस तरीके से आपका कंप्लीट यहाँ पे डेटा सेट बना हुआ है। अब हम लोग एक काम करते हैं, जैसे आप लोग ये शिपिंग कॉस्ट देख रहे हैं, इस शिपिंग कॉस्ट में मान लीजिए कोई टेक्स्ट फिल्टर आ जाएगा, कोई टेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पे जो डेटा है आपका एरर हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे कम से कम क्लीन डेटा लिया हुआ है, इतना ज्यादा क्लीन डेटा आप लोग को मिलता नहीं है, बट आप लोग को ये फर्स्ट सैंपल फाइल है इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो आप लोग को मैं यहाँ बता दूं, जैसे आप पोस्टल कोड देख रहे हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पर क्लिक करता हूं मैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मेरे को यहाँ कोई प्रोग्राम नहीं लिखना हो रहा है। यदि मुझे यहाँ पे डेक्स के अंदर या पावर क्वेरी के अंदर प्रोग्राम लिखना होता तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं इतना बड़ा यहाँ पे मुझे कोई सिंटेक्स लिखना होता, बट यहाँ पे पावर बीआई ने एक यहाँ पे अच्छा सा यहाँ पे जीयूआई ग्राफिकल यूजर इंटरफेस दिया हुआ है जिसको हम लोग यहाँ यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इस एरो बटन पे जाना है पोस्टल कोड के, और यहाँ पर आप लोग को नल की वैल्यू दिख रही है ऑलरेडी, पहले से यहाँ नल वैल्यू मुझे हटाना है, तो मैं इसे चेकबॉक्स को क्लिक कर दूंगा और ओके कर दूंगा, तो मेरा जो पूरा जो कॉलम है यहाँ पे जो कॉलम है इसमें नल नल की वैल्यू जो हट चुकी है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरा जो डेटा है वो करप्ट भी हो रहा है, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि जो मेरा हमारी जो फाइल है रो वाली जो फाइल है जिसमें नल नल वैल्यू थी वो भी यहाँ से हट चुकी है। इसके लिए अभी हम लोगों को यहाँ पे जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे जीरो पे नल डेटा जो है वो रख लूंगा, क्योंकि मेरे पास पोस्टल कोड से अभी मेरे को कोई रिलेशन बनाना नहीं है। इसीलिए बस मुझे यहाँ पे केवल आपको फंक्शन बताना था, मैं इस चेकबॉक्स को ऑन कर लेता हूँ और हम लोग नल वैल्यू को लेते हुए भी आगे बढ़ेंगे। वैसे ही आप लोग को मान लीजिए जीरो को हाइड करना है, वन को हाइड करना है, इसमें से आप जीरो या वन को हाइड कर सकते हैं, मैं अभी आगे चलकर आप लोग को बताऊंगा। इस तरीके से हम लोग डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं। अब आप लोग यहाँ पर समझिए, मैं आप लोग को यहाँ पे केस स्टडी बताता हूँ और इससे मैं यहाँ पे इजी तरीके से वर्क करके बताता हूँ कि डेटा को कैसे हम लोग यहाँ पर जो है डेटा को कई बहुत सारे डेटा में से जो हमारा यूजेबल डेटा है उसको हम लोग यहाँ पर कैसे देखते हैं। सो चलिए एज ए केस स्टडी हम लोग यहाँ पे फर्स्ट डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं ईयर वाइज आप लोग को यहाँ पर जो है इस डैशबोर्ड को रिप्रेजेंट करना है। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो शिपमेंट डेट है और हमारी ऑर्डर डेट है उसमें से मैं एक डिलीवरी डेट लाकर दिखाऊंगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो होगा हमारा, जो इसमें हम लोग डेटा क्लीनिंग करेंगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा, यहाँ पर मैं आप लोग को डेटा में से पावर क्वेरी एडिटर को यूज करते हुए यहाँ पर ईयर वाइज जो हमारी डेट है उस डेट में से ईयर को निकालूंगा, जिससे कि आपका जो डैशबोर्ड है यहाँ पर अच्छे तरीके से वर्क कर सके।
तो हम लोग अभी डेटा को यहाँ पे प्रिपेयर कर रहे हैं अपने इस डैशबोर्ड को बनाने के लिए। तो चलिए हम लोग अपने पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर फर्स्ट हमारा जो डेटा है उसको ट्रांसफॉर्म करके देखते हैं, तो हम लोग इसको सीखते हैं। सो हम लोग यहाँ पर ट्रांसफॉर्म डेटा पे चलते हैं। ट्रांसफॉर्म डेटा को ओपन करने के बाद यहाँ पे हमारा पावर क्वेरी एडिटर जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही हमारा एडिटर ओपन होता है तो हम लोग यहाँ पर सारे की सारे हमारे जो रो जो कॉलम्स है उस कॉलम के जो हेडर्स है उसको एक बार देख लेते हैं। तो मुझे क्या करना है यहाँ पर, आप लोग को यहाँ ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट दिखा रही है, मतलब कि मान लीजिए किसी ऑनलाइन प्रोडक्ट को हम लोगों ने वेबसाइट से 11/11/2014 में ऑर्डर किया था, जिसका शिपमेंट हुआ है अपने जो बायर है वहां तक 13/11/2014 को, मतलब कि 2 दिन लगे हमारे डिलीवरी में। ओके, उसके बाद आप लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं, 7/10/2014 को यहाँ से जो है ऑर्डर डेट डिलीवर हुआ था और 18/10/2014 में यहाँ पर 1 दिन के बाद शिपमेंट हुआ। तो आप लोगों को क्या करना है, इस ऑर्डर डेट और शिपमेंट डेट में से आप लोगों को यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है और यहाँ पर एक आप डेटा को ट्रांसफॉर्म करोगे एक नए कॉलम पे और वहां पर आप लोगों को डिलीवरी डेट निकालना होगा। वो कैसे निकालते हैं मैं आप लोग को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर एड कॉलम पे जाना है। आप लोग देख सकते हैं पहले यहाँ पे मैं कॉलम आप लोग को दिखा देता हूँ। ऑर्डर रो आईडी है, यहाँ पे ऑर्डर आईडी है, ऑर्डर डेट है, शिप का डेट है, शिप का मोड है, कस्टमर आईडी है, कस्टमर नेम है, सेगमेंट है, पोस्टल कोड है, सिटी है, स्टेट है, कंट्री है, रीजन, मार्केट, प्रोडक्ट और भी कई सारे यहाँ पे कॉलम है, प्रोडक्ट आईडी है, कैटेगरी, सब कैटेगरी, प्रोडक्ट नेम, सेल्स क्वांटिटी, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शॉपिंग कॉस्ट, ऑर्डर प्रायोरिटी, इतने ही आपके यहाँ पर जो है कॉलम बने हैं। बट मुझे यहाँ पे एक नया कॉलम बनाना है तो मैं काम करता हूँ, इस एड कॉलम पे जाता हूँ। मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर देता हूँ, आप लोग को यहाँ पे एड कॉलम दिख रहा है, इस एड कॉलम में जाना है। उसके बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम आप लोग को यहाँ पे जो है ऑप्शन शो हो रहा होगा, इस कस्टम कॉलम पे आप जाइए, इस कस्टम कॉलम पे आप क्लिक करिए। इस कस्टम कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कस्टम कॉलम का जो पॉपअप है वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस कॉलम का नेम हमको यहाँ पे डालना होता है, इस कॉलम का नेम हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर देता हूँ, जैसे डिलीवरी डेट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके बाद हम लोग यहाँ पे जो आपका कस्टम फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आपको जो पावर क्वेरी है सबसे पहले यहाँ पे दो टोक, सबसे पहले तो सिंटेक्स के लिए यहाँ पे दो आपको ब्रैकेट बना लेने चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे पावर क्वेरी के फॉर्मूले को मैं यहाँ यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल और केवल ऑर्डर डेट को क्लिक किया। यहाँ पर आप लोग को जो दिख रहा है अवेलेबल कॉलम में से, इसको क्लिक करने के बाद मैं यहाँ इंसर्ट पे जो है यहाँ पे जो है ऑप्शन दे दिया। आप देखिए ऑर्डर डेट मेरे दोनों ब्रैकेट के बीच में है, उसके बाद मेरे को यहाँ माइनस दे दिया मैं, उसके बाद मैं शिपमेंट जो मेरा जो शिप का डेट है इसको मैं यहाँ पे क्लिक किया, इसे भी इंसर्ट कर दिया। मतलब मैं ऑर्डर डेट में से शिपमेंट का जो डेट है इसको यहाँ से माइनस कर रहा हूँ और उसके बाद ये जो मेरा जो पॉपअप में ओके दिखा रहा है इसको मैं यहाँ पे ओके कर ले रहा हूँ। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर मुझे शो हो रहा है और मैंने कोई यहाँ पे सिंटेक्स लिखा भी नहीं है, बस इजली मैंने यहाँ पे जो है क्लिक किया है और यहाँ पे इंसर्ट किया और ओके किया है, जो एकदम सिंपल सा यहाँ पे है, जिसको आपको पावर क्वेरी लिखना नहीं होता। इसी को आप जो कहते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कहते हैं, जिसके लिए पावर क्वेरी आपको हेल्प करता है। यहाँ पर हम लोग ओके पे जैसे क्लिक करते हैं तो आप लोग देखिएगा ये जो डेटा है यहाँ पे जो मेरा जो डेटा है यहाँ पे जो लोड हो जाएगा, आप लोग यहाँ पे लोडिंग देख सकते हैं, यहाँ पे लोडिंग हो रही है। अब आप देखिए यहाँ पे डिलीवरी डेट, जिसको मैंने यहाँ पे डेल डेट जो लिखा हुआ था, इस डिलीवरी डेट पे आप देखिए यहाँ पे आप लोग को जो डेट जो शो हो रहा है एक नया कॉलम बन चुका है। बट अभी ये जो कॉलम है ना, ये कॉलम आपको 2 डेज 1 डेज ऐसे दिखाना था, बट आपको ये जो कॉलम एक टाइम के फॉर्मेट में माइनस के फॉर्मेट में दिखा रहा है, क्योंकि पावर क्वेरी का तो ये नहीं पता कि हम लोग दो डेट को माइनस किए और कभी भी डेट जो है होती है एक दूसरे से माइनस नहीं होती है। तो यहाँ पे नंबर का फॉर्मेट हम लोग को देना पड़ेगा, जिसके लिए हम लोग को क्या करना होगा। सो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर होम पे जाएंगे, आप लोग को यहाँ पे होम का ऑप्शन दिख रहा है, होम पे जाएंगे। होम पे जाने के बाद आप लोग को यहाँ डेटा टाइप दिखेगा, मतलब पावर क्वेरी को यहाँ पता नहीं है कि डेटा किस टाइप का है, तो यहाँ पर एनी ऑप्शन शो रहा है आप लोगों को, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। मैं यहाँ डेटा टाइप पे जा रहा हूँ, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ डेसिमल नंबर है, होल नंबर है, परसेंटेज है, तो हम लोग को यहाँ पे बताना पड़ेगा ये होल नंबर है, जिस फॉर्मेट हम लोग देखना चाहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको डिलीवरी डेट दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको -2 -2 -1 इस तरीके से आपको यहाँ पे जो डेट है वो शो हो रहा है। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो है जो डिलीवरी का जो डेट है उसको रिवर्स जो है माइनस कर दिया है। तो हम लोग इसको एक बार ठीक करते हैं, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे समझ में आ जाए। हम लोग को वापस से यहाँ पे जो है जो हमारा जो डेटा है इसमें हम लोग को होम पे जाना होगा, एड कॉलम पे जाना होगा, एड कॉलम पे जाकर हम लोग को कस्टम कॉलम पे क्लिक करना होगा। इस कस्टम कॉलम पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर जैसे जो डेटा है, जैसे मैं यहाँ पे जो नाम है इसको DEL2
डेट ऐसे दे देता हूँ यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पर मैं जो है जो मेरा जो ब्रैकेट है इसको यहाँ पे यूज कर लेता हूँ। पहले हमने क्या किया था, ऑर्डर डेट से शिप डेट को माइनस किया था, अब हम लोग उल्टा करते हैं। जो हमारा शिपिंग डेट है, ऑब्वियसली बात है शिपिंग बाद में होगी, इसको हम लोग यहाँ पे जो है क्लिक करते हैं और उसके बाद इंसर्ट कर लेते हैं, और इस शिप डेट से माइनस करते हैं हमारे इस ऑर्डर डेट को। तो मैंने यहाँ पे शिप डेट ले लिया, ऑर्डर डेट ले लिया, और उसके बाद मैंने यहाँ पे ओके पे क्लिक कर दिया। अब हम लोग देखते हैं, अब हमारी जो वैल्यू है पॉजिटिव में आ चुकी है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं DL टू डेट यहाँ पर शो हो रही है। वापस से हम लोग को यही प्रॉब्लम आया, तो हम लोग को होम में जाना है, डेटा टाइप के अंदर जाना है, और यहाँ पर जाकर होल नंबर जो है इसे क्लिक कर लेना है। अब आप देख सकते हैं अब ये जो पॉजिटिव पे वैल्यू आई है। इस तरीके से आप लोग को मैंने यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीज बता दिया, और हम लोगों ने फर्स्ट डेटा को यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्म किया, जिसको हम लोग को डैशबोर्ड में यूज करना होगा। अब हम एक काम करते हैं, ये जो आपको फर्स्ट हमने बनाया था इसकी हमें जरूरत नहीं है, तो इसको हम लोग क्लिक करते हैं, और यहाँ पर आपको रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, इसको जो रिमूव अदर ऑप्शन, ये रिमूव का जो रिमूव अदर कॉलम्स डुप्लीकेट कॉलम्स रिमूव का यहाँ पे ऑप्शन है, इसको हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा जो ये जो फाइल है हमारी जो है हट चुकी है। अब हमारे पास जो है डिलीट टू डेटा, डेल टू डेटा मतलब डिलीवरी टू डेटा जो डेट जो है वो यहाँ पे शो हो रही है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे जो सीख लिया है, अब हमको क्या करना है, क्लोज पे जाना है, यहाँ पे क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे मैं क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो वापस से मैं उस पेज पे चले जाऊंगा। सो मैं एक बार वहां पर अप्लाई कर देता हूँ, तो जो भी चेंजेस मैंने वहां पे किए हुए हैं, जो मेरे पावर क्वेरी एडिटर है, वो यहाँ पर भी लोड हो जाएंगे। थोड़ा सा इसमें आपको टाइम लग सकता है। जब एक बार लोड हो जाएगा तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जो मेरा अपडेट है, जो मैंने वहां पे जो कॉलम है जिसमें से मैंने शिपमेंट डेट और जो मेरा ऑर्डर डेट है उन दोनों के बीच में से मैं यहाँ पे जो है डिलीवरी का डेट बनाया था, वो यहाँ पर अपडेट हो गया होगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये DEL2 मतलब कि डिलीवरी का जो सेकंड नंबर का जो कॉलम मैंने बनाया था वो यहाँ पे अपडेट हो चुका है। इस तरीके से हम लोगों का जो कंप्लीट डेटा है, यहाँ पर भी हम लोग जाकर चेक कर लेते हैं इस डेटा के अंदर, यहाँ पर भी आपको जो कॉलम है वो शो हो रहा होगा। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लास्ट में आपका ये जो कॉलम बना हुआ है DL2 डेट यहाँ पे बना हुआ है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो हमारा जो डेटा है इसको एनालिसिस करते हैं, डेटा में से डेटा को प्रिपेयर करते हैं। तो हम लोग एक बार इसे क्रॉस चेक भी कर लेते हैं। आप देखिए ऑर्डर डेट कब था आपका, 19 नवंबर 2013 को, शिपमेंट कब हुआ 24 नवंबर को। तो हम लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं, यहाँ पर जो डे है डिलीवरी का जो डे है कितना दिखा रहा है आपको, डिलीवरी के लिए 5 दिन लग गया। वैसे आप लोग को यहाँ पर देख सकते हैं 6 दिन यहाँ पे डिलीवरी का लग गया, यहाँ पे 4 डेज और डिलीवरी के लग गए। तो आप लोग यहाँ पे अपने लॉजिस्टिक के जो जो आपके चैनल्स है उसको आप एनालिसिस कर सकते हो कि यहाँ पे कितना टाइम लग रहा है। इसी तरीके से हम लोग को डेटा को यहाँ पे देखना होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 14 जुलाई से 20 जुलाई था, मतलब यहाँ पे 6 दिन लग चुके हैं। इस तरीके से आप यहाँ पे जो डेटा है इसको ट्रांसफॉर्म करते हो, जिसको हम लोगों ने फर्स्ट डेटा को किया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ईयर को देखेंगे कि कैसे हम लोग ईयर निकालते हैं जो हम लोग को इस डैशबोर्ड में यूज होने वाला है। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं, जो हमारा स्टेप नंबर 3 होगा। तो देखिए इस तरह से हमने स्टेप वन नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 का एक बेसिक पार्ट हमने कर लिया है, जिसके अंदर हम लोगों ने डेटा को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके देखा है। अब हम लोग और भी डेटा को ट्रांसफॉर्म करके देखेंगे, साथ ही साथ मैं आपको पावर क्वेरी एडिटर का भी यूजफुल फंक्शन यहाँ पे बताऊंगा, जिसमें आप लोग को डेटा क्लीन करने में भी आसानी हो। आप लोगों को ध्यान ये देना चाहिए कि एज ए केस स्टडी हम लोग इस पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ईयर वाइज मुझे जो है कंप्लीट जो है मेरे इस डैशबोर्ड में बनाना है। सामने से मेरे पास जो क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई हुई है जिसको मैं ईयर वाइज यहाँ पे बनाऊं, तो ईयर वाइज मैं यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे जो है शो कर सकूं, उसी के साथ 10 जो मेरे कस्टमर है उसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकूं। ये मेरा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर मैं सेल्स बाई मार्केट कितना हुआ है, सेल्स बाई सेगमेंट कितना हुआ है, ये सब चीज बता सकूं। साथ ही साथ यहाँ पे मैं KPI रेटिंग्स, रिटर्न ऑर्डर कितने हुए हैं, ये सब चीजें बता सकूं। ये मेरा लास्ट एक ऑब्जेक्टिव है, जिसके लिए मुझे कंप्लीट डेटा में से जो मेरा डेटा है उसमें को मुझे को प्रिपेयर करना होगा, वही स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, और हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इस पे ईयर को कैसे निकालेंगे, जिससे कि मैं आगे चल के स्लाइजर में इसे जो है यूज कर पाऊं। देखो यार, एक अच्छा डेटा साइंस इंजीनियर, एक अच्छा डेटा एनालिस्ट जो होता है ना, वो क्या करता है कि कंप्लीट ये जो मेरा डेटा है, इस डेटा में से मुझे बाहर से कुछ वैल्यू ना लाना हो, मैं इसी डेटा में से वो वैल्यू को एक्सट्रैक्ट कर लूं जो मुझे यूज में आने वाली है। तो आपको क्या करना है, यहां पर आप देख सकते हैं आपके पास यहाँ ऑर्डर डेट शो कर रही है, बट आपके पास यहाँ ईयर नहीं दिखा हुआ है, जैसे 2013 में कितने सेल्स हुए, 2014 में, 2015 में, 2016 में। तो मुझे यहाँ से ऑर्डर डेट में से ईयर निकालना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डेटा को एक तरीके से क्लीन करते हैं, या फिर इस डेटा में से फिल्टर आउट करते हैं। तो मुझे क्या करना है, होम के अंदर जाना है,
होम के अंदर जाकर मैं वापस से पावर क्वेरी में जा रहा हूँ और एक और हम लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म डेटा देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं ईयर के फॉर्मेट में। डिलीवरी डेज निकाला था इससे पहले हम लोगों ने, अभी हम लोग जो है यहाँ पे ईयर जो है उसको निकालते हैं, जिससे कि आपको एक बार और प्रैक्टिस हो जाए और ये हमको जरूरत पड़ने वाली, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर जो है इस डेटा में से, मैं आप लोग को बता रहा हूँ कि डेटा में से कैसे हम लोग डेटा को क्लीन कर रहे हैं या ट्रिम कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर मेरा ओपन हो चुका है, यहाँ पर ओपन होने के बाद मुझे क्या करना है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोग को यहाँ पे ऐड कॉलम पे जाना है, ऐड कॉलम पे कस्टम कॉलम यहाँ पे आप लोग को शो हो रहा है, इस कस्टम कॉलम को मैं क्लिक करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे। कस्टम कॉलम को क्लिक करने के बाद एक आपका यहाँ पे जो है ऑप्शन आ जाएगा, इस ऑप्शन पे मैं लिख लेता हूँ ईयर, क्योंकि मुझे ईयर लेना है यहाँ पर। अब यहाँ पर मैं जा रहा हूँ इक्वल टू के बाजू में, मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर जो है डेट लिखा, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डेट डॉट करके यहाँ पे मेरी जो पावर क्वेरीज है यहाँ पे मुझे कई सारे यहाँ ऑप्शन जो दे रही है, बट मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे ईयर लिख के देखता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे आपको स्पेलिंग जो है इसे सही तरीके से लिखना है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं डेट डॉट ईयर, इस तरीके से आपको कई सारा यहाँ ऑप्शन आ रहा है। तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, डेट डॉट ईयर चाहिए, ये मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जो मेरे जो ब्रैकेट है इसको मैं यूज कर रहा हूँ, इसको यहाँ पे लेने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा जो ऑर्डर डेट है इस ऑर्डर डेट को मुझे क्लिक करना है और मुझे यहाँ पे इंसर्ट कर देना है। मतलब मैं इस डेट में से ईयर को निकाल रहा हूँ और मेरे को एक कॉलम और बनाना है, मतलब कि जो मेरा ऑर्डर डेट का जो कंप्लीट कॉलम है उससे एक फिल्टर आउट कर रहा हूँ या डेटा को क्लीन कर रहा हूँ और इससे मैं एक्सट्रैक्ट करके एक ईयर का जो कॉलम है वो मैं बना रहा हूँ। मैं एज एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ और इसको मैं ओके कर देता हूँ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। अब आप देखिए यहाँ पर ईयर का मेरा कॉलम बन चुका है, यहाँ पर मुझे ईयर दिखा रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं एरो पे क्लिक करता हूँ तो कौन कौन से ईयर हैं, 2012, 13, 14, 15, मैंने कहा था ये चार साल का मेरे पास डेटा है, तो ये ईयर वाइज यहाँ पर जो है एक कॉलम मेरा बन चुका है। आप लोगों को यहाँ पे पावर क्वेरी पूरी तरीके से लिखना नहीं पड़ा, डेक्स फाइल लिखना नहीं पड़ा, इसीलिए मैं आप लोग को सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग यहाँ पर जो है पावर बीआई यूज करें टैबलू की जगह, यदि आप बिगनर हैं तो। इसके बाद हम लोग एक और फंक्शन देख लेते हैं, मैं रिटर्न के अंदर जाता हूं और इस रिटर्न में आप लोग को बताता हूं, आप देखिए यहाँ पे यस 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 शो हो रहा है, आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कंप्लीट यस यस शो हो रहा है। ये जो प्रोजेक्ट है ये ऐसा प्रोजेक्ट है कि हर टीचर सबसे पहले आप लोग को पढ़ाता है एक्सेल फाइल को इंपोर्ट करते हुए, जिससे कि आप यहाँ पे बेसिक चीजें जो है सीख सकें। तो यहाँ पे रिटर्न के अंदर यस यस जो है वो आप लोग को शो हो रहा है। हम लोग यहाँ पे कस्टम कॉलम की जगह एक काम करते हैं, यहाँ पे कंडीशनल कॉलम दिख रहा है, इस कंडीशनल कॉलम को क्लिक करते हैं। तो अभी आप लोग को मैं यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट बताता हूँ। अब आप देखिए आप लोगों ने यदि पाइथन पढ़ा होगा, सी पढ़ा होगा, तो आप लोग को यहाँ पे इफ एल्स में प्रोग्राम लिखना होता है, बट मुझे यहाँ इफ एल्स में कोई प्रोग्राम नहीं लिखना है, मुझे क्या करना है यहाँ पे एक कॉलम बनाना है जिसमें मैं प्रोग्राम भी लिख रहा हूँ बट एक यूजर इंटरफेस को ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के जैसे लिख रहा हूँ। जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे रिटर्न वन करके यहाँ पे जो है एक कॉलम का नेम बना दिया, इफ में मैं गया, इफ में मैं जाने के बाद यहाँ तीन चीजें ओपन हो रही, रिटर्न, ऑर्डर आईडी और रीजन। इसको मैं यहाँ पे जाकर रिटर्न को क्लिक कर दिया, इक्वल्स में मैं यहाँ पे इक्वल कर दिया, डज नॉट इक्वल, बिगिंस विद, आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो मेरे को इफ मैंने स्टेटमेंट लगाया, इफ में यदि रिटर्न आपका इक्वल हुआ तो आपकी जो यदि वैल्यू है, आप लोग यहाँ पे यदि जो वैल्यू है आप लोग यहाँ पे टाइप कर दीजिए यस, मतलब मान लीजिए इस रिटर्न के अंदर जितने भी यस है तो आपको आउटपुट मिलेगा वन। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कभी भी हम लोग डेटा को विजुलाइजेशन करते हैं तो वहां पर जो वैल्यू होती है ना टेक्स्ट फॉर्मेट में नहीं होती है, वहां पे न्यूमेरिक फॉर्मेट में होती है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे जो चेंज कर रहा हूँ, मैं जब अभी रिपोर्ट बनाऊंगा तो मैं यहाँ पे लाके आपको बताऊंगा अभी क्यों मैंने यहाँ पे चेंज किया। तो मैंने यहाँ पे इफ स्टेटमेंट लगाया और इफ स्टेटमेंट के लिए मुझे कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा। अब मैं एल्स, यदि नहीं हुई, नो हुई, तो मुझे क्या करना होगा, तो मुझे यहाँ जीरो करना होगा, तो मैंने यहाँ जीरो कर दिया और मैं ओके पे क्लिक कर दे रहा हूं। अब क्या हो रहा है कि ये जो कंप्लीट मेरा जो क्वारी है आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर अपने आप मेरा जो डेक्स फाइल है यहाँ बन चुका है, जो मेरी पावर क्वारी की स्टेटमेंट है, मुझे कोई भी प्रोग्राम नहीं लिखना पड़ा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ रिटर्न वन एक कॉलम बन चुका है और यहाँ वन 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 जो मेरा पूरा, क्योंकि ये यस है रिटर्न ऑर्डर, नो का कोई वैल्यू नहीं, इसलिए यहाँ पे वन वन शो हो रहा है, नहीं तो मुझे यहाँ पे जो है जीरो भी यहाँ पे शो होता है। इस तरीके से आप डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, डेटा को यहाँ पे जो कंप्लीट है डेटा में से एक एक्सट्रैक्ट करके कुछ वैल्यू या कॉलम बना सकते हो। ये एक एग्जांपल है, इसको डिटेल में मैं आप लोगों को बताऊंगा पावर क्वेरी एडिटर पे जब हम लोग पावर क्वेरी सीखेंगे, और उसके साथ ही साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा एसक्यूएल के अंदर, जो क्योंकि मैं एक कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ डेटा एनालिस्ट की, तो आप लोग को यहाँ पे ये सीखने भी मिलेगा। तो चलिए अब हम लोग वापस से चलते हैं अपने इस होम पेज पे
और होम पेज पे थोड़ा सा इसको ओवरव्यू भी कर लेते हैं। आप लोग को देखिए मर्ज करना है तो आप लोग को यहाँ मर्ज का ऑप्शन मिल जाएगा। डेटा को मर्ज करने के लिए आपको बहुत सारा चीजें बाहर जाके नहीं करनी होगी, एक बार आप जब इसे सीख जाते हैं तब। सो इस तरह से आप यहाँ पर जो है मर्ज क्वेरी, उसके अलावा यहाँ पे स्प्लिट करना है आपको कॉलम को, कोई ग्रुप बनाना है, कई सारे यहाँ पर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए गए। यहाँ पर रन पाइथन स्क्रिप्ट और आर स्क्रिप्ट को भी यहाँ पर आप लोग रन करके देख सकते हैं, जिसको हम लोग और पाइथन वगैरह पढ़ेंगे तब देखेंगे, जब हम लोग यहाँ पे कुछ ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन, स्टेटिस्टिक्स के फंक्शन और कई सारे फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे नंबर कॉलम, डेट कॉलम, कई सारी चीजें हम लोग देखेंगे जो हम लोग पावर क्वेरी के अंदर देखेंगे। तो आप लोग को यहाँ पे मैं यूजर फेमिलियर कराना चाहता था, इसलिए मैंने यहाँ पर कंप्लीट कुछ जो ट्रांसफॉर्म है उसे बताया। अब मैं एक काम करता हूँ, इसे क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। जो हमने यहाँ पर जो भी हमने पावर क्वेरी के अंदर जो भी यहाँ पे हम लोगों ने चेंजेस किया है वो हमारे लोड हो जाएंगे हमारे पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर। तो हम लोग पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं, जहां पर जो हमारे जो फर्स्ट बॉक्स होता है हम लोग यहाँ पे डेटा को लोड हो जाने देते हैं। डेटा एक बार लोड हो जाएगा उसके बाद हम लोग इसको रिव्यू करके देख लेंगे कि यहाँ पर प्रॉपर तरीके से डेटा जो मेरा लोड हुआ है या नहीं हुआ है। कई बार यहाँ पे एरर आता है, एरर तभी आएगा जब आप वहां पे कुछ मिस्टेक कर रहे होंगे तभी यहाँ पर एरर शो होगा, इसके अलावा यहाँ पे एरर कोई शो होने के चांसेस होते नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे जो मेरा पावर बीआई डेस्कटॉप है उसके अंदर लोड हो चुका है, जो हम लोगों ने सेव किया हुआ था प्रोजेक्ट नंबर 1। इस तरीके से हमने डेटा को प्रिपेयर कर लिया है पूरी तरह से। अब हम लोग हमारे जो रिपोर्ट है उसको बनाने की तरफ जा सकते हैं। अब मैं आप लोग को यहाँ पे शो करके भी दिखा देता हूँ। अब देखिए आपने ऑर्डर्स के अंदर हम लोग गए हैं और ऑर्डर के अंदर यहाँ पे ईयर का जो मेरा कॉलम है वो बन चुका है। मैंने यहाँ पे कोई भी वैल्यू को बाहर से इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है। मैंने यहाँ पे डिलीवरी का डेट आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है, डिलीवरी का डेट और मैंने ईयर, इन दोनों को मैंने यहाँ पे एड ऑन किया है। और उसके साथ ही साथ मैंने रिटर्न के अंदर यहाँ पे रिटर्न 1 यूज किया है और जो मेरा रिटर्न यस यस लिखा हुआ था इसको मैंने 0 से 1 पे क्लिक किया। तो इस तरीके से 3 हम लोगों ने यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किए हैं जिसको हम लोग यूज करेंगे अपने रिपोर्ट बनाते समय। और कभी भी मुझे जरूरत पड़ेगा रिपोर्ट बनाते समय कुछ डेटा को दिखाना होगा तो मैं आप लोग को यहाँ पे ट्रांसफॉर्म करके भी दिखाऊंगा। तो हम लोग यहाँ पे डेटा एक तरीके से क्लीन कर चुके हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं हमारे इस डेटा टेबल पे भी यहाँ पे क्लिक कर लिए हमने लोगों ने। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप जो देख पा रहे हैं यहाँ पे ईयर आ चुका है, डिलीवरी का डेट आ चुका है। तो यहाँ पर भी आपका जो है अपडेट हो चुका है, एक बार अच्छे से देख लीजिए आप। यहाँ पे ईयर भी आ चुका है, डिलीवरी डेट भी आ चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं कनेक्शन पे, कनेक्शन को देखते हैं। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कनेक्शन भी हमारा अपडेट हो चुका है, कनेक्शन के अंदर भी यहाँ पे ईयर आ चुका होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे ईयर आ चुका है और यहाँ पर जो हमारा डिलीवरी का जो हम लोग जो कॉलम बनाए थे डिलीवरी डेट का, यहाँ पर डिलीवरी का भी डेज आ चुका है। एक्चुअल में ये डेज होना चाहिए, डिलीवरी डेट यहाँ पे मेरे से टाइप हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है इसे समझ चुके होंगे। अब हम लोग यहाँ पे प्ले करेंगे और इस डैशबोर्ड को बनाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा जो है पूरी तरीके से यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो चुका है और पूरी तरीके से लोड हो चुका है, जिसको हम लोग ETL प्रोसेस करते हैं। ETL मतलब एक्सट्रैक्ट ट्रांसफॉर्म एंड लोड। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बताया है। ये काफी थोड़ा सा जब डेटा आपको क्लीन नहीं मिलता तब आपको इसके लिए SQL का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको थोड़ा पाइथन का भी नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे डेटा को इंपोर्ट करते हो। तो आई होप आपको एक छोटा सा बेसिक सा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। और इस तरह से हमने 11.1, 2 और 3 कंप्लीट ये तीनों स्टेप्स को देख लिया है। अब हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट लेवल पे, जहां पर हम लोग विजुलाइजेशन मॉडल बनाएंगे, जहां पर हम लोग इस डैशबोर्ड को जो आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा है वो हम लोग यहाँ पे क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो आप लोगों को मैं एक बार यहाँ पे रिकॉल कर देता हूँ। स्टेप नंबर 1 हम लोगों ने डेटा को इम्पोर्ट किया, स्टेप नंबर 2 हम लोगों ने इसके रिलेशंस को देखा और डेटा को ट्रांसफॉर्म किया, डेटा को यहाँ पे जो हम लोग शिफ्ट किए या क्लीन किए या हम लोग कह ले पावर क्वेरी एडिटर को हम लोग यहाँ पे यूज किए। डेटा क्लीनिंग एक बहुत बड़ा स्टेप होता है, बट इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल मैंने आपको बताया जिसमें से हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट किए जो हमारा डेट था उसे ईयर के रूप में। अब हम लोग स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे, जहां पर हम लोग डेवलप करेंगे अपने विजुलाइजेशन मॉडल को, जो आप लोग को यहाँ पर 3 लेक्चर में देखने मिलेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट जो स्टेप है उस पर मूव करते हैं, जिसमें हम लोग सीखते हैं कि हम लोग कैसे यहाँ पर डेवलप करते हैं इस डेटा को विजुलाइजेशन मॉडल के अंदर। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर डेवलपिंग विजुलाइजेशन मॉडल को स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पर 11.4, 5 और 6 3 पार्ट में से जो है डिवाइड कर दिया है। जैसे आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं 11.4 के अंदर स्लाइजर कार्ड और इंसर्ट बैकग्राउंड का आपको फॉर्मेटिंग दिख रहा है। तो आप लोगों को पता है ये जो है स्लाइजर है, आप लोगों ने यदि कंप्लीट प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा, नहीं तो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा भी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये स्लाइजर है, वैसे यहाँ पे ये जो है कार्ड है 1 2 3
एंड 4। तो और उसके पीछे आपको यहाँ पे बैकग्राउंड दिख रहा है, उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पे अमेजोन का लोगो दिख रहा है। तो हम लोग यहाँ पे कुछ फॉर्मेटिंग कर लेंगे और यहाँ पर फर्स्ट पार्ट के अंदर 11.4 के अंदर यहाँ पे बैकग्राउंड को सेट कर लेंगे। तो आप लोग यहाँ पर 11.4 के अंदर ये जो है इस चीजों को सीख लेंगे। फिर 11.5 के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पाई चार्ट, डोनट चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट है, मतलब कि आपका पाई चार्ट हो गया, फिर ये आपका डोनट चार्ट हो गया, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों का स्टैक कॉलम चार्ट है, इन तीनों को हम लोग इसके बाद वाले स्टेप में बनाएंगे। फिर जो हमारा लास्ट स्टेप होगा आप लोग को यहाँ पर जो दिख रहा है 11.6 क्लस्टर बार चार्ट मैप और फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर क्लस्टर बार चार्ट लॉस का और प्रॉफिट का ये बनाएंगे और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा मैप है उसे हम लोग बनाएंगे। इस तरीके से इस डैशबोर्ड को हम लोग स्टेप बाय स्टेप जो है उसे फॉलो करेंगे। तो अभी हम लोग एक काम करते हैं, 11.4 को स्टार्ट करते हैं हमारे पावर बी आई सॉफ्टवेयर के अंदर, आप भी मेरे साथ साथ करिएगा। इससे पहले हम लोगों ने डेटा को पूरी तरीके से क्लीन और प्रोसेसिंग को समझ लिया है, हम लोगों ने एकदम एग्जाम्पल से एकदम सैंपल डेटा से इसे लिया हुआ है, जिससे कि आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन पार्ट मिल जाए कि कैसे हम लोग डेटा को क्लीन करते हैं, पावर क्वेरी कैसे यूज करते हैं। इसके जो हैवी और रियल डेटा क्लीनिंग है इसको हम लोग आगे चलकर देखेंगे, बट मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप लोग को मैं यहाँ पर कंप्लीट एक रिपोर्ट बताऊं, इसलिए मैं आप लोग को यहाँ पे एंड टू एंड प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, डेटा इंपोर्ट से लेके आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट रिपोर्ट बनाते तक और उसके बाद इस रिपोर्ट को पब्लिश करते तक जब तक आप लाइव डैशबोर्ड पे इसे बनाएंगे। तो चलिए हम लोग विजुलाइजेशन को मॉडल से ऐसे बनाते हैं। सो यहाँ पर हम लोग अपने विजुलाइजेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे स्लाइजर लेना है, मैं आप लोग को बता दूं जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूज कर रहे होंगे, ये आइकन है आपका स्लाइजर का, इस पे मुझे जाकर क्लिक करना होता है। इस स्लाइजर के आइकन को मैं यहाँ पे जो है क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे एम्प्टी सेक्शन जो है मेरा ओपन हो जाता है। जैसे यहाँ एम्प्टी सेक्शन ओपन होता है तो आप लोग को पता है कि यहाँ पे फील्ड्स एड करनी होती है, और जो न्यू यूजर है उनको मैं बता दूं कि यहाँ पर कभी भी मैं नए आइकन को क्लिक करता हूँ ये बहुत ईजी है। एक बार मैं क्लिक किया या एम्प्टी सेक्शन ओपन हो गया, इस एम्प्टी सेक्शन पे मुझे डेटा जो है एड ऑन करना होता है तो मैं यहाँ पे ईयर को एड ऑन कर रहा हूँ। ये जो ईयर है इसको मैं उठाऊंगा अपने माउस की हेल्प से और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ अपडेट हो चुका है, ये वही ईयर है जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर लास्ट लेक्चर में 11.3 के अंदर यहाँ पर मैंने जो है इसे जो एक्सट्रैक्ट करके निकाला था मेरे ऑर्डर डेट से। इस तरीके से मुझे यहाँ पे यूज करना था इसलिए मैंने यहाँ पे इसे निकाला। उसके बाद आप लोग को मैं यहाँ बता दूं कि कभी भी हम लोग यहाँ पे किसी भी चीज को यूज करते हैं, जो नए जो मेरे यूजर्स हैं, नए जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो लोग देख पा रहे होंगे इसको, तो यहाँ पर आता है आपके पास फॉर्मेट एंड योर विजुअल्स। जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा स्लाइजर पे तो स्लाइजर पे मैंने फील्ड को अपडेट कर दी, बट यहाँ पे फॉर्मेट योर विजुअल्स पे जाऊंगा और यहाँ पर मैं जो विजुअल्स है उसकी जो स्टाइलिंग है या फॉर्मेटिंग है उसे यहाँ पे चेंज करूंगा या अपडेट करूंगा। तो इसको आपको यहाँ पे देखना चाहिए, स्लाइजर सेटिंग्स पे मैं जा रहा हूँ, यहाँ वर्टिकल की जगह मैं हॉरिजॉन्टल को क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख पाएंगे आप लोग को जो अभी चेकबॉक्स में शो हो रहा था वर्टिकल, वो आपको हॉरिजॉन्टल यहाँ पे शो हो रहा है, आप इसे अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेट कर ले। आप लोग को यहाँ पर इसे प्लेस करना है अपने रिपोर्ट के अंदर, तो आप यहाँ पर इसे रख लें। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें आप लोगों को जो टाइटल है वो यहाँ पे जाना है जनरल के अंदर, विजुअल होता है जनरल होता है। पावर बी आई इसके जो विजुलाइजेशन है इसके आइकन वगैरह अपडेट करते रहता है, चेंज करते रहता है। जब मैं आपको बता रहा हूँ ये तब ये इस तरीके से दिख रहा है, बट कभी आप लोग को ये शो ना हो तो आप लोग यहाँ पे विजुअल्स के अंदर जाकर फॉर्मेट विजुअल देख सकते हैं, या फिर ऊपर आपको सर्च बॉक्स यहाँ पर मिलता है इससे भी आप सर्च कर सकते हैं, कोई टूल्स आपको नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जा रहा हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पे जनरल में जाता हूँ और टाइटल को ऑन कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे जो टाइटल है इसको यहाँ पे कुछ टाइटल लिख लेता हूँ। जैसे आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं मैंने ईयर वाइज सेल्स अमेजोन ग्लोबल सुपर डैशबोर्ड यहाँ पे जो है लिखा हुआ है, इस तरीके से मैं यहाँ टाइटल को लिख लिया। टाइटल को यहाँ पे मैं जो है मैं सेंटर में डाल देता हूँ। इस तरीके से मुझे यहाँ पे विजुअल्स में जाना है, विजुअल्स में जाने के बाद स्लाइजर का जो हेडर है ये ऑन है इसलिए यहाँ पे ईयर दिख रहा है, इस हेडर को मैं ऑफ कर लेता हूँ। ये जो हेडर है कहने का मतलब ये जो मेरा जो ये जो फील्ड है ये जो आपका जो नाम है जो कॉलम का ये आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है हेडर का नाम, इसको मैं ऑफ कर लेता हूँ। इसको मैं ऑफ कर लिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अलग से टाइटल दे दिया और यहाँ पे जो है यहाँ पे मेरा हॉरिजॉन्टल सेक्शन बना हुआ है। अब एक काम करते हैं हम लोग थोड़ी इसकी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ये बहुत सिंपल सिंपल सा लग रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी मैंने स्लाइजर को जो है इसे इनेबल कर दिया है, मैंने यहाँ पर जाकर ब्लैंक पेज पे क्लिक किया है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये आपको फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज दिख रहा है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ एक बार इसको। आप लोग यहाँ पर देखिए ये फॉर्मेट का जो पेज है इस पर हम लोग जाएंगे और इस पर हम लोग बैकग्राउंड जो है उसे चेंज कर लेंगे। मैं यहाँ पे जाकर क्लिक कर लेता हूँ फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज, यहाँ पर कैनवास का बैकग्राउंड है आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं।
नीचे यहाँ पर इमेज को आप फॉर्मेट के अंदर डालेंगे और इसे अपलोड अपडेट कर देंगे। वैसे यहाँ पे वॉलपेपर का सेटिंग है, तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये जो वॉलपेपर वाला सेक्शन है आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है, इसके अंदर मैं इमेज को इम्पोर्ट कर लेता हूँ। तो मुझे यहाँ पे जाना है इमेज के अंदर, मैंने पहले से इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है, आप भी इसे इंटरनेट से निकाल कर डाउनलोड कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको थीम देना है। यहाँ पर इस इमेज को मैंने ले लिया, अब यहाँ पर इमेज फिट आ रहा है नॉर्मल और समथिंग अलग, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आते हैं, यहाँ पे फिट आता है, फिल आता है। मैं आप फिल पे क्लिक कर रहा हूँ तो आपके कंप्लीट पेज में यहाँ पर एक बैकग्राउंड बन चुका है। तो मैंने यहाँ पे बैकग्राउंड को ले लिया। इस बैकग्राउंड को लेने के बाद हम लोग एक काम करते हैं, इस जो ये जो आपको जो यहाँ पे स्लाइजर दिख रहा है इसकी भी थोड़ी फॉर्मेटिंग को हम लोग सेट कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जाता हूँ, यहाँ पर जाने के बाद मैं स्लाइजर की सेटिंग्स पे जाकर जनरल में जाता हूँ और यहाँ इफेक्ट्स में जाता हूँ। इफेक्ट्स में जाने के बाद आपको बैकग्राउंड दिख रहा है, बैकग्राउंड कलर जो है मुझे यहाँ पे जो है ब्लैक कलर लेना है, मैंने ब्लैक कलर ले लिया, आप लोग को यहाँ पे दिख रहा है ब्लैक कलर। और उसकी जो ट्रांसपेरेंसी है इसको मैं 70% कर देता हूँ, जिससे कि थोड़ा सा मुझे यहाँ पे शेडेड फॉर्मेट जो है यहाँ पे शो करे। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं मैंने इसे जो 70% जो है इसे यहाँ पे 70% कर लिया। अब इसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे विजुअल बॉर्डर आ रहा है, इस विजुअल बॉर्डर को मैं ऑन कर लेता हूँ और यहाँ कलर में जाता हूँ और इसके जो बॉर्डर है इसको थोड़ा सा ऑरेंज जो है ऑरेंज कलर यहाँ पे जो है यूज कर लेता हूँ और इसके जो राउंड कॉर्नर है इसे मैं ऑन कर लेता हूँ। आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो ऑरेंज है यहाँ पर इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे राउंड कॉर्नर हो चुका है, ऑरेंज सेक्शन हो चुका है। अब हम लोग जाते हैं यहाँ पे शेडो पे, मैं शेडो भी ऑन कर लेता हूँ और चाहूंगा कि शेडो भी मेरे थीम से रिलेटेड हो, इसलिए मैं भी इसको ऑरेंज कर लेता हूँ शेडो पे। और आउटसाइड में जाने के बाद मैं यहाँ पे कस्टम जो सेंटर है इसको मैं सेंटर क्लिक कर लेता हूँ। इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है सारे के सारे इफेक्ट्स जो है इसे इनपुट दे दे रहा हूँ। इसके बाद आप देखिए टाइटल मेरा जो है यहाँ पे हाइड हो चुका है, तो मैं टाइटल का जो कलर है इसका जो टेक्स्ट कलर है इसको मैं यहाँ पे व्हाइट कर लेता हूँ, जिससे अच्छे तरीके से यहाँ पे शो हो पाए। अब आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये जो है थोड़ा सा आपको स्टाइलिश लुक में दिख रहा है, जैसा भी आप यहाँ पे रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हम लोगों ने ईयर वाइज जो है एक स्लाइजर को यहाँ पे बना लिया है सक्सेसफुली। अब हम लोग इसके जो नेक्स्ट पार्ट है उस पर चलते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग इस स्लाइजर के साथ यहाँ पे कार्ड कैसे बनाएंगे। सो हम लोगों को यहाँ पर स्लाइजर के बाद एक कार्ड बनाना है, तो मैं एक काम करता हूँ इसको क्लिक करता हूँ स्लाइजर को, उसके बाद मैं होम पे जाता हूँ, होम पे जाने के बाद मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। ये मैंने कॉपी पेस्ट इसलिए किया और इसका डुप्लीकेट इसलिए बनाया क्योंकि मुझे जब कार्ड बनाना हो तो मुझे अगेन से ये जो थीम है इसे फिर से फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। मैंने स्लाइजर पे क्लिक किया और उसके बाद मैं यहाँ पर जाकर जो है ये जो मेरा कार्ड का जो ये आइकन है इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं मैंने फिर से फॉर्मेटिंग ना करना पड़े, इसके लिए मैंने यहाँ पर जो है इसे कॉपी पेस्ट करके रख लिया है। बट अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ इंसर्ट पे जाते हैं ऊपर और यहाँ पर इमेज पे जाते हैं और यहाँ पे जो हमारा जो लोगो है इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ है, इसको यहाँ पे मैं इम्पोर्ट कर देता हूँ। मैं जैसे इस लोगो को इम्पोर्ट करूंगा यहाँ पर तो ये शो हो जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी इमेज को यहाँ पे इंसर्ट में ला सकते हैं और इस इमेज पे भी आप कोई भी लिंक या हाइपरलिंक वगैरह डाल सकते हैं। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे तब, तो आप लोग को अभी इसकी जरूरत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर उसे उठाकर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे जो है रख दे रहा हूँ, जिससे कि आप यहाँ पे थीम को रिलेट कर सको। तो हम लोग एक काम करते हैं अभी इसकी कंप्लीट एक फॉर्मेटिंग बना लेते हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लोगो डाल दिया, आप लोग को यहाँ पे लोगो शो हो रहा है। अब जो मेरा लोगो है, जैसे मान लीजिए मैं नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड बनाता तो मैं रेड और ब्लैक थीम रखता, बट मैं यहाँ पे जो है आपको ऑरेंज यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर आप लोगो में देख रहे हैं एक कलर आप लोग को यहाँ शो हो रहा है, इसीलिए मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से जो मैंने चॉइस भी किया हुआ है जो मेरा बैकग्राउंड है वॉलपेपर है उसको, ताकि वो ऑरेंज और ब्राउनिश टाइप से रहे। अब आप देखिए यहाँ पर मेरा जो कार्ड है बन चुका है और यहाँ पे जो मेरा स्लाइजर है बन चुका है। अब इस स्लाइजर में 2012, 13, 14, 15 आप लोग को जो शो हो रहा है यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि जो स्लाइजर है इस पे ये बहुत छोटा छोटा दिख रहा है। तो एक काम करते हैं इसको हम लोग जाके फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पर आप लोग को लेकर जाता हूँ इफेक्ट्स के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर हम लोग जाएंगे, प्रॉपर्टीज के अंदर पोजिशन या फिर एडवांस ऑप्शन हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो आप यहाँ पे कई सारे चेंजेस कर सकते हैं, जैसे मैंने इफेक्ट्स के अंदर चेंज किया, टाइटल मैंने अपडेट किया, उसके अलावा यहाँ पे हेडर के आइकन्स वगैरह आप लोग को यहाँ पे शो होते हैं, आप कई सारे यहाँ पे फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्लाइजर सेटिंग पे जा रहा हूँ, सिलेक्शन पे जा रहा हूँ, आप लोग को यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मैंने पहले बताया हुआ है। सो मैं यहाँ पर जाकर वैल्यू पे जाता हूँ, वैल्यू पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे जो वैल्यू है इस पे जाने के बाद यहाँ पर जो आपको जो
फॉन्ट के साइज है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पर इंक्रीज कर रहा हूँ इसको बोल्ड जो है इसे क्लिक कर देना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अच्छे तरीके से 2012 से 2015 तक वैल्यू मुझे यहाँ पे शो हो रही है। आप यहाँ पे फॉन्ट के कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, पैडिंग वैल्यू चेंज कर सकते हैं, आप ये जो बॉर्डर्स हैं इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पे लाइन की विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं आप लोग को जैसे यहाँ पे शो हो रहा है। यहाँ पर आप और हाइलाइटर के लिए और भी कलर्स को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जैसे मैं आप लोग को यहाँ पे शो करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे कई भी या कोई भी क्रिएटिविटी को यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। सो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पे स्लाइजर बना चुका है और इसकी फॉर्मेटिंग को अच्छी तरीके से कर चुके हैं। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे कार्ड पे। अब ये जो कार्ड है, ये जो आपका कार्ड है, इसको हम लोग को चार कार्ड्स बनाने हैं यहाँ पे, क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग को बनाना है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं। सो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग को यहाँ पे चार कार्ड बनाने हैं। आप लोग जैसे देख रहे हैं, मैंने यहाँ लोगो डाल दिया, मैंने यहाँ पे ऊपर स्लाइजर बना दिया। अब मुझे 1, 2, 3, 4 कार्ड्स बनाना है, मतलब सेल्स प्रोजेक्शन दिखाना है, प्रोडक्ट की यूनिट या क्वांटिटी जो है वो दिखाना है, केपीआई रेटिंग और रिटर्न्स दिखाना है। तो चलिए एक एक करके हम लोग करते हैं यहाँ पर। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पर जो हमारे जो कार्ड्स हैं, जैसे सेल प्रोजेक्शन, प्रोडक्ट यूनिट क्वांटिटी, केपीआई रेटिंग, रिटर्न्स, इसे बनाते हैं। मैंने यहाँ पर एक जो है इसे कॉपी करके रख लिया था ताकि इस थीम को मुझे फिर से जो है कॉपी यहाँ पे ना करना पड़े। तो हम लोग यहाँ पर जाके इसकी फॉर्मेटिंग को देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, ये जो फील्ड है इसमें से मैं फर्स्ट ईयर जो इसे हटा देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे सेल्स दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सेल्स को एड ऑन कर लेता हूँ, मेरा डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे सेल्स का डेटा आप लोग को दिख रहा है। टाइटल मुझे चेंज करना होगा, मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, यहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। मैं पहले यहाँ पे जो कलर है इसे चेंज कर लेता हूँ, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो कॉल आउट वैल्यू है इसके अंदर जाकर मैंने यहाँ पे कलर ऐसे चेंज कर लिया, तो यहाँ पर अच्छे तरीके से मुझे शो हो रहा है। नीचे मुझे सेल्स दिखा रहा है, कैटेगरी लेबल जो यहाँ पर जो हेडिंग है वो मुझे ये नई चीजें मैं से ऑफ कर लेता हूँ। आप लोग को यहाँ पर जो है शो हो रहा था नीचे में, आप लोग को एक बार मैं दिखा देता हूँ जो मोबाइल पर देख रहे होंगे, मैं एक बार फिर से ऑन करके दिखा देता हूँ। मैं इसे ऑन कर देता हूँ, कलर चेंज कर देता हूँ। आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे नीचे आपको सेल्स दिख रहा है यहाँ पर नीचे में, ये आप एक्चुअल में आपका हेडर है जो आप लोगों ने यहाँ पे यूज किया हुआ है सेल्स का, वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे शो होता है। मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है इसलिए मैं इसे ऑफ कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मुझे हेडर है इसका जो टाइटल है इसे मुझे चेंज करना है, तो मैं यहाँ पे इस टाइटल में लिख लेता हूँ सेल्स प्रोजेक्शन। मैं यहाँ पे सेल्स प्रोजेक्शन यहाँ पे लिख चुका हूँ और इससे मैं थोड़ा बोल्ड करके इसकी थोड़ी हेडिंग है इससे मैं अपडेट कर देता हूँ, जिससे कि मुझे अच्छी तरीके से यहाँ पे जो विजिबल हो पाए मेरा फर्स्ट कार्ड। इस तरीके से मैंने यहाँ पे कार्ड को बना लिया है और इसी कार्ड को मैं यहाँ पे जो है कॉपी कर लेता हूँ और तरीके से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मैंने जो सेल्स प्रोजेक्शन है इसको यहाँ पे बना लिया है और एक बार कॉपी पेस्ट कर लिया, तो फर्स्ट कार्ड को मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ जिससे कि यहाँ पे अच्छे तरीके से विजिबल हो पाए। हम लोगों ने यहाँ सेल्स प्रोजेक्शन दिखा दिया है, अब हम लोग का जो सेकंड कार्ड है उसको भी मैं यहाँ पे जो है एड ऑन कर लेता हूँ, जिससे कि मुझे बार बार बनाना ना पड़े। हम लोग केवल यहाँ पे वैल्यू जो है उसे चेंज कर देंगे यहाँ पर। इस तरीके से हमारा जो कार्ड है इसको हम लोग यहाँ पे सेट कर लेते हैं, और एक बार कार्ड को सेट हो जाने के बाद आप यहाँ पर इसे अच्छे तरीके से बनाकर देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे दो कार्ड सेट हो चुके हैं, मुझे जो सेकंड कार्ड है उस पर क्या वैल्यू डालना है वो मैं देख लेता हूँ। सो इस डैशबोर्ड को हम लोग बना रहे हैं, इस डैशबोर्ड में सेल्स प्रोजेक्शन मैंने यहाँ दिखा दिया है, अब मुझे प्रोडक्ट की यूनिट या क्वांटिटी दिखाना है। तो मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये आप लोग को सेल्स प्रोजेक्शन दिख रहा है, यहाँ पे मैं जाके पहले इसे रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे जाना है टाइटल के अंदर, टाइटल में जाकर मुझे यहाँ पे रीनेम करना है, मुझे यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की क्वांटिटी दिखाना है या यूनिट बोल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ प्रोडक्ट यूनिट, तो आप लोग को यहाँ पर हेडिंग चेंज हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे विजुअल्स पे जाता हूँ, यहाँ पर जाके मैं जो वैल्यू है चेंज कर देता हूँ। अब मुझे प्रोडक्ट की क्वांटिटी दिखाना है, यहाँ पे यूनिट दिखाना है, तो यहाँ पे मुझे क्या एड ऑन करना होगा, मुझे यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड करना होगा कि मेरा प्रोडक्ट कितना है। तो यहाँ पर आप लोग जाएंगे, आप लोग को यहाँ पर दिखेगा प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट आईडी। तो मैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को ऐड कर लिया, प्रोडक्ट नेम को ऐड करूंगा तो यहाँ पे जो मेरा डेटा है वो कंप्लीट टैक्स डेटा दिख रहा है। आप लोग को यहाँ पे टैक्स डेटा दिख रहा है, आप लोग को यहाँ पे शो होगा टैक्स डेटा। तो मुझे यहाँ पे जाना पड़ेगा काउंट पे और काउंट पे क्लिक करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे काउंट देख सकते हैं कि जो टैक्स है काउंट में चेंज हो गया, मतलब कि प्रोडक्ट कितना प्रोडक्ट मेरा बिका है यहाँ पे वो यूनिट वाइज यहाँ पे मुझे शो हो रहा है। अब मुझे सेकंड जो थर्ड है उसको केपीआई रेटिंग बनाना है, तो मुझे मैं एक काम करता हूँ वापस से मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ ताकि मुझे फिर से फॉर्मेटिंग ना करना पड़े। यदि मैं फॉर्मेटिंग नहीं करूंगा तो यहाँ पे मेरा टाइम बच जाएगा, इसलिए मैं इसे यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ और मैं यहाँ पे केपीआई रेटिंग मुझे दिखाना है, तो यहाँ पर मैं जाकर KPI जो रेटिंग है उसकी हेडिंग यहाँ पे डाल देता हूँ। मान लीजिए मुझे यहाँ पे KPI क्वांटिटी की दिखाना है, ओके कि कितना मेरा सेल्स हुआ है क्वांटिटी वाइज, तो मैं यहाँ KPI लिख दिया।
केपीआई लिखने के बाद मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर इसको सबसे पहले आकर मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है उसे एड ऑन कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ क्वांटिटी को उठा के फील्ड्स के अंदर एड ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे केपीआई जो है मेरा, यहाँ पर केपीआई इंडिकेटर जो है वो शो रहा है एक कार्ट के अंदर। अब मैं एक और काम करता हूँ, यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ और वापस से यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और फोर्थ वाला जो मेरा कार्ड है उसको भी मैं यहाँ पे जो है क्रिएट कर लेता हूँ। उसके बाद इसके छोटे मोटे बेसिक फंक्शंस हम लोग देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे रुपीस का सिंबल नहीं आ रहा है, वो हम लोग कैसे लेकर आएंगे आप लोग को मैं एक बार शो कर देता हूँ। यहाँ पर जा रहे हैं जिस डैशबोर्ड को हम लोग एक्चुअल में बनाना चाह रहे हैं, मैं उसी का यहाँ पर आप लोग को सेम टू सेम डैशबोर्ड बनाकर बता रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे सेल्स बना लिया, प्रोडक्ट का यूनिट और क्वांटिटी यहाँ पे शो कर दिया, केपीआई रेटिंग शो कर दी, हम लोग का रिटर्न ऑर्डर कितना है वो हम मुझे यहाँ पे शो करना है। एक्चुअल में जो जो चीज हमें यहाँ पे दिखानी होती है वो चीज मैं यहाँ पर एड ऑन कर रहा हूँ। सो मुझे यहाँ पर जो रिटर्न ऑर्डर है उसे दिखाना है। तो मुझे रिटर्न ऑर्डर कैसे दिखाऊंगा मैं यहाँ पर, जो मेरी जो डेट है आप लोग को यहाँ पे जो डेट है, जो मेरी डेट आई थी, जो मेरी रिटर्न वाली डेट है उसको मैं यहाँ पे एड ऑन करूंगा। जैसे आप शिपमेंट डेट को यहाँ पे एड ऑन करिए, शिपमेंट डेट को आप एड ऑन करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप यहाँ पे ना काउंट करेंगे। तो इसमें हम लोग दिखाएंगे कि रिटर्न ऑर्डर कैसे हमारा बन रहा है। मैं पहले जाके इसके जो टाइटल है इसको यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, इसके बाद एक साथ हम लोग इसके जो फंक्शन है उसे देखेंगे, जो हमारे केपीआई के जो फंक्शन दिख रहे हैं, जो मेरा जो मैंने एड ऑन किया शिपमेंट डेट। तो मैं रिटर्न डेट जो है या रिटर्न डेट या फिर मैं जैसे शिपमेंट डेट ही ले लेता हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये बड़ा हो जा रहा है, तो एक काम करते हैं इसको रिटर्न ही रहने देते हैं जिससे कि मुझे यहाँ पे विजिबल करने में आसानी हो। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर जो है चार कार्ड बना चुके हैं। अब इस कार्ड के बाजू में हम लोग को यहाँ मैप भी बनाना है, इसीलिए थोड़ा सा इसे रिसाइज करना होगा। तो मैं इसे रिसाइज कर लेता हूँ थोड़ा, जिससे कि यहाँ जगह बन जाए। और क्योंकि यहाँ पर आप देखिए बाजू में हम लोग को मैप भी रखना है, इसीलिए आप लोग को मैंने यहाँ पे जो विजुलाइजेशन के टूल्स बताए हुए हैं प्लेलिस्ट के अंदर, वो ऐसे टूल्स भी बताए हुए हैं जिसके अंदर एक के अंदर भी दूसरा चीज बन सकता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर ड्रिल थ्रू और ड्रिल अप के फंक्शंस देखे हुए हैं हमारे कार्ड में, इस तरीके से हम लोग यहाँ पे कुछ पैरामीटर जो है इसे शो कर दिए हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि अब हमने कार्ड, हमने जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर यहाँ पर हम लोगों ने लोगो डाल दिया, बैकग्राउंड डाल दिया, स्लाइजर बना दिया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पे चार कार्ड के अंदर चार अलग अलग वैल्यू डाल दी। अब मुझे क्या करना है, 2013 पे क्लिक करना है। मैं जैसे 2013 पे क्लिक करता हूँ आप लोग यहाँ देखिएगा, 2013 पे क्लिक करने के बाद आप देखिए सारे के सारे जो कार्ड है वो अपडेट होते जा रहे हैं। आप देखिए यहाँ 2013 में जैसे मैं क्लिक किया ऐसा कलर भी चेंज हो गया बटन का, और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि प्रोडक्ट यूनिट कितना बिका, केपीआई क्या है मेरा, रिटर्न ऑर्डर कितना है और मेरा सेल्स प्रोजेक्शन कितना है, ये सारे वैल्यू यहाँ पे मुझे शो हो रहे हैं। वैसे मैं मान लीजिए 2013 के या 2015 देखना चाहूँ, मैं 2015 यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो 2015 के अकॉर्डिंग ये जो कार्ड्स हैं वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। इसका ये मतलब है कि हमारे जो दोनों कनेक्शंस हैं वो प्रॉपर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं और अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। सो आप लोग यहाँ पे कनेक्शन भी देख सकते हैं एक दूसरे के साथ जो कनेक्टेड है वो आप लोग यहाँ से भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो कंप्लीट एक फर्स्ट पार्ट है वो बन चुका है। इसमें हम लोगों को जो देखना है वो ये देखना है, अभी जो बचा हुआ जो है जिसको आगे चलकर हम लोग देखेंगे वो यहाँ पे रुपीस का सिंबल नहीं आ रहा है, ये मिलियंस पे आ रहा है। जबकि हम लोग यहाँ पे जो है रुपीस का सिंबल दिखाएं, यहाँ पर आप रुपीस का सिंबल कैसे लाएंगे ये हम लोग देखेंगे। और इसके बाद वाला जो पार्ट है आप लोग को मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, इसके बाद वाला जो पार्ट है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं 11.4 के अंदर हम लोगों ने जो देखा है स्लाइजर कार्ड इंसर्ट बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग देखी है, जो 11.4 के अंदर हम लोग अभी बना रहे हैं, जो लगभग लगभग हमारा हो चुका है, स्लाइजर हो चुका है, कार्ड हो चुका है और इंसर्ट बैकग्राउंड हो चुका है। अब 11.5 में इसी को हम लोग आगे नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, पाई चार्ट, डोनट चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट। वो कौन कौन से चार्ट है, ये आपके पाई चार्ट है, ये आपका डोनट चार्ट है और ये आपका जो है आपका स्टैक कॉलम चार्ट है, इसको हम लोग बनाकर देखेंगे। और उसके अलावा इसमें केवल एक ही चीज रह गई है जो है यहाँ पे रुपीज का सिंबल, जिसको हम लोग बहुत जल्दी देख लेंगे। तो पहले एक काम करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्रिएट करते हैं, यहाँ पे दोनों पाई चार्ट को बना लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा जो नेक्स्ट लेवल ऑफ चार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं, फिर हम लोग इसकी और भी फॉर्मेटिंग को देख लेंगे। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पर 11.5 की तरफ चलते हैं और ये जो हम लोगों ने बनाया हुआ था इसमें एड ऑन करते हैं हमारे पाई चार्ट को। अब देखिए पाई चार्ट के लिए मैं यहाँ पे एक जो पाई चार्ट है इसको यहाँ पे एड ऑन करता हूँ। अब यदि इस तरीके से मैं पाई चार्ट को बनाऊंगा और यहाँ पे वैल्यू एड ऑन करूंगा, मुझे वैल्यू कौन सी एड ऑन करना है तो मैं आप लोग को यहाँ पे बता दूं, मुझे यहाँ सेल्स बाई सेगमेंट और सेल्स बाई मार्केट शो करना है। मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे रिपीट भी कर दूं, हम लोग 11.4 के अंदर स्लाइजर कार्ड और इंसर्ट बैकग्राउंड वगैरह देख चुके हैं,
11.5 के अंदर हम लोग पाई चार्ट, डोनर चार्ट और स्टैक कॉलम चार्ट बनाएंगे, जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। पाई चार्ट को सेल्स बाय सेगमेंट हम लोग को दिखाना है और सेल्स बाय मार्केट यहाँ पे डोनर चार्ट दिखाना है, तो हम लोग इन दोनों को क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एम्प्टी जो सेक्शन है पाई चार्ट का, उसको एड ऑन करके दिखाता हूँ। अब ये जो एम्प्टी सेक्शन है, इसमें मुझे दो वैल्यू डालना है, सेल्स की वैल्यू डालना है और यहाँ पर लेजेंड के अंदर जो है मुझे सेगमेंट की दिखाना है। तो मैं यहाँ पे सेगमेंट एड ऑन कर लेता हूँ लेजेंड के अंदर और यहाँ पे मुझे सेल्स दिखाना है, तो मैं यहाँ पे सेल्स की वैल्यू एड ऑन कर लेता हूँ। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका पाई चार्ट बन तो चुका है, बट ये थीम से रिलेटेड एकदम नहीं दिख रहा है। अब मुझे पूरी फॉर्मेटिंग फिर से करनी पड़ेगी, इसलिए मैं इसी चीज को क्या कर रहा हूँ, मैं इसी थीम को फिर से ना बनाना पड़ेगा करके मैं इसको जो है क्लिक कर रहा हूँ, इसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ और इसको कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जैसे मैं पेस्ट पे क्लिक किया तो यही थीम मेरी यहाँ पे जो है एक्टिवेट हो चुकी है। अब मैं इस पे क्या करूंगा, आपका भी समय बचेगा यदि आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसको जो है पाई चार्ट में क्लिक कर लेना है ले जाके आइकन पे, तो ये जो आपका पाई चार्ट है यहाँ पे एड ऑन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे वैल्यू एड ऑन करूंगा तो इस थीम के अंदर मेरी वैल्यू एड ऑन होगी। क्या वैल्यू एड ऑन करना है मुझे, लेजेंड के अंदर जाना है, लेजेंड के अंदर मुझे जो सेल्स है और जो वैल्यू है इसको एड ऑन करना है, तो वैल्यू में सेल्स ले लेता हूँ और लेजेंड के अंदर मैं जाके सेगमेंट को एड ऑन कर लेता हूँ। तो मुझे क्या है, सेल्स और सेगमेंट यहाँ पर थीम के अकॉर्डिंग मिल गया, मुझे यहाँ पे थीम फिर से सेट नहीं करना पड़ा। यदि मैं पूरा की पूरा यहाँ पे इस तरीके से करता तो मुझे यहाँ पे पूरा फिर से फॉर्मेटिंग करना पड़ता। अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इस पाई में जा रहा हूँ, मैं टाइटल को पहले चेंज कर लेता हूँ, जाकर जनरल में जाता हूँ मैं टाइटल में और यहाँ टाइटल पे क्लिक करके मैं जो मेरी हेडिंग है उसको लिख लेता हूँ सेल्स बाय सेगमेंट। सो मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है और यहाँ पर मुझे ये जो सेगमेंट और ये कलर है ये अच्छे तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो इसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। इसको देखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, विजुअल्स में जाना पड़ेगा। आप लोग को यहाँ डिटेल लेबल दिख रहा है ऑन, इसको मैं यदि ऑफ कर दूंगा तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे पूरा डिटेल लेबल मेरा ऑफ हो चुका है। तो यहाँ पर आप लोग को यहाँ पे परसेंटेज और कंप्लीट यहाँ पे सेल्स की वैल्यू भी दिखा रही है। तो एक काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे वैल्यू पे जाते हैं और इसके थोड़े जो फॉन्ट की जो साइज है इसको थोड़ा इंक्रीज कर देते हैं, आप यहाँ पे थोड़ा अच्छे तरीके से इसे देख पा रहे होंगे। और उसके बाद डिटेल लेबल के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं स्लाइजेस है, आप यहाँ पे अलग अलग कलर जो है चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लेजेंड के अंदर जाकर आप जो सेंटर राइट आप लोग को दिख रहा है, ये जो आप लोग को दिख रहा है, ये आप चाहे तो इसे बॉटम सेंटर में भी डाल सकते हैं, जिससे कि नीचे आप लोग को शो करे। आप लोग को यहाँ नीचे शो कर रहा है, तो आपको मैं यहाँ पे कलर जो है चेंज करके दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग को अच्छे तरीके से यहाँ विजिबल हो पाए। तो मैं यहाँ टेक्स्ट पे जाता हूँ, इस पे जो कलर है इसका कलर को चेंज कर लेता हूँ और उसकी साइज को भी थोड़ा इंक्रीज कर लेता हूँ। तो आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं बॉटम में थोड़ा अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट हो रहा है, तो मैं यहाँ पर जो है इसे एड ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से मेरा सेल्स बाय सेगमेंट बन चुका है। अब आप देख सकते हैं मैंने थीम वाइज लिया हुआ था, इसी थीम को कॉपी पेस्ट किया था, तो जिसके कारण मुझे यहाँ पर जो है वापस से वर्क नहीं करना पड़ा। इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेल्स बाय सेगमेंट हो चुका है। सो चलिए पाई चार्ट के बाद हम लोग यहाँ पे डोनट चार्ट बनाते हैं। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे सेल्स बाय मार्केट पे डोनट चार्ट बनाना है। हम लोगों ने यहाँ पर हमारे जो स्लाइड है इसमें भी देख लेते हैं 11.4 के अंदर स्लाइजर कार्ड और बैकग्राउंड हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया था, पाई चार्ट हमारा बन चुका है। अब हम लोग डोनट चार्ट बनाते हैं। डोनट चार्ट में आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हम लोग सेल्स बाय मार्केट दिखाएं, जैसे कि मान लीजिए एशिया, यूरोप और अफ्रीका, इसके अकॉर्डिंग हम लोग को सेल्स देखना है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे डोनट चार्ट क्रिएट करते हैं। सो यहाँ पर मैं आप लोग को शो कर दूं कि डोनट चार्ट का आइकन कहाँ पर आप लोग को शो होता है, ये आपका पाई चार्ट के जस्ट बाजू में यहाँ पे डोनट चार्ट का आइकन है। इस आइकन पर आपको जाकर जो है क्लिक करना है। जैसे ही मैं इस आइकन पे क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे यहाँ पर एम्प्टी सेक्शन जो है मेरा ओपन हो जाएगा, बट ये एम्प्टी सेक्शन में मुझे फिर से पूरी फॉर्मेटिंग करनी पड़ेगी। जैसे मैंने पाई चार्ट में भी आपको बताया था, बैकग्राउंड चेंज करना पड़ेगा, बॉर्डर बनाना पड़ेगा, तो हमारे थीम से यहाँ पे बार बार मुझे वही वर्क करना पड़ेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको रिमूव कर लेता हूँ और इसी को मैं जाकर यहाँ पे कॉपी और पेस्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, कॉपी को क्लिक करता हूँ, उसके बाद देन पेस्ट वाला जो सिंबल है इसे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरा को सेम इसका जो है कॉपी पेस्ट हो चुका है और मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग फिर से नहीं करनी होगी। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर जाकर मुझे सेल्स बाय मार्केट शो करना है। तो पहले यहाँ पे सेल्स की वैल्यू तो पहले से है, बट सेगमेंट को मैं हटा के यहाँ पे मार्केट है उसको एड ऑन कर लेता हूँ। डोनट चार्ट हम लोग पहले पढ़ चुके हैं प्लेलिस्ट में, इसलिए मैं इसका वर्किंग को नहीं बता रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे जाके डोनट चार्ट को क्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा मार्केट यहाँ पे आ चुका है, बट टाइटल को मुझे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे जाके टाइटल को भी चेंज कर लेता हूँ, जनरल में जाता हूँ,
पैटल में जाके सेल्स बाय मार्केट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ। सो हम लोग यहाँ पे सेल्स बाय मार्केट जो है इसको यहाँ पे शो कर चुके हैं। अब आप देखिए यहाँ पे मार्केट के अकॉर्डिंग यहाँ पे एशिया यूरोप और यहाँ पे सेल्स दिखा रहा है, यहाँ सेगमेंट के अकॉर्डिंग सेल्स दिखा रहा है, कस्टमर कॉर्पोरेट और होम ऑफिस। तो आप यहाँ पे जैसे 2013 पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कंप्लीट 2013 का यहाँ पर आप लोग को जो है डैशबोर्ड या मेरा रिपोर्ट एक्टिवेट हो चुका है। ये आपको केवल 2013 का सेल्स दिखा रहा है। यहाँ पर यदि मैं 2013 के सेल्स में जाकर एक मार्केट के रीजन को क्लिक करूंगा एशिया के, इसको जैसे मैं क्लिक करूंगा तो आप देख पाएंगे कि मेरा डैशबोर्ड अच्छी तरीके से और अपडेट हो चुका है। तो इस तरीके से यहाँ पे रिपोर्ट को हम लोग एनालिसिस करेंगे लास्ट में चल के। तो इस तरीके से मुझे आप लोग को यहाँ पे बताना था, तो इस तरीके से हमारा पाई चार्ट जो बन चुका है, डोनट चार्ट बन चुका है। अब हमें जो नीचे जो है क्लस्टर कॉलम चार्ट बनाना है, जिसके लिए मेरे पास जगह कम दिख रही है। सो हम लोग एक काम करते हैं, ये जो पाई चार्ट है इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं और हमारा जो डोनट चार्ट है इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं, जिससे कि नीचे मुझे जो है शो करने में आसानी हो और यहाँ पे जो गैप्स है उसे फुलफिल कर लेते हैं एक बार, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो हमारा कॉलम चार्ट है उसे यहाँ पे जो क्रिएट करके देखेंगे। सो इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रीअरेंज कर लिया है, जिससे कि यहाँ पे थोड़ी जगह बन जाए नीचे में और हम लोग यहाँ पर जो है एक जो चार्ट है उसको हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर सके। हमारा जो इसके अंदर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर हम लोग प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम दिखाएं, जो हमारा 11.5 का थर्ड पार्ट होगा स्टैक कॉलम चार्ट। तो चलिए हम लोग उसे क्रिएट करते हैं स्टैक कॉलम चार्ट को, और यहाँ पर जो प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम है इसको यहाँ पर जो है बनाकर देखते हैं। सो यहाँ पर जो हमें स्टैक कॉलम चार्ट बनाना है वो प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम बनाना है। सो यहाँ पर हम लोग पहले जो है हमारा स्टैक कॉलम चार्ट उसे यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो मैं यहाँ पर स्टैक कॉलम चार्ट को यहाँ पर जो है पहले इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पर एक स्टैक कॉलम चार्ट का जो एम्प्टी सेक्शन है उसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। मैं यहाँ पे आइकन भी आप लोग को शो करके दिखा देता हूँ। ये आपका एक आइकन है स्टैक कॉलम चार्ट का, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपको आइकन दिख रहा है स्टैक कॉलम चार्ट का। इसको मैंने एम्प्टी सेक्शन लिया है और इसके अंदर ही सबसे पहले मैं आप लोग को बनाकर दिखाता हूँ। तो आप लोग को क्या करना है, इस स्टैक कॉलम चार्ट के अंदर एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और लेजेंड पे वैल्यू डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को जो हमारा कस्टमर है और जो हमारा कस्टमर का जो सेल्स हुआ है, प्रोडक्ट का जो नाम है, वो हम लोग को यहाँ पे शो करना है। एक बार हम लोग देख भी लेते हैं उसे, प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम हम लोग को यहाँ शो करना है, मतलब कस्टमर नेम यहाँ पर शो हो रहा है आपको एक्स एक्सेस में, प्रॉफिट आपके वाई एक्सेस में शो हो रहा है। चलिए हम लोग यहाँ पर एक काम करते हैं, एक्स एक्सेस में हमारा कस्टमर नेम जो है उसको हम लोग एड ऑन कर लेते हैं। कस्टमर तो बहुत सारे होंगे और प्रॉफिट भी होगा, बहुत सारा होगा यहाँ पे रॉ डेटा। तो आप देखिए यहाँ पे आपको जो शो हो रहा है यहाँ पर प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम, ये बहुत बड़ा शो हो रहा है। आप लोग यहाँ पर देखिए, मैं आप लोग को बड़ा करके दिखाता हूँ, ये बहुत बड़ा यहाँ पे शो हो रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, केवल 10 चाहिए स्टार्टिंग के, जो मुझे जो है यहाँ पे केवल 10 चाहिए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसे फिल्टर आउट करना पड़ेगा। ये फिल्टर आउट कैसे होगा ये हम लोग देख लेते हैं, बट आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि एक स्टैक कॉलम चार्ट को हम लोग कैसे यहाँ पे बना रहे हैं। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले इसको जो है यहाँ पर जो है इसे इस तरीके से यहाँ पर जो है बनाकर रख देता हूँ। अभी यहाँ पर हम लोगों ने फिल्टर नहीं लगाया है, ये कंप्लीट हमें जो 10 जो डेटा है वो हम लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फिल्टर पहले यूज करते हैं और इसको यहाँ पर बनाकर देखते हैं ये कैसे यहाँ पर बनेगा। सो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग इसे यहाँ पर प्लेस करेंगे तो हम लोगों को वापस से जो है यहाँ पर वर्क करना पड़ जाएगा फॉर्मेटिंग पे। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जैसे हम लोग करते हुए आए। आप लोग भी यहाँ पे जो है इसी तरीके से करिए, जिससे आप लोग का टाइम बचे। मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया हूँ और कॉपी करने के बाद मुझे यहाँ पे जो है कमांड जो देना है, मेरे जो स्टैक कॉलम चार्ट का कमांड देना है, इसको मैं यहाँ पे आइकन पे क्लिक कर देता हूँ तो मेरे पूरे फीचर्स हैं अपडेट हो जाएंगे स्टैक कॉलम चार्ट के अकॉर्डिंग। बट मुझे प्रॉफिट बाई कस्टमर नेम यहाँ पे दिखाना है, तो मैं काम करूंगा यहाँ पे वैल्यू को एड ऑन करूंगा एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में, जैसे मैंने आप लोग को यहाँ पे शो किया है। तो आप लोग देखिए यहाँ पे एक्स एक्सेस में मुझे क्या करना है, कस्टमर नेम एड ऑन करना है। पहले मैं दोनों को यहाँ पे हाइड कर हटा लेता हूँ, यहाँ पे दोनों को मैं एम्प्टी कर लेता हूँ। अब मुझे कस्टमर नेम यहाँ पर डालना है एक्स एक्सेस में, एक्स एक्सेस में मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे कस्टमर नेम को एड ऑन कर ले रहा हूँ। उसके बाद वाई एक्सेस के अंदर जाकर मैं मुझे प्रॉफिट है उसको एड ऑन कर लेना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्स और वाई एक्सेस मैंने दोनों बना लिया है, बट ये बहुत बड़ा है, रीड करने में भी मुझे परेशानी हो रही है। तब मैं इसे फिल्टर यूज करूंगा, मैंने इसमें फिल्टर यूज नहीं किया था, मैंने सेम वर्क यहाँ पे किया है, बस फॉर्मेटिंग फिर से ना करना पड़े इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से शो किया है। अब मैं फिल्टर पे जा रहा हूँ, फिल्टर पे जाने के बाद मैं यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पे फिल्टर्स ऑन विजुअल्स आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। मैं यहाँ पर जाऊंगा और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे कस्टमर नेम जो है आप लोग को यहाँ शो हो रहा है, यहाँ बेसिक फिल्टरिंग पे जाऊंगा, टॉप एंड पे क्लिक करूंगा,
टॉप एन यहाँ पे आएगा, मतलब मैं एन मतलब नंबर्स, मैं टॉप 10 जो है प्रॉफिट देखना चाहता हूँ, तो मैं बाय वैल्यू के अंदर यहाँ पर जो है प्रॉफिट को ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा। मैंने कंप्लीट यूनिट पढ़ाई है फिल्टर्स की, इसलिए मैं यहाँ डिटेल में आप लोग को नहीं बता रहा हूँ, बट आप लोग को मैं यहाँ बता दूं कि मैं यहाँ पे यह क्या कर रहा हूँ, फिल्टर के अंदर जा रहा हूँ। फिल्टर में सबसे पहला जो मेरा कस्टमर नेम है उसको मैंने क्लिक किया, फिल्टर टाइप के अंदर गया, मैं यहाँ पे टॉप एन को यूज किया। टॉप एन में मैं टॉप 10 दिखाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे 10 वैल्यू डाल देता, यहाँ पे प्रॉफिट दिखाना चाहता हूँ तो इसलिए मैंने बाय वैल्यू के अंदर उठा के यहाँ पे प्रॉफिट एड ऑन किया। अब मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ, जैसे ही मैं अप्लाई फिल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टॉप 10 जो है मेरे कस्टमर के नेम यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो क्या यहाँ पे टॉप 5 मुझे शो करना है तो क्या करना होगा, आप देखिए इतने सारे जो मेरे कस्टमर्स थे, इतने सारे जो मेरे कस्टमर थे, आप लोग को मैं यहाँ पे हाइट जो है बड़ा करके दिखा देता हूँ, इसमें से मैं टॉप 10 यहाँ पर एक बेसिक फिल्टर यूज करते हुए दिखा दे रहा हूँ। अब यहाँ पर यदि मुझे 5 दिखाना होगा तो मैं यहाँ पे बस कुछ नहीं 5 को टाइप करूंगा और अप्लाई फिल्टर पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे टॉप 5 जो है सेल्स जो है यहाँ पे प्रॉफिट जो है कस्टमर के अकॉर्डिंग दिखाएगा। तो मैं यहाँ पर जा रहा हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं यहाँ पे जो 10 है इसको वापस से क्लिक कर लेता हूँ, वापस से यहाँ पे जो फिल्टर इसमें मैं 10 को एड ऑन कर लेता हूँ। मैंने अप्लाई फिल्टर के अंदर जाके 10 एड ऑन कर लिया और मुझे यहाँ पे टाइटल भी चेंज करना है, मुझे प्रॉफिट बाई जो है सेल्स यहाँ पे शो करना है तो मैं टाइटल में जाकर यहाँ पे शो कर देता हूँ, प्रॉफिट बाई सेल्स में टाइप कर लेता हूँ। सो माफ करिएगा, यहाँ पे प्रॉफिट बाई कस्टमर नेम है ना कि प्रॉफिट बाई जो है सेल्स है, तो मैं भी यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ प्रॉफिट बाई कस्टमर नेम। तो यहाँ पर आप इस तरीके से जो है टाइटल भी दे दीजिए और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ये जो नाम है, आप लोग को यहाँ जो फिगर अच्छे तरीके से यहाँ शो नहीं हो रहा है तो चलिए इसको भी हम लोग इसकी फॉर्मेटिंग को हाईलाइट कर देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे फॉर्मेटिंग के अंदर जाना है, फिल्टर का काम हो गया तो मैं यहाँ पे इसे जो है शट डाउन कर लेता हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है इसे मैक्सिमाइज और मिनिमाइज कर सकते हैं, सॉरी मैंने शट डाउन कह दिया था, इसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप जो है जाकर जो आपके जो कॉलम्स हैं और जो आपकी जो फॉर्मेटिंग है इसको आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जूम स्लाइडर में ऑन करूंगा तो मेरे को क्या है यहाँ पे जूम ऑप्शन मिल जाएगा, मैं इस तरीके से यहाँ पे जूम आउट और जूम इन करके हर चीजों को यहाँ पे देख पाऊंगा। इस तरीके से आप इस अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर लीजिए। मैं वाई एक्सेस के अंदर जा रहा हूँ, ये वाई एक्सेस है मेरा और यहाँ पे वैल्यू के अंदर जा रहा हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसे व्हाइट कलर कर देता हूँ जिससे अच्छे तरीके से शो आप लोग को दिख रहा होगा, 0K, 5K, 10K यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पर जाकर मैं इसे जो है इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर लेता हूँ, आप लोग को यहाँ पे अच्छे तरीके से शो हो पाए, जिससे यहाँ पे फॉन्ट साइज मैंने इंक्रीज कर लिया। अब मुझे वाई एक्सेस जो है उसके बाद एक्स एक्सेस पे जाना है, एक्स एक्सेस पे मैं जाकर यहाँ पर जो वैल्यू है इसको भी मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर जाकर मैं इसे व्हाइट कलर कर लेता हूँ जिससे कि नीचे यहाँ पे नाम जो अच्छे तरीके से शो हो पाए। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर क्या क्या बना लिया है इसको एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं। हम लोगों ने यहाँ पर जो क्रिएट कर लिया है हमारे जो कस्टमर है उन लोगों का यहाँ पर जो है ये जो आपका जो चार्ट है इसको हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया है जिसको हम लोग स्टैक कॉलम चार्ट कहते हैं। हम लोगों ने यहाँ पे डोनट चार्ट बना लिया है, हम लोगों ने यहाँ पे पाई चार्ट बना लिया है, उसी के पहले हम लोगों ने यहाँ पे जो है चारों कार्ड बना लिए थे और उसके पहले हम लोगों ने स्लाइजर बना लिया। अब मैं काम करता हूँ 2013 पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा ये 2013 के अकॉर्डिंग मेरा डैशबोर्ड अपडेट हुआ है। मैं 2013 के सेल्स बाय मार्केट में, मतलब मान लीजिए मेरा जो मार्केट है एशिया का मार्केट है आप लोग को यहाँ दिख रहा है, एशिया के मार्केट पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ देख पाऊंगा 2013 के अंदर एशिया के मार्केट में मेरे जो टॉप 10 कस्टमर है उसमें से कौन कौन से ये जो कस्टमर है वो कौन कौन से यहाँ पे प्रॉफिटेबल कस्टमर है। तो आप लोग को यहाँ पे दिखा रहा है ये जो आपका कस्टमर है वो आपका प्रॉफिटेबल कस्टमर है टॉप 10 में से। इस तरीके से आप कोई भी एल्गोरिथम या कोई भी प्रोबेबिलिटी बनाकर यहाँ पर अच्छी तरीके से डेटा को एनालिसिस कर सकते हो और एक डेटा में से रिजल्ट निकाल सकते हो। तो आपको मैं यहाँ पे डैशबोर्ड बता रहा हूँ और साथ ही साथ केस स्टडी को भी यहाँ पे जो आप लोग को पैलर टू पैलर समझा रहा हूँ। लास्ट में जब पूरा डैशबोर्ड बन जाएगा तो हम लोग यहाँ पे जो डेटा है उसमें से देखेंगे कि कौन कौन सा डेटा को हम लोग यहाँ पे एनालिसिस करके जो है एक्सपोर्ट करके अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं, इस डेटा को कैसे अच्छे तरीके से हम लोग विजुअलाइजेशन के थ्रू कई सारे रिजल्ट जो हैं जो हिडन रिजल्ट्स हैं उसको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सो चलिए अब हम लोग जो है 11.4 और 11.5 दोनों ही चीज यहाँ पर कर चुके हैं, आप लोग को मैं यहाँ शो भी कर दूं 11.4 और 11.5। 11.4 के अंदर हम लोगों ने कार्ड
इंसर्ट बैकग्राउंड सारी चीजें कर ली थी। 11.5 के अंदर हम लोगों ने पाई चार्ट, डोनट चार्ट और उसके साथ स्टैक कॉलम चार्ट, इन तीनों चीजों को कर लिया है। जो डैशबोर्ड मैं आप लोग को यहाँ पे फॉलो करा रहा हूँ उस डैशबोर्ड में भी आप लोग देख सकते हैं जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर हम लोगों ने क्या क्या बनाया। इस तरीके से हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट बनाया जो हम लोग का 11.4 लेक्चर था। उसके बाद हम लोग क्या किए, 11.4 लेक्चर के बाद 11.5 लेक्चर में यहाँ पर हम लोगों ने दो ये जो है आपका पाई चार्ट और डोनट चार्ट बनाया और उसके बाद यहाँ पे जो हमारा कस्टर्ड चार्ट बनाया, कस्टर्ड कॉलम चार्ट हमने बनाया। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो नेक्स्ट जो हमारा यूनिट होगा या फिर हमारा जो पहले नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट लेवल भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग एक एक करके हम लोग जो है इसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लोग यहाँ पर कस्टर्ड कॉलम चार्ट कह दिया था इसे, ये स्टैक कॉलम चार्ट है। अब हम लोग यहाँ पर क्लस्टर बार चार्ट बनाएंगे जो आपको यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट दोनों दिखाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे मैप बनाएंगे, आप लोग को यहाँ पे मैप दिख रहा है, उसके बाद छोटी मोटी इसकी फॉर्मेटिंग देख लेंगे और उसके बाद हम लोग इसके वर्ड्स देख लेंगे। जैसे यहाँ पे फॉर्मेटिंग कहने का मतलब यहाँ पे रुपीज का सिंबल डालना है, यहाँ पर मुझे और कुछ भी फंक्शंस आप लोग को बताने हैं, वो सारी चीजें हम लोग इसके नेक्स्ट लेक्चर में देख लेंगे जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा 11.6 होगा। इसके बाद हमारी रिपोर्ट पूरी बन जाएगी। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट नंबर 12 के अंदर हमारे डैशबोर्ड के फंक्शन पे। तो इस तरीके से हमारा जो कंप्लीट प्रोजेक्ट है एंड टू एंड प्रोजेक्ट चल रहा है। यदि आप इसको मर्ज करके एक साथ देख रहे हैं तो आप लोग को इसके पहले यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 मिलेगी जिसमें सारे फंक्शन को और डिटेल में मैंने बताया है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं 11.6 स्टेप में जिसमें हम लोग क्लस्टर बार चार्ट को बनाना सीखेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर 11.6 के अंदर हमारा नेक्स्ट पार्ट जो है क्लस्टर बार चार्ट और हमारा जो मैप है और फॉर्मेटिंग रिपोर्ट है इसको हम लोग बनाना सीखते हैं। सो मैं आप लोग को बता दूं कि यहाँ पर अभी जो हम लोग करने वाले हैं, आप लोग को यहाँ पर जो शो हो रहा है लॉस बाय प्रोडक्ट नेम बनाएंगे, फिर प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट नेम बनाएंगे। एक्चुअल में ये टॉप 5 जो है प्रॉफिट है और टॉप 5 लॉसेज हैं, या फिर टॉप लेस जो आपके जो लॉसेज हैं वो आप लोग को यहाँ पे शो करेंगे। उसके बाद यहाँ पे मैप कैसे बनता है वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर डैशबोर्ड के अंदर, और उसके बाद हमारा ये कंप्लीट रिपोर्ट जो है वो क्रिएट हो जाएगा क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बाकी चीजें जो है वो कर ली है। तो यहाँ पे रिपोर्ट जब क्रिएट हो जाएगा तो हम लोग इस रिपोर्ट को एनालिसिस करेंगे और इसका डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं वो भी देखेंगे इसी यूनिट के अंदर जो आप लोग को 11.6 यूनिट मिलने वाली है। तो चलिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और इसे सीखते हैं कि कैसे हम लोग यहाँ पे थर्ड पार्ट के अंदर अपनी रिपोर्ट को कंप्लीट करेंगे। सो हम लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट नेम बनाना है। तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे यहाँ पर जो है कॉपी पेस्ट करना होगा, थोड़ी सी इसे यहाँ पर जो है जगह बनानी होगी जिससे कि मुझे अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल हो पाए जो मैं यहाँ पे और दो भी यहाँ पे जो चार्ट बनाऊंगा वो। तो मैं एक काम करता हूँ, इससे पहले कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर, आपको भी यहाँ पे कॉपी कर लेना है जिससे कि आपका थोड़ा समय बच जाए। उसके बाद यहाँ पर जाके मैं पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मुझे सेम यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पर कॉपी पेस्ट होने के बाद मैं इसे थोड़ा रिसाइज कर लेता हूँ जिससे कि यहाँ पे दो बॉक्स बन जाए, क्योंकि मुझे यहाँ पे दो चीजें जो है वो बनानी है। मुझे जो दो बनाना है यहाँ पे, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा आइकन क्लस्टर बार चार्ट का, ये मुझे बनाना है। तो मैं इसे दो बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फिर हम लोग इस पे जो है वैल्यू को एड ऑन करते हैं। सो इस तरह से मैंने यहाँ पर दो चार्ट को कॉपी पेस्ट कर लिया है और एक बार जाकर इसे रिसाइज कर लेता हूँ जिससे कि यहाँ पे अच्छे तरीके से जो मेरे जो विजुअल है वो बन पाए। आप लोग को इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, यदि आप लोग को ये शो नहीं होता है तो इसे जूम आउट कैसे करना है ये मैं आप लोग को बता दूंगा। आप लोग देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे पाई चार्ट बनाया है, पाई चार्ट के ऊपर में आपका फोकस मोड है, इसको जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो क्या होगा, ये कंप्लीट पाई चार्ट जो है मेरा यहाँ पे एनलार्ज होकर शो हो जाएगा। तो आप लोग को यहाँ पर कोई चिंता करने की बात नहीं है, हम लोग डैशबोर्ड पे पिन करेंगे तो मैं आप लोग को इस पर मोबाइल व्यू कैसे करते हैं वो भी बता दूंगा। मैं यहाँ पर अभी एक बार सेट आउट कर लेता हूँ जिससे कि यहाँ पर मैं जो है प्रोडक्ट का जो नेम है और प्रॉफिट और लॉस है इसको मैं यहाँ पे शो कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने जो है कंप्लीट इसको एड ऑन कर लिया है। तो अब हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोगों को प्रोडक्ट नेम के साथ प्रॉफिट जो है वो हम लोग को यहाँ शो करना है। तो जो मेरा प्रॉफिट और प्रोडक्ट नेम है तो एक्स एक्सेस में मेरा प्रॉफिट है, वाई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट नेम है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम लोग वैल्यू को एड ऑन कर लेते हैं। एक्स एक्सेस के अंदर मेरा प्रॉफिट है आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा है और यहाँ पे जो है मेरा कस्टमर नेम है। तो मुझे यहाँ पे शो क्या करना है, नीचे में प्रॉफिट शो करना है एक्स एक्सेस में और ऊपर में प्रोडक्ट नेम शो करना है। तो यहाँ पर मैं कस्टमर नेम को हटा देता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को एड ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे प्रोडक्ट नेम एड ऑन हो गया। उसी तरीके से मैं यहाँ पर भी जाकर कस्टमर नेम को हटा लेता हूँ और यहाँ पे प्रोडक्ट नेम को एड ऑन कर लेता हूँ। इन दोनों को एड ऑन करने के बाद मैं ऊपर में जाकर यहाँ पे जो टाइटल है दोनों के चेंज कर लेता हूँ।
यहाँ पर जाते हैं हम लोग प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम जहाँ पर लिखा हुआ है, इसे प्रॉफिट बाय जो है हमारा प्रोडक्ट नेम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं टाइटल में जाता हूँ, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट कर लेता हूँ, प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट यहाँ पे जो है टाइप कर लेता हूँ। एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे फिल्टर भी यूज करते हैं, और यहाँ पे फिल्टर पे हम लोग एक काम करते हैं, इस फिल्टर में जब हम लोग इसे यूज करेंगे ना तो टॉप 5 यहाँ पे प्रॉफिट दिखाता हूँ मैं आप लोगों को, जिससे कि आप लोग को और अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे 5 जो है हेडिंग भी मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पे टॉप 5 प्रॉफिट दिखाता हूँ बाय प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के अंदर जो प्रॉफिट है टॉप 5 यहाँ देखेंगे। और यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पर बॉटम देखते हैं, बॉटम 5 प्रॉफिट कितने हैं। तो यहाँ पे मैं जाता हूँ जनरल के अंदर, और यहाँ पर जाकर मैं जो है बॉटम 5 प्रॉफिट जो है मैं यहाँ पर टाइप कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे टॉप 5 प्रॉफिट और टॉप बॉटम 5 प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पर केवल अभी टाइटल डाले हुए हैं, बट आप लोग को मैं यहाँ पे बताऊं, जब मैं इसे बड़ा करूंगा, इसीलिए अभी आप लोग को ये टॉप 5 दिख रहा है, ये फिल्टर इसमें लगा नहीं है, मैं बड़ा करूंगा तो आपको यहाँ पर इतना सारा चीजें जो दिख रही है, बट मुझे हमेशा टॉप 5 देखना है। मान लीजिए मैं टॉप 5 यहाँ पे देखना है प्रोडक्ट 2013 के, 2014 के, 2015 के, तो वो कैसे देखेंगे? हम लोग को इस पे क्लिक करना है, फिल्टर्स पे जाना है। विजुलाइजेशन का काम खत्म हो गया, मैं इसे बंद कर देता हूँ, फील्ड्स को भी बंद कर देता हूँ। यहाँ पर मैं जैसे ही गया, यहाँ पर जाने के बाद मेरे को कस्टमर नेम दिख रहा है, इस कस्टमर नेम में मैं जाऊंगा यहाँ पर, और यहाँ पे फिल्टर ऑलरेडी लगा हुआ है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ कस्टमर नेम का बनाया हुआ था, आप लोग को यहाँ पे शो भी हो रहा है। तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे जाने के बाद इसको सबसे पहले इरेज कर दूंगा, कट कर दूं मैं इसको। कट करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम आ गया। यहाँ पर जाने के बाद फिल्टर टाइप में जाता हूँ मैं, और टॉप एंड पे जाता हूँ, और यहाँ पे 5 को टाइप कर लेता हूँ। और मुझे यहाँ पर आप लोग को बताना है कि यहाँ पे जो है बाय वैल्यू किसके साथ मैं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के साथ, मतलब टॉप 5 प्रॉफिट में मुझे टॉप 5 कौन से प्रोडक्ट है वो मुझे यहाँ देखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, प्रोडक्ट का जो नेम है उसको यहाँ एड ऑन कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे जैसे ही एड ऑन करेंगे, माय फर्स्ट प्रोडक्ट नेम यहाँ पे जो अपडेट हो चुका है वैल्यू, अप्लाई फिल्टर करता हूँ। अब आप देखिए यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जो प्रॉफिट है वहां पे अपडेट हो चुका है। इस तरीके से आप यहाँ पे एड ऑन कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ पे प्रॉफिट को एड ऑन करते हैं, जिससे कि यहाँ पे विजिबल अच्छे तरीके से हो पाए। मैं यहाँ पे प्रॉफिट को एड ऑन करता हूँ, उसके बाद मैं आपको एनलार्ज करके इसको दिखाता हूँ। मैं प्रॉफिट को एड ऑन किया, ओके, अभी आपको अच्छे तरीके से यहाँ शो हो रहा है। एक्चुअल में आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट वाइज टॉप 5 देखना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैनन का जो मेरा जो एडवांस कॉपियर है वो यहाँ पे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा सेल हुआ है, फिर सिस्को का हुआ है, फिर मोटोला का हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पे जो है कंप्लीट टॉप 5 प्रॉफिट को यहाँ देख पा रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं यहाँ पे बॉटम 5 प्रॉफिट को भी यहाँ पे जो है यहाँ पे एड ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर मेरे से गड़बड़ी हुई है, यहाँ पे प्रोडक्ट में पी जो है वो यहाँ पे रह गया है, तो मैं इसको जाके पहले चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे प्रॉफिट बाय मैं यहाँ पे प्रोडक्ट जो है इसे एड ऑन कर लेता हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे जो स्पेलिंग मिस्टेक है वो यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको वापस से जाते हैं और यहाँ पे फिर से जो है फिल्टर लगाते हैं। जब वापस से जाते हैं हम लोग यहाँ पे फिर से फिल्टर लगाते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जाने के बाद इसको पहले कट कर लेते हैं। कट करने के बाद इस प्रोडक्ट नेम में जाता हूँ मैं, यहाँ बेसिक फिल्टरिंग को टॉप एंड में कन्वर्ट करता हूँ। टॉप एंड के बाद यहाँ पे 5 लिखता हूँ, और मेरे को टॉप नहीं चाहिए, बॉटम चाहिए। शो आइटम्स के अंदर मैं टॉप के अंदर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे को ड्रॉप डाउन में बॉटम का ऑप्शन आता है, मैं बॉटम को सिलेक्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पर जो मेरा अप्लाई फिल्टर है, तो यहाँ पे मैं पहले आप लोग को वैल्यू के अंदर जो है दिखाया था कि मैं यहाँ प्रोडक्ट का नेम डाला था, लेकिन प्रोडक्ट का नेम बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर मुझे जो है और जगह लगेगी, इसलिए मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया था प्रॉफिट को। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट को एड ऑन कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे टॉप 5 प्रॉफिट को देखूंगा बाय वैल्यू के साथ। तो यहाँ प्रॉफिट एड ऑन करके मैं अप्लाई फिल्टर करता हूँ, तो आप यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से आपको माइनस में दिखा रहा है कि सबसे ज्यादा कम प्रॉफिट बॉटम 5 कौन से हैं जिसमें प्रोडक्ट में प्रॉफिट कम हुआ है। इस तरीके से आप यहाँ पर जो है यहाँ पर अपडेट करके देख सकते हो टॉप 5, टॉप 10, अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कस्टमाइज करके यहाँ देख सकते हो। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बॉटम को अलग तरीके से दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पर जो विजुलाइजेशन है इस पर कुछ इफेक्ट डाल देते हैं, जिससे कि इसका जो कलर है चेंज हो जाए यहाँ पर। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर जाकर इसे ऑरेंज कर लेता हूँ, जिससे कि थीम के अकॉर्डिंग है जो आपका जो बॉटम है डिफरेंट कलर में दिखे। तो आपको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे फॉर्मेट विजुअल्स पे जा रहा हूँ। फॉर्मेट विजुअल्स पे जाके यहाँ नीचे बार्स का ऑप्शन आ रहा है, इस बार्स के ऑप्शन में जाके मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूँ, मैं इसको ऑरेंज कर लेता हूँ, जिससे कि ये डिफरेंट हो सके। यहाँ पे प्रॉफिट आपको ब्लू कलर से दिखा रहा है, ये अलग कलर से दिखा रहा है, लेकिन प्रॉफिट बाय कस्टमर नेम और टॉप 5 प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट जो दोनों एक दूसरे के साथ मैच हो चुका है, तो इसके भी जो कलर है थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
यहाँ पर हम लोग इसे ब्लू जरूर रहने देते हैं, बट इसको जो है थोड़ा सा लाइट ब्लू कर लेते हैं, जिससे कि अलग अलग ये जो है शो हो। इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे क्लस्टर बार चार्ट को बनाया है, जिसमें आप लोग को मैंने अलग अलग बताया, टॉप 5 प्रॉफिट भी बताया है और बॉटम 5 प्रॉफिट भी आप लोग को यहाँ पे शो करके बताया है। यदि आपको एनलार्ज करना है तो आप फोकस मोड पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बॉटम 5 के प्रॉफिट आपके कौन कौन से हुए हैं। और ये कंप्लीट आपका जो डैशबोर्ड है वर्क करेगा इस लेजर के अकॉर्डिंग, जो आपका एक बटन की तरह वर्क करेगा। आप 2014 पे क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ देख पाएंगे कि आपका जो कंप्लीट अपडेट है, यहाँ पे जो आपकी रिपोर्ट है कंप्लीट एक साथ अपडेट हो जाएगी 2014 के अकॉर्डिंग। और 2014 के बाद भी आप जाएंगे यहाँ पर, मान लीजिए 2014 में आप जाकर यहाँ पे क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पर मान लीजिए ये जो है आपका कस्टमर है, या फिर आपका मान लीजिए कोई कॉर्पोरेट है या होम ऑफिस है, सेगमेंट के अकॉर्डिंग आप रिजल्ट देखना चाहते हैं तो सेगमेंट को क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर और भी अपडेट हो जाएगा और फिल्टर के अंदर और फिल्टर आपका लग जाएगा और एक रिपोर्ट आपकी शो होगी यहाँ पे, टॉप 5 प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट, बॉटम 5 प्रॉफिट बाय प्रोडक्ट। इस तरीके से हम लोग इसको यूज करके भी देखेंगे। अब नेक्स्ट हमारा स्टेप बच गया है यहाँ पे रिपोर्ट के अंदर बनाने के लिए, यहाँ पर मैप, जिसको हम लोग डैशबोर्ड में कन्वर्ट करेंगे। अब हम लोग यहाँ पर मैप को बनाते हैं और देखते हैं यहाँ पे मैप को कैसे हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर पाएंगे। सो चलिए अब हम लोग यहाँ पर मैप को क्रिएट करते हैं। मैप का आइकन आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा है, आप लोग को यहाँ पर मैप का आइकन शो हो रहा है, इस तरीके से आप यहाँ पे मैप का आइकन को ला सकते हैं। बट इससे पहले हम लोग देख लें कि हम लोग जो बना रहे हैं यहाँ पे जो मैप बना रहे हैं, इसमें हम लोग को क्या क्या वैल्यू एड ऑन करनी है। आप लोग जैसे मेरे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिस डैशबोर्ड को हम लोग को क्रिएट करना है उसमें केवल अभी हमारे को जो बनाना है, जो रिपोर्ट हमको बनाना है, इस रिपोर्ट में मैप जो है यहाँ पे कुछ साइज बबल जो बड़े दिख रहे हैं और कुछ बबल छोटे दिख रहे हैं, तो हम लोग को यहाँ रीजन वाइज सेल्स को हम लोग को एड ऑन करना है। तो हम लोग का यहाँ पे 11.6 जो लेक्चर है, जिसके अंदर हम लोग को यहाँ पे मैप बना रहे हैं हम लोग, उसके बाद हम लोग फॉर्मेटिंग देख लेंगे रिपोर्ट की, उसके बाद हमारी जो रिपोर्ट है कंप्लीट हो जाएगी। इस रिपोर्ट को फिर हम लोग जो है लाइव डैशबोर्ड में जो है कन्वर्ट कैसे करते हैं, पिन कैसे करते हैं हमारे पावर बीआई सर्विस में, वो देखेंगे। तो चलिए हम लोग मैप को यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं, पहले मैंने यहाँ पे जो आपको आइकन दिख रहा है मैप का, इस पे मैंने क्लिक किया है। मैं एक बार इसे रिमूव कर देता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको विजिबल करके भी दिखा देता हूँ। जो फर्स्ट टाइम यहाँ पे यूजर है, ये आइकन है आपका मैप का, जिसको हम लोग आज यूज करेंगे। और इसके बाजू भी आप लोग को यहाँ पे जो मैप का आइकन दिखता है, जो हम लोग प्लेलिस्ट में पड़े हैं, बट अभी हम लोग जो जिस मैप को यूज कर रहे हैं वो ये वाला मैप आइकन है, आप लोग को यहाँ पे ग्लोब के फॉर्मेट में दिख रहा होगा। अब मैं एक काम करता हूँ, इस आइकन पे क्लिक करता हूँ और आपको पहले यहाँ पे मैप बनाकर दिखाता हूँ। मैंने इस आइकन पे जैसे ही क्लिक किया तो यहाँ पे एम्प्टी मैप का जो सेक्शन है ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर मुझे वैल्यू डालनी है, लोकेशन, लेजेंड, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और बबल साइज। बट मेरा जो डेटा है, इस डेटा में मेरे पास जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लोकेशन डालूंगा। लोकेशन क्या हो सकती है, मेरी रीजन हो सकती है, तो मैंने यहाँ रीजन को उठाकर डाल दिया। अब हम लोग यहाँ पे जो सेल्स है वो देखेंगे। रीजन आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ये सारे रीजन मेरे पास पहले से हैं। तो चलिए एक बार एक काम करते हैं, हम लोग बहुत देर से अपने डेटा पे भी नहीं गए, तो मैं एक काम करता हूँ, ये मैप तो मैंने यहाँ पे बना दिया है, अब मैं डेटा पे लेकर चलता हूँ आपको। ये आपका डेटा है, ठीक है। इस डेटा वाले आइकन पे क्लिक करते हैं और देखते हैं रीजन आप लोग को यहाँ है कि नहीं है। तो आप देख सकते हैं यहाँ रीजन आप लोग को शो हो रहा है, रीजन पे आप लोग को वेस्टर्न यूरोप यहाँ पे शो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे जो आपका सिंबल है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ और इस सिंबल पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर जो आप लोग को यहाँ पे ड्रॉप डाउन का जो एरो का सिंबल है, इस पे क्लिक करता हूँ। इस पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे रीजन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं। तो जो आपका रीजन है, कनाडा है, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, इस तरीके का इतना ही आपके पास रीजन है कम्प्लीट, जो आप लोग को वहां पे शो होगा। तो चलिए वापस से हम लोग अपने रिपोर्ट पे चलते हैं। इस रिपोर्ट पे जाने के बाद ये जो आपका आइकन है, इसको हम लोग रिपोर्ट आइकन कहते हैं, यहाँ पर आप लोग को शो हो रहा है। अब मुझे क्या करना है, मुझे ना यहाँ पर जो सारे के सारे जो बबल्स हैं, मुझे पता कैसे चलेगा सेल्स कहाँ ज्यादा हुआ है। तो इस बबल साइज के अंदर मैं सेल्स की जो वैल्यू है इसको एड ऑन कर दूंगा, तो जो बबल्स ज्यादा बड़ा दिखेगा मुझे, वहां पर सबसे ज्यादा सेल्स हो रहा होगा। ये हम लोग सीखे हैं जब हम लोग मैप बनाए। अब आप देख सकते हैं यूरोप के अंदर सबसे बड़ा यहाँ पर सेक्शन है, वो मुझे बड़ा बबल्स दिख रहा है। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे मैप बनाते हैं, लेकिन मैप में भी मुझे कंप्लीट फॉर्मेटिंग करनी पड़ जाएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे एक बार एक काम करता हूँ, पूरे फॉर्मेटिंग को यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ कि मैप की फॉर्मेटिंग थोड़ी डिफरेंट होती है। मैं चाहता तो कॉपी पेस्ट भी कर देता, कॉपी पेस्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आप लोग को मैप की वैल्यू को एड ऑन कर लेता, लेकिन एक काम करते हैं हम लोग इसमें फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जाता हूँ मैप सेटिंग्स के अंदर,
मैप सेटिंग्स में मैं यहाँ पे सबसे पहले जाकर आप लोग को स्टाइल के अंदर रोड एरियल डार्क लाइट और ग्रे स्केल मिल रहा है। थीम के अकॉर्डिंग डार्क आपको सही लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे जो है डार्क को एड ऑन कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे जो मेरा मैप है ये अच्छे तरीके से यहाँ पे डार्क सेगमेंट में दिख रहा है। अब एक काम करते हैं हम लोग, जो बबल साइज है यहाँ पर जाते हैं, बबल के जो थोड़ा साइज है इसको इंक्रीज कर देते हैं जिससे अच्छे तरीके से यहाँ पे विजिबल हो पाए। आप लोग को यहाँ पे बबल साइज दिख पा रहे हैं, इसका कलर को भी चेंज कर लेते हैं थीम के अकॉर्डिंग, इसको मैं ऑरेंज कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैं जाकर जो कंप्लीट मेरी फॉर्मेटिंग है इसको यहाँ पर एड ऑन कर लेता हूँ। तो मुझे फॉर्मेट पेंटर जैसे यूज करना है ना, तो मुझे क्या करना होगा, देखिए अब मैं यहाँ पे एक और फंक्शन बता देता हूँ। मैंने प्लेलिस्ट के अंदर तो बताया हुआ है कि ये फॉर्मेटिंग फिर से ना करना पड़े उसके लिए मुझे क्या करना होता है। मुझे मान लीजिए इसकी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे जो है अप्लाई करना है, तो मैं जाता हूँ, मान लीजिए मैं केपीआई को क्लिक किया, केपीआई में जो फॉर्मेटिंग है इस फॉर्मेटिंग को क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है फॉर्मेट पेंटर का। आप लोग को हाईलाइट करके मैं यहाँ पे शो कर देता हूँ, कॉपी के जस्ट नीचे में फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पे ऑप्शन आता है, इसको आपको जाकर जो है क्लिक कर लेना है इस फॉर्मेट पेंटर को। मैं फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करूंगा, तो फॉर्मेट पेंटर को क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो आपका जो पूरा फॉर्मेटिंग है इस केपीआई की वो यहाँ पे जो है कॉपी हो जाएगी मेरे पास। और जहां पे मुझे अप्लाई करना है, यहाँ पे एक ब्रश का आइकन दिख रहा है, यहाँ पर ले जाकर मैं इसे सेलेक्ट कर दूंगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ले जाकर इसे सेलेक्ट करूंगा, आप लोग को एक बार मैं शो कर देता हूँ, तो केपीआई को मैं क्लिक किया, फॉर्मेट पेंटर को मैं क्लिक किया, और मेरे को ले जाकर जो शो करना है इसी के ऊपर शो करना है, ना कि यहाँ पे शो करना है। मैं यहाँ पे जैसी जो मैं इसे क्लिक करूंगा फॉर्मेट पेंटर को, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो कंप्लीट फॉर्मेटिंग है मेरी वो अपडेट हो जाएगी। किसके अकॉर्डिंग, इसी के अकॉर्डिंग। थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है लोड होने में, क्योंकि हमारा डैशबोर्ड कंप्लीट बन चुका है, ये थोड़ा लोड होगा और मेरी फॉर्मेटिंग को यहाँ अपडेट हो जाएगा। तो अब लोग देख लेते हैं यहाँ पर, अब देख सकते हैं ये अपडेट हो चुका है। मैंने कुछ भी नहीं किया, इसी फॉर्मेटिंग को यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे जाकर जो है सेलेक्ट कर दिया, तो मुझे यहाँ पे फॉर्मेटिंग भी नहीं करनी पड़ी। तो आप इस तरीके से कॉपी पेस्ट करके शॉर्टकट भी अपना सकते हैं और फॉर्मेटिंग को भी यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट डैशबोर्ड एक लगभग बन चुका है। इस डैशबोर्ड को हम लोग यूज करके देखते हैं। आप देखिए यहाँ पर मैं 2012 पे क्लिक करता हूँ, तो आप यहाँ पर कंप्लीट देख पाएंगे मेरा जो डैशबोर्ड है, थोड़ा सा रिपोर्ट जो है, मैं इसको बार बार डैशबोर्ड बोल दे रहा हूँ बट एक्चुअल में ये रिपोर्ट है, क्योंकि डैशबोर्ड को आप लोग को पावर बीआई सर्विस के अंदर बनाना पड़ता है, जो मैं आगे चलकर अभी जस्ट इसके बाद यूनिट में बताऊंगा, यूनिट नंबर 12 में। यहाँ पर हम लोग 2012 पे क्लिक करते हैं, तो 2012 के अकॉर्डिंग मेरा पूरा बॉटम 5 जो प्रॉफिट है वो आप लोग को यहाँ अपडेट हो चुका है, टॉप 5 प्रॉफिट है यहाँ अपडेट हो चुका है। अब मान लीजिए मैं देखना चाहता हूँ 2012 की सेल्स और किस रीजन में ज्यादा सेल्स हुई है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, साउथर्न यूरोप आप लोग को दिख रहा है, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे टॉप 5 प्रॉफिट जो है, यहाँ पे प्रोडक्ट के नेम अपडेट हो जाएंगे, वैसे टॉप 5 बॉटम के जो नेम है अपडेट हो जाएंगे, यहाँ पर कस्टमर का जो नाम है अपडेट हो जाएगा। इस तरीके से जो मेरा डैशबोर्ड है कंप्लीट वर्क करेगा, जो कि एक डायनेमिक और रिस्पॉन्सिव डैशबोर्ड होगा। डायनेमिक नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि ये जो आपका जो रिपोर्ट है, मैं इसको डैशबोर्ड कह रहा हूँ बट इसको हम लोग जो रिपोर्ट है, ये आपको यहाँ पे जो आप वर्क करते हो, जो भी पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर आप वर्क करते हो, ठीक है, इसको हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, बट इसी को मैं पिन कर दूंगा पावर बीआई सर्विस के अंदर, तो ये डैशबोर्ड बन जाएगा। तो आप इसको रिपोर्ट या डैशबोर्ड भी कह सकते हैं। तो आप लोग को मैं यह बता दूं कि डायनेमिक क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो डेटा है, ये डेटा मैंने इंपोर्ट किया हुआ था एक्सेल फाइल में। यदि मैं इसका लोकल सर्वर बनाऊं और लोकल सर्वर में मैं जाकर वहां पे वैल्यू चेंज करूं, तो यहाँ पर जो मेरा डैशबोर्ड है इसकी वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। तो हमने इस यहाँ पर इस तरीके से रिपोर्ट बनाना तो सीख लिया, बट बहुत सारे फंक्शंस अभी हमारे बाकी हुए हैं जो हम लोग यूनिट नंबर 12 में देखेंगे, जो एक एक करके मैं आप लोग को बताऊंगा। तो इस तरीके से हमारी रिपोर्ट कंप्लीट हो गई है, तो हम लोग वापस से अपने पीपीटी पे जाते हैं। सो हम लोगों ने यहाँ पे पीपीटी अपनी ओपन कर ली है। पीपीटी में जैसे हम लोगों ने स्टार्ट किया था, आप लोग को मैं यहाँ पे शो करके दिखा देता हूँ, हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टार्ट किया था वो स्टार्ट इस तरीके से किया था कि 11.1, 11.2 और 11.3 के अंदर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट डेटा को प्रिपेयर करेंगे जो हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 11.4, 11.5 और 11.6 के अंदर एक डेवलप करेंगे कंप्लीट इस विजुलाइजेशन मॉडल को जो हमने यहाँ पे कर लिया। सो आप लोग को मैं ये शो करके दिखा देता हूँ, ये रिपोर्ट हमने पूरी बना ली है। अब इस रिपोर्ट को क्या करना है, हम लोग को डैशबोर्ड में कन्वर्ट करना है, जो मैं आप लोग को यूनिट नंबर 12 के अंदर बताने वाला हूँ। और जब यदि आप कंप्लीट एक साथ ये वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आप लोग को बता दूं, मैंने इससे पहले 10 यूनिट प्लेलिस्ट के अंदर पढ़ाई हुई है। यदि आपने उस प्लेलिस्ट को नहीं भी देखा है तो भी आप इसे बना सकते हैं, क्योंकि मैं इसको एंड टू एंड प्रोजेक्ट करवा रहा हूँ।
तो आप लोग यहाँ पर क्या सीखेंगे 12.1 के अंदर, हम लोग एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट यूनिट में इसे हम लोग देखेंगे। हम लोग इस पब्लिश करना सीखेंगे इस रिपोर्ट को। मैं पहले आपको बताऊंगा रिपोर्ट और डैशबोर्ड में क्या फर्क है, फिर हम लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट करेंगे इसको कैसे पीपीटी के फॉर्मेट में, पीडीएफ के फॉर्मेट में, और पीबिक्स फाइल क्या होती है कि पावर बीआई की जो फाइल होती है पीबिक्स फाइल जिसको हम लोग सेव करते हैं, तो यहाँ पर पीबिक्स फाइल बनती है। मैं आप लोग को यहाँ पे सेव भी करवा दूंगा जिससे कि आप लोग मेरे साथ साथ कर रहे होंगे तो आप लोग सेव भी करते रहे बीच बीच में जिससे कि आपकी फाइल करप्ट ना हो। फिर हम लोग क्या करेंगे अपने पूरे डैशबोर्ड में रिपोर्ट को पहले पिन करेंगे, फिर हम लोग यहाँ पे लाइव करेंगे कंप्लीट हमारे डैशबोर्ड को कंप्लीट हमारे पावर बीआई सर्विस के साथ। फिर हम लोग यहाँ पे कमेंट शेयर और सब्सक्राइब के कुछ ऑप्शन होते हैं, ये यूट्यूब का कमेंट शेयर है सब्सक्राइब नहीं है, ये पावर बीआई का है, इसको हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग रिपोर्ट को कैसे रिफ्रेश करेंगे ऑटोमेटिकली, जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ डायनेमिक डेटा में से जब आप वर्क करेंगे और रिफ्रेश करेंगे वो हम लोग देखेंगे। इसके साथ साथ हम लोग इसके मोबाइल वर्जन जो है कैसे मोबाइल में आपकी रिपोर्ट दिखेगी वो देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे फ्री डेटा के और कौन कौन से फाइल रिसोर्सेज आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं ये सारी चीजें मैं आप लोग को आगे चलकर बताऊंगा। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, इस यूनिट को हम लोग एंड करते हैं, बट उससे पहले हम लोग थोड़ा सा एक और सेक्शन देख लेते हैं हमारे फॉर्मेटिंग का। आप लोग को मैं यहाँ पे फॉर्मेटिंग रिपोर्ट दिखा रहा हूँ, फॉर्मेटिंग का सेक्शन देख लेते हैं इस रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, और उसके बाद मैं आप लोग को छोटे मोटे फंक्शन यहाँ बता देता हूँ। देखिए फॉर्मेटिंग कहने का मतलब ये है कि मैंने एक बैकग्राउंड लिया और उस बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे जो थीम है उसे एड ऑन कर दिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ इस डैशबोर्ड वन को मैं यहाँ पे जो है डुप्लीकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा डुप्लीकेट पेज पे जाऊंगा और मैं इसे डुप्लीकेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही मेरा जो डैशबोर्ड है बन चुका है, थोड़ा टाइम लेगा लोड लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे नाम चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा जाकर जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं रीनेम कर देता हूँ और यहाँ पे डैशबोर्ड यहाँ पे डैश टू कर देता हूँ और यहाँ पे फॉर्मेटिंग लिख देता हूँ। ओके तो आप लोग यहाँ पे देखिए फॉर्मेटिंग कहने का मतलब कुछ नहीं होता है, यहाँ पर बस मैं बैकग्राउंड चेंज करूंगा और आप लोग को मैं यहाँ फॉर्मेट पेंटर तो बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसके अंदर मैं जाकर दूसरा बैकग्राउंड चेंज करता हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ क्लिक करता हूँ मेरा जो डैशबोर्ड है उस पर मैं यहाँ पे जाकर क्लिक करता हूँ, विजुलाइजेशन के अंदर मैं जाता हूँ और यहाँ जो पेज है फॉर्मेट या रिपोर्ट पेज इसके अंदर जाता हूँ, वॉलपेपर में जाता हूँ, इस वॉलपेपर को मैं हटा देता हूँ, यहाँ पर मैं नया वॉलपेपर अपडेट करता हूँ। जैसे आप लोग को मैं यहाँ नया वॉलपेपर अपडेट करके दिखाता हूँ, जैसे मुझे एक और थीम चाहिए कोई डार्क थीम मैं ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ अपडेट कर देता हूँ। इस वॉलपेपर को जैसे मैं यहाँ पे एड ऑन करूंगा तो आप देख सकते हैं पूरी थीम मेरी चेंज हो चुकी है। तो इस तरीके से आपको जो फॉर्मेटिंग है और अच्छा रिप्रेजेंटेशन है उसको अच्छी तरीके से बनाए रखना है जिससे कि आपका कंप्लीट डैशबोर्ड अट्रैक्टिव दिखे और अच्छी तरीके से दिखे। तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, अब आप इसे नोटिस करिए। मैं यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ, मैं जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो आप लोग को यहाँ पे थ्री डॉट्स दिखते हैं, इस थ्री डॉट्स पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर आपको शॉर्ट एक्सेस, एक्सपोर्ट डेटा, कई सारे फंक्शंस दिख रहे होंगे। ये सारे फंक्शंस से रिलेटेड मैंने कंप्लीट प्लेलिस्ट आप लोग को बता दी है, जो लोग नहीं देखे होंगे उसे देख लीजिएगा। और यहाँ पर आप लोग को एनलार्ज करने का ऑप्शन, डैशबोर्ड को पिन करने का ऑप्शन और कई सारे ऑप्शंस हम लोग देखेंगे। तो इस तरीके से आप अपने डैशबोर्ड को क्रिएटिविटी के साथ बनाइए, ये अच्छी अच्छी रिपोर्ट बन रही है, इसको हम लोग रिपोर्ट कहेंगे और इसी को मैं कन्वर्ट करवाऊंगा डैशबोर्ड पे जो पावर बीआई सर्विस होगी। आप लोग को ये जो मैं करवा रहा हूँ पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर करा रहा हूँ, आप लोग को इसको इंस्टॉल करना है और विदाउट साइन इन किए। आप लोग यहाँ देख सकते हैं मैंने साइन इन नहीं किया हुआ है, उसको साइन इन बिना किए हुए मैं यहाँ पर जो एक रिपोर्ट को बना रहा हूँ जो आगे चलकर डैशबोर्ड का हमारा जो रूप है वो ले लेती है। तो इस तरीके से हम लोग पावर बीआई सर्विस में यूनिट नंबर 12 के अंदर देखेंगे जो बचे हुए हमारे फंक्शंस हैं और इसी तरीके से आप थीम वाइज कंप्लीट रिपोर्ट को बनाइए जो एक अट्रैक्टिव रिपोर्ट आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करे आपके डेटा को। तो चलिए हम लोग मिलते हैं यूनिट नंबर 12 के अंदर और अपने कंप्लीट डैशबोर्ड फंक्शन को कंप्लीट करते हैं। सो हमने यहाँ पर यूनिट नंबर 11 कंप्लीट कर लिया, अब यूनिट नंबर 12 के अंदर हम लोग अपने डैशबोर्ड पे जाएंगे और इसी रिपोर्ट को हम लोग कन्वर्ट करेंगे, अपने डैशबोर्ड के फंक्शंस को सीखेंगे। सो अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप की ओर जो होगा हमारा डैशबोर्ड के फंक्शंस। आपको मैं पहले बता दूं कि पावर बीआई जो है हमारा पावर बीआई आप लोगों को दो सर्विस प्रोवाइड करता है। एक जो पहली सर्विस होती है एक होता है आपका पावर बीआई का डेस्कटॉप जिसपे हम लोग अभी काम कर रहे हैं। इस डेस्कटॉप में आप इसे इंस्टॉल करते हैं और आप इसे अपने कंप्यूटर सिस्टम पर इस पे काम करते हैं। सेकेंड होता है आपका पावर बीआई का सर्विस। ये पावर बीआई सर्विस क्या होता है कि आपको जो है
आपको जो ये कंप्लीट जो डेटा सेट है जिसमें मैंने आपको अभी वर्क करके बताया और आपने इसे जो है इंपोर्ट किया अपने इस पावर बीआई डेस्कटॉप में, अब ये जो आप यहाँ पे जो चीजें बना रहे हैं इसको हम लोग कहते हैं रिपोर्ट। अब इस रिपोर्ट को हम लोग पब्लिश करते हैं, यही हम लोग 12.1 के अंदर देखेंगे। इस रिपोर्ट को हम लोग पब्लिश करते हैं कहाँ पे, पावर बीआई सर्विस के अंदर। अब पावर बीआई सर्विस का यहाँ पे मेन रोल ये हो जाता है कि आपके डेस्कटॉप में जो चीजें हैं वो तो एक्सेस केवल आप देख पाएंगे, बट आप मान लीजिए एक रियल टाइम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मान लीजिए आप किसी अमेजोन के यहाँ पे समथिंग किसी डेटा पे काम कर रहे हैं, तो उस डेटा का एक्सेस आपको मेल करके नहीं दिया जाएगा, उस डेटा का एक्सेस आपको पावर बीआई सर्विस के अंदर इंटीग्रेटेड करके दिया जाएगा, जिसमें से उस डेटा में से आपको एक रिपोर्ट बनानी होगी और उस रिपोर्ट को एक डैशबोर्ड के फॉर्मेट में आप लोग को यहाँ पे शो करना होगा। तो हम लोगों को यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप के साथ साथ पावर बीआई सर्विस के बारे में भी पता होना चाहिए, जिसके लिए आपको जरूरत पड़ती है एक बिजनेस ईमेल की। इस बिजनेस ईमेल को कैसे आपको बनाना है या कैसे आपको इस पे वर्क करना है, मैं आप लोगों को यूनिट नंबर 9 पे बता चुका हूं। यदि आप प्लेलिस्ट देख रहे हैं तो, आप नहीं देख रहे तो मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर कि आपको यहां पर बिजनेस ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है पावर बीआई सर्विस के लिए, जिसको मैं अभी आप लोगों को लॉग इन करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो हम लोग यहाँ पर जो हमारी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करेंगे अपने पावर बीआई सर्विस अकाउंट के अंदर। अब उसके बाद इस रिपोर्ट को हमको एक्सपोर्ट करना होगा, इसको अलग अलग फाइल में जो है हम लोग को मेल करना होगा, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फिर इस रिपोर्ट को हम लोग पिन करेंगे अपने लाइव डैशबोर्ड पे, जो आपको एक मोबाइल के फॉर्मेट में या फिर आपको एक कंप्यूटर स्क्रीन के फॉर्मेट में यहाँ पर शो होगा, जो आपको पावर बीआई सर्विस के अंदर करना होगा। फिर यहाँ पर यूज कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब में आप लोग को बताऊंगा, ये एक्चुअल में कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब हमारे यूट्यूब वाला सब्सक्राइब नहीं है, एक्चुअल में यहाँ पर आपको कभी भी रिपोर्ट अपनी जो होती है डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के साथ अपने एंड यूजर के साथ जो है शेयर करनी होती है, उस पर कई बार आपको कमेंट लेना होता है, ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ऑटोमेटिकली आपकी जो रिपोर्ट है वो कैसे, उसका जो डेटा है वो कैसे रिफ्रेश होगा, मान लीजिए कि आपको कोई रिपोर्ट है जो डेली मॉर्निंग में आपको कंप्लीट एक रिफ्रेश डेटा के साथ दिखाना है कि कल का डेटा क्या था, उसको आप रिफ्रेश करके दिखाएं जब आप लॉग इन करें तब अपने किसी एंड यूजर को। तो इस तरीके के सारे फीचर्स को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। उसके बाद हम लोग और भी यहाँ पर देखेंगे कि कौन और कैसे आपको डेटा फाइल के सोर्स वगैरह मिल सकते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पर एंड टू एंड प्रोजेक्ट करना है, इसीलिए आप इसे अलग से एक पार्ट मानकर ना चलें, आप इसे यूनिट जो हमारी चल रही है उसी यूनिट का एक पार्ट मानकर चलें, जिसमें हम लोगों ने 11.1 से लेकर 11.3 तक डेटा को प्रोसेस किया था, 11.4 से 11.6 तक हम लोगों ने रिपोर्ट बना ली। अब इस रिपोर्ट को हम लोग जो हमारे पावर बीआई सर्विस है उसके साथ कनेक्ट करके इस रिपोर्ट को हम लोग पब्लिश करने वाले हैं। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये वर्क करता है हमारा पावर बीआई सर्विस। सो आप लोगों ने यहाँ पर मेरे साथ साथ जो रिपोर्ट बनाई थी, यहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने यहाँ पे दो अलग अलग जो पेजेस बनाए थे, जिसको हम लोग डैशबोर्ड वन और डैश टू फॉर्मेटिंग यहाँ पर जो है नाम दिए थे। और आप ऊपर में देखिए, ये आपका पावर बीआई डेस्कटॉप, ये पावर बीआई डेस्कटॉप में और आपके पावर बीआई सर्विस में फर्क ये होता है कि आपका जो डेस्कटॉप होता है इसको आप इंस्टॉल करते हैं और सारी की सारी रिपोर्ट्स आप यहाँ पे बना लेते हैं, जो आपका एक इंटरनल आपके जो डेस्कटॉप है वहां से आप एक डेटा को इम्पोर्ट करते हैं या फिर एक सर्वर से आप इम्पोर्ट करते हैं। बट जब आप यहाँ पे वर्क कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको साइन इन का ऑप्शन आता है। इस साइन इन के ऑप्शन पर आप जब लॉग इन करेंगे तो आप अपने पावर बीआई सर्विस पे जा पाएंगे। अब इस साइन इन के ऑप्शन में आपको एक बिजनेस आईडी ईमेल आईडी की जरूरत पड़ती है, जो मैंने यूनिट नंबर 9 में 9.1 लेक्चर से पहला जो आपको बताया है कि पावर बीआई सर्विस का अकाउंट आप कैसे बनाते हैं, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा यदि आप यूट्यूब के अंदर इसे देख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग साइन इन करेंगे और आप लोग को यहाँ पर शो हो रहा होगा एक पब्लिश का ऑप्शन, आप लोग यहाँ पर देखिए होम के अंदर आपको पब्लिश का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। तो इस पब्लिश के ऑप्शन के अंदर हम लोग जाएंगे और अपनी इस रिपोर्ट को जो आज हमने बनाया हुआ है इसको वहां पर ले जाकर पब्लिश करेंगे अपने पावर बीआई सर्विस के अंदर। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं कि यहाँ पर जो हम लोगों ने डैशबोर्ड वन और डैशबोर्ड टू जो है इसको हम लोग एक काम करते हैं, रीनेम कर लेते हैं इसको। मैं पहले रिपोर्ट वन और रिपोर्ट टू नाम दे देता हूँ, जिससे कि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो डैशबोर्ड और रिपोर्ट में। एक्चुअल में यहाँ पर जो भी चीजें बनती है इसको एक्चुअल में हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, और यदि डैशबोर्ड में यूज कर रहा हूँ तो डैशबोर्ड हम लोग कैसे यहाँ पे पिनअप करेंगे इसी रिपोर्ट को वो हम लोग वहां पर देख लेते हैं। तो मैं इसको रिपोर्ट वन एंड रिपोर्ट टू यहाँ पर दो में रीनेम कर दे रहा हूँ। आप लोग को पता होगा ये सेम टू सेम जो हमारा रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पे बनाए हैं, जो आप लोग को रिपोर्ट नंबर वन दिख रही है, और इसी रिपोर्ट को मैंने यहाँ पे जो है कॉपी पेस्ट किया था, डुप्लीकेट किया था, और मैंने केवल और केवल इसका थीम या बैकग्राउंड जो है पीछे का वो चेंज किया था जो आपका रिपोर्ट नंबर टू है। तो चलिए इसको हम लोग एक काम करते हैं, पब्लिश कर देखते हैं।
सो आप लोग मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, जैसे मैं पब्लिश पर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप लोग को यहाँ पे सबसे पहले तो सेव का ऑप्शन आएगा, बाय डिफॉल्ट सेव का ऑप्शन आप क्लिक कर दें, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे साइन अप का करने का पॉपअप आएगा। सो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे एंटर योर ईमेल एड्रेस। अब ये कौन सा ईमेल एड्रेस है मैं आप लोग को एक बार बता देता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर अपना जो ईमेल एड्रेस है, मैं आप लोगों को जैसे अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे डाल देता हूँ। सो ये ईमेल एड्रेस मैंने यहाँ पे टाइप कर लिया है अपना, जो आप लोग को यहाँ पर दिख रहा है निशान एट दी रेट के बाद या इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड्स, ये आपका एक डोमेन नेम है, उसमें इसी को आप एक जो है बिजनेस ईमेल कहते हैं, इसके थ्रू आपको यहाँ पे लॉग इन करना होगा, तो आप लोग को यहाँ कंटिन्यू करना होगा। अब मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं एक लॉग इन करूंगा तो यहाँ पर मुझे अपने अकाउंट करना पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और मैं जो कनेक्ट कर पाऊंगा वो कहाँ कनेक्ट कर पाऊंगा मैं आप लोग सबसे पहले बता देता हूँ। मैंने यहाँ पर अपने अकाउंट पे क्लिक किया, उसके बाद मुझे यहाँ पे पासवर्ड डालना पड़ा, उसके बाद मैं यहाँ पर जो है इसे नेक्स्ट कर देता हूँ, तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट है पब्लिश भी हो जाएगी, और यहाँ पर आप देखिए साइनिंग से जो मेरा नाम है वो चेंज हो गया, वो यहाँ पर जो है मेरा नाम यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब मैं इन्हें यहाँ पे साइन अप कर लिया। मेरा अकाउंट बट पहले से बना हुआ है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर, मैं ले जाकर आपको वहां पे दिखा देता हूँ। आप जैसे ही पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे माय वर्क स्पेस शो हो रहा है। माय वर्क स्पेस क्या होता है, ये एक्चुअल में एक फोल्डर होता है बाय डिफॉल्ट, आप और भी बहुत सारे फोल्डर बना सकते हैं, मान लीजिए आप सेल्स का, एचआर का, कई सारे यहाँ पे फोल्डर बना सकते हैं जिसमें कि आप डिफरेंट डिफरेंट रिपोर्ट्स को वहां पर फोल्डर वाइज दिखा सकते हैं, और उस फोल्डर का आप एक्सेस दे सकते हैं आपके अपने एंड यूजर को या अपने क्लाइंट को। तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग अपने पावर बीआई सॉफ्टवेयर को हम लोग यहाँ से तो लॉग इन कर लिए, बट मैं एक बार आप लोग को लॉग इन करके दिखाता हूँ अपने जो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस को मेन हमारे वेब सर्वर से। सो यहाँ पर हम लोगों ने पावर बीआई की जो हमारा अकाउंट है, जो हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप है, वहां पर तो हमने लॉग इन कर लिया अपना, लेकिन मैं आपको एक बार पावर बीआई सर्विस का जो अकाउंट है जिसमें आप एक इंटरनेट की हेल्प से अपने ब्राउजर की हेल्प से लॉग इन करते हो, जिससे कि आप पैन इंटरनेशनल कहीं पे भी बैठकर आप अपने वर्क को कर सकते हो, आपका जो इंटरनेशनल क्लाइंट है वो भी वहां पर जाकर देख सकता है। इसके साथ ही साथ कई बार हम लोग इंटरनेशनल प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो वहां पर टाइमिंग का बहुत प्रॉब्लम होता है, तो आप यदि रात को काम कर रहे हैं या आप मॉर्निंग में काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपकी सारी रिपोर्ट्स ऑटोमेटिकली सब्सक्राइब आप कर दें, जिससे कि वहां पर जो आपका एंड यूजर है वो अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग से देख पाए, तो ये सारे फंक्शंस भी हम लोग देखेंगे जो पावर बीआई सर्विस के अंदर होता है। सो आपको अपने गूगल ब्राउजर में जाकर यहाँ पर powerbi.microsoft.com ये आपका ऑफिशियल जो आपका URL है इसको आपको ओपन कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद आप यहाँ साइन इन पे जाएंगे, जिस पर आप साइन इन करके माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस पे लॉग इन करेंगे। जैसे ही मैं साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर नया URL जो है, नया टैब ओपन हो चुका है app.microsoftpowerbi, जिसे मुझे लॉग इन करना होगा, तो मैं इस पे लॉग इन कर लेता हूँ। ये वही अकाउंट होगा जिस अकाउंट पे आप वहां पर लॉग इन किए हुए हैं, जिसके लिए आपको यहाँ पे अकाउंट बनाना होगा और यहाँ पर एक आपको पासवर्ड क्रिएट करना होगा, मैंने ऑलरेडी ये बता दिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है लॉग इन कर चुका है, और इसे लॉग इन करने के बाद मैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस का जो मेरा डैशबोर्ड है उसको मैं ओपन कर लूंगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा लॉग इन हो रहा है। यहाँ पर लॉग इन होने के बाद मुझे पर्सनल स्पेस मिल जाता है, इस पर्सनल स्पेस में मैं वर्क कर सकता हूँ। तो आप यहाँ पे देखिए ये आपको वर्क स्पेस शो हो रहा है, इस वर्क स्पेस पे मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे कोई भी रिजल्ट नहीं है। यहाँ पर मैं कई सारे वर्क स्पेस बना सकता हूँ, मान लीजिए मैं किसी मल्टीपल चार क्लाइंट के लिए बाहर काम कर रहा हूँ या चार प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, उस तरीके से जैसे आप फोल्डर अरेंज करते हैं वैसे आप यहाँ पे वर्क स्पेस बना सकते हैं, या फिर आप डिपार्टमेंट के वाइज यहाँ पे जो वर्क स्पेस बना सकते हैं। इसी रिपोर्ट को आप यहाँ पर पिन करके आप इसे लाइव करेंगे और एक डैशबोर्ड के रूप में आप यहाँ पे जो रिपोर्ट है उसको शो करेंगे अपने एंड यूजर को। तो यहाँ पर हम लोग वर्क स्पेस पे क्लिक करते हैं तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी जो है मेरा वर्क स्पेस में टास्क नहीं है। ओके, तो चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको मिनिमाइज करता हूँ और हम लोग वापस से जाते हैं अपने इस डैशबोर्ड पे और पब्लिश करते हैं कि वहां पे क्या चेंजेस हुए हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है और मैं लॉग इन यहाँ पे सक्सेसफुली हूँ इसी ईमेल आईडी से nishant@industrieshelpinghands.com, और इसके बाद मैं यहाँ से रिपोर्ट को पब्लिश करता हूँ। तो आप लोग देखिए मैं जैसे रिपोर्ट को यहाँ पब्लिश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैंने वहां पे कोई भी फोल्डर नहीं बनाया हुआ है या कहले कोई भी वर्क स्पेस नहीं बनाया हुआ है। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर देता हूँ और यहाँ पर मुझे बाय डिफॉल्ट जो वर्क स्पेस है उसका फोल्डर यहाँ पे शो हो रहा है। आप देख सकते हैं माय वर्क स्पेस शो हो रहा है, मैं इसको क्लिक करता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिएगा यहाँ पर जो मेरी रिपोर्ट है पब्लिश हो रही है। .pbxs फाइल जो होती है आपकी जो डेस्कटॉप की फाइल होती है जिसको आप सेव करते हो अपने कंप्यूटर सिस्टम में, वही फाइल आपको जाकर वहां पब्लिश हो रही है। और ये आपका प्रोजेक्ट वन जो पब्लिश हो रहा है, आप देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट वन हम लोगों ने नाम दिया था, ये वही चीज वहां पे पब्लिश हुई है। आप लोग को यहाँ पर मैं शो भी कर देता हूँ एक बार, आप देखिए ओपन प्रोजेक्ट वन .pbxs फाइल इन पावर बीआई।
ये आपकी जो पावर बीआई वाली फाइल थी जो डेस्कटॉप के अंदर आपने सेव करके रखी थी, ये आपकी अभी पब्लिश हो चुकी है वहां पे, और यहाँ पे सक्सेसफुल मुझे यहाँ पे शो हो रहा है, कोई भी एरर यहाँ पर नहीं आया है। इस तरीके से हम लोगों ने फाइल को पब्लिश कर लिया है, और यहाँ पे गॉट इट पे मैं क्लिक कर देता हूँ। आप एक बार यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने गॉट इट पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जाकर देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर ये क्या चेंजेस आए। मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ, और एक बार मैं यहाँ पर जाकर अपने ब्राउजर के अंदर जाकर यहाँ पे जो है इसे ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ, मैं जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करूंगा तो आप लोग देखिएगा कि हमारी जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे सक्सेसफुली पब्लिश हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी जो रिपोर्ट है वो सक्सेसफुली यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। अभी तक आपको यहाँ पे एम्प्टी सेक्शन दिख रहा था, और आप लोग को यहाँ पर जो आपको टाइम दिख रहा है, आप देखिए इस प्रोजेक्ट का जो ओनर है, ये प्रोजेक्ट का ओनर है, यहाँ पर मेरा नाम आप लोग को शो हो रहा है, यहाँ पर आपको जो टाइम है वो शो हो रही है। आपको जो मैं अभी ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो 16 फरवरी 2023 को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और टाइम हो रहा है 2:52। और मैं अभी आप लोग को लाइव टाइम दिखा दूं, मैं आप लोग को यहाँ पर जाकर मेरे कंप्यूटर सिस्टम में इसे ओपन करके लाइव टाइम यहाँ पे शो कर देता हूँ। आप देखिएगा यहाँ पर जो टाइम हो रहा है ये जस्ट अभी 1 मिनट ही हुआ है, 2:53 आप लोग को चल रहा है यहाँ पर, 16 फरवरी 2023 को मैंने अभी ये रिपोर्ट को यहाँ पब्लिश किया है। अब यहाँ पे टाइम बनाने का मेरा मकसद ये था कि अब आप देखिए यहाँ पर आपकी रिपोर्ट है जिसमें आप लोग को यहाँ रिपोर्ट दिख रहा है, और बाय डिफॉल्ट यहाँ पर एक डेटा सेट बना हुआ है, और इस डेटा सेट का ओनर मैं हूँ। बट जब आप एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो आपको पावर बीआई की सर्विस की जरूरत पड़ती है, जिसमें आपको एक ऑफिशियल जो है आपको ईमेल आईडी मिल जाती है, और आपके जो प्रोजेक्ट के ओनर है या प्रोजेक्ट के जो क्लाइंट है आपको जो डेटा सेट देते हैं वो यहाँ पर आपको देते हैं, जिसके अंदर जाकर आप यहाँ पे काम कर सकते हो। इसमें आपके पास एक्सेस नहीं होता है कि इस डेटा को क्लीन करके ट्रिम करके आपको यहाँ पे मिल जाता है, जिससे आपको केवल रिपोर्ट बनानी होती है। इसीलिए एक बार हम लोग इसे ओपन करके देखते हैं अपने इस रिपोर्ट को कि क्या सक्सेसफुली ओपन हुई है कि नहीं। तो यहाँ पर मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ जाकर, आप देखिए लोड हो रहा है मेरा रिपोर्ट, और हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका प्रोजेक्ट नंबर 1 जो है यहाँ पे अपडेट हुआ है कि नहीं हुआ है। और आप इस तरीके से इस वीडियो या इस लेक्चर में सीख जाएंगे कि आप कैसे एक रिपोर्ट को यहाँ पे पब्लिश कर सकते हो। अब इस रिपोर्ट को पब्लिश करने के बाद इसमें आप देखिए ये आपकी रिपोर्ट यहाँ पे पब्लिश हो चुकी है। मैंने वहां पे नाम को रीनेम किया हुआ था, तो आप यहाँ पे देखिए रिपोर्ट 1 जो मैंने रीनेम किया हुआ था और रिपोर्ट 2 दोनों ही यहाँ पे शो हो रही है। ये रिपोर्ट 1 जो है आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है, और रिपोर्ट 2 भी यहाँ पे आपको सक्सेसफुली शो हो रही है। जैसा हमने बनाया था वैसे के वैसे ही सारी की सारी रिपोर्ट को हम लोग यहाँ पे पब्लिश कर चुके हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर। एक बार हम लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट डेस्कटॉप को भी ओपन कर लेते हैं। आप लोग देखिए ये सेम टू सेम रिपोर्ट है, रिपोर्ट नंबर 1 और रिपोर्ट नंबर 2 पेज यहाँ पे बना हुआ है, और प्रोजेक्ट का नाम प्रोजेक्ट 1 है, यहाँ पर वही चीज वहां पर जो है शो हो रही है आपको। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि रिपोर्ट को कैसे आपको यहाँ से पब्लिश किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर। अब माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर किसी रिपोर्ट को पब्लिश करने से फायदा क्या होता है, ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि आपका जो डेटा सेट है उसका एक्सेस आपको यहाँ मिलता है। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, आप देखिए यहाँ पर शेयर का ऑप्शन है, यहाँ पर ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन है, इसके साथ ही साथ आपको यहाँ एडिट का ऑप्शन है, पिन करने का ऑप्शन है, ये सारी चीजें एक एक के बाद एक हम लोग यहाँ पर देखते जाते हैं। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस को हम लोग कैसे यूज करते हैं। अब इसके जो फीचर्स है इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सो आप देखिए जो मेन मेन फीचर्स है जिसको हम लोग आज देखेंगे, जिसमें आप देखिए पीपीटी पीडीएफ पीबिक्स फाइल को कैसे आप एक्सपोर्ट करते हैं, फिर मेन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इस रिपोर्ट को अब लाइव कैसे करते हैं अपने डैशबोर्ड के साथ। अब जब रिपोर्ट आपकी लाइव हो जाएगी तो उसमें आपके जो एंड यूजर है कमेंट करेंगे, आपको शेयर करेंगे, या आपको सब्सक्राइब करना होगा डिफरेंट डिफरेंट चैनल या डिफरेंट डिफरेंट आपके जो क्लाइंट है या यूजर है उनको, या डिपार्टमेंट वाइज आपको यहाँ पे सब्सक्राइब करना पड़ेगा जिसमें आपका ऑटो ईमेल चले जाए। अब आपकी रिपोर्ट बन चुकी है और आपका जो डेटा है वो कितने बजे कब कब रिफ्रेश होगा वो सारी कमांड्स हम लोग यहाँ पर देखेंगे। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं इस रिपोर्ट को हम लोग पावर बीआई सर्विस के अंदर कैसे एक्सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के होम पेज में जब आप जाएंगे, नीचे आपको प्रोजेक्ट का यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसको आपको ओपन करना होगा, या फिर आप वर्क स्पेस के अंदर जाकर भी इसे ओपन कर सकते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, माय वर्क स्पेस में मैं चले जाता हूँ। माय वर्क स्पेस में आप लोग को ऑल यहाँ पर जो है सेक्शन दिख रहा है, ये आपको ऑल सेक्शन दिख रहा है। ओके, ऑल सेक्शन के बाजू में यहाँ पे कॉन्टेंट दिखता है, और उसके बाजू यहाँ पे डेटा सेट प्लस डेटा फ्लोज दिखता है। तो आपको क्या करना होता है मैं आपको बता दूं, ऑल पे आप अभी हैं, मैं कंटेंट पे जैसे जाऊंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आपके पास जो है केवल रिपोर्ट है, यहाँ पर आप देखिए रिपोर्ट है।
अब मैं इसको केवल डेटा सेट पे जाता हूँ और डेटा सेट पे आपको दिखाता हूँ, तो आपको क्या है, ये जो डेटा सेट है इस प्रोजेक्ट का, यहाँ पर डेटा सेट शो हो रहा है। तो कभी भी आपको यहाँ पे डेटा सेट जो है उसको कनेक्ट करना होगा और ऑटो रिफ्रेश करना होगा, तो आप यहाँ से करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो है यहाँ पे कॉन्टेंट के अंदर जाते हैं या फिर ऑल के अंदर जाते हैं, तो हम लोग रिपोर्ट में जाएंगे और इस रिपोर्ट को जाकर क्लिक करेंगे। जैसे इस रिपोर्ट को जाकर हम लोग क्लिक करते हैं, तो आप देखिएगा पिछले लेक्चर में भी हमने देखा था, रिपोर्ट हमारी यहाँ पर जो है ओपन हो चुकी है। अब यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखता है एक्सपोर्ट का, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एक्सपोर्ट का ऑप्शन। इस एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे मैं यहाँ जाता हूँ और यहाँ पर क्लिक करता हूँ। जैसे मान लीजिए एनालाइज इन एक्सेल, पावर पॉइंट के अंदर आपको एम्बेड एंड इमेज और एम्बेड लाइव डेटा, ये दोनों चीज आप लोग को यहाँ पे शो होती है, और नीचे पीडीएफ आपको शो होता है। तो ये जरूरी क्यों हो जाता है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। देखिए यूनिट नंबर 11 के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे रिपोर्ट बना ली थी, अब इस रिपोर्ट को हम लोग सिक्वेंस वाइज चल रहे हैं, इसे हमने पब्लिश कर दिया था। अब ये जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि हम लोग को रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करना होता है। पीबिक्स क्यों जरूरी होता है, क्योंकि हमारे डेस्कटॉप में जो फाइल होती है जिसमें हम लोग यूज करते हैं हमारे पावर बीआई को, उस फाइल को हम लोग पीबिक्स कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्सेल होता है, और एक्सेल के बाद हमारे पास यहाँ पे पीपीटी और पीडीएफ होता है। देखिए डेटा साइंस के लिए या डेटा एनालिस्ट के लिए जरूरी ये होता है कि आपका जो डेटा है वो बहुत सेफ हो, और आपको ये डेटा मिलता है पावर बीआई सर्विस के अंदर, जब आप रियल टाइम किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तब आपको कई बार एक पीपीटी या पीडीएफ के फॉर्मेट में आपको वो डेटा प्रोवाइड करना होता है जिसको आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना होता है। इसलिए फंक्शन बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि इसको आप जब एक्सपोर्ट करेंगे ना, तो आपको यहाँ पर आप लाइव एक्सेस देंगे इसको, या फिर आप चाहेंगे कि आप एक पर्टिकुलर टाइम टू टाइम में एक रिपोर्ट को ऑटोमेशन में डाल दें, जिससे कि आप वहां पर ईमेल के थ्रू एक रिपोर्ट का जो समरी है, एक रिपोर्ट की जो सब्सक्राइब है ईमेल के थ्रू उनको मिल जाए, ये सारी चीजें इसके अंदर हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए पहले हम लोग एक्सपोर्ट को देख लेते हैं। सो चलिए पावर बीआई सॉफ्टवेयर के अंदर आप भी इसे ओपन कर लीजिए। मैं अभी जो माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस में हूँ, आप लोग को यहाँ पे यूआरएल दिख रहा है, आप ध्यान रखिए मैं डेस्कटॉप पे नहीं हूँ। और यहाँ पर जाकर मैं एक्सपोर्ट पे जो है यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शंस आ रहे हैं, पीडीएफ, पावर पॉइंट और एक्सेल। मैं एक बार यहाँ पे पीडीएफ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देखिए ये जो रिपोर्ट को मैं यहाँ से एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ ना, इस पे मुझे करेंट वैल्यू पूछ रहा है या फिर डिफॉल्ट वैल्यूज पूछ रहा है। करेंट वैल्यू वो वैल्यू होगी जो अभी रिपोर्ट में आप लोग को यहाँ शो हो रही है। मैं एक बार इसको कैंसिल करता हूँ, तो आप लोग को दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैं 2013 पे क्लिक किया, अब 2013 के अकॉर्डिंग मेरा डैशबोर्ड यहाँ अपडेट हो चुका है। अब जो ये जो वैल्यू हुई ये करंट वैल्यू हुई, तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पीडीएफ पे जाता हूँ और इसे इसको एक्सपोर्ट करता हूँ। मैं करंट वैल्यू पे सेलेक्ट करता हूँ और मुझे करंट पेज बस चाहिए या फिर मल्टीपल पेजेस चाहिए। आप लोग देखिए यहाँ दो पेज है, एक रिपोर्ट वन का, रिपोर्ट टू का, और मैं चाहूंगा कि केवल करंट पेज चाहिए, तो मैं इसे चेकबॉक्स को क्लिक कर दूंगा, बट मैं यहाँ पे इसे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब क्या होगा, यहाँ पर आप देखिए मेरा पीडीएफ इन प्रोग्रेस है और मेरा जो प्रोजेक्ट है यहाँ पे जो है एक पीडीएफ मेरा क्रिएट कर रहा है। तो जिस पीडीएफ को मैं उठाकर अपने एक क्लाइंट को भेज सकता हूं डायरेक्ट। अब आपके पास मैं दूसरा ऑप्शन बताता हूं, इसी तरीके से आप यहां पर देखिए जब तक ये प्रिपेयर हो रहा है तब तक कि यहां पे पावर पॉइंट का ऑप्शन है, उसी के साथ पावर पॉइंट के अंदर आपको लाइव डेटा के साथ भेजना है या फिर इमेज के साथ भेजना है। आपने जो इमेज इसके अंदर बैकग्राउंड में यूज की है उसके अकॉर्डिंग आप लोग को यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। वैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल आप क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे एक्सेल फाइल जो है डाउनलोड कर लोगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे एक्सेल फाइल मेरी डाउनलोड हो चुकी है, आप लोग को यहाँ नीचे पे शो कर रहा है एक्सेलेक्स जो फाइल है मेरी यहाँ पे शो हो रही है। इस तरीके से आप कंप्लीट जो आपका डेटा है इसको आप यहाँ पर यूज कर पाओगे। वैसे आपका यहाँ पे पीडीएफ फाइल आप देख सकते हैं डाउनलोड हो चुका है, तो आपका यहाँ पे पीडीएफ फाइल भी बन चुका है। मैं आप लोग को यहाँ पे शो कर देता हूँ, ये आपको ये पीडीएफ फाइल यहाँ पे शो हो रही है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। वैसे यहाँ पे एक्सेल फाइल शो हो रही है। इस तरीके से आप कोई भी डेटा को यहाँ से जो है एक्सपोर्ट कर सकते हो। अब एक बार एक्सपोर्ट हो गया, अब ये एक्सपोर्ट तो एकदम इजी सा और सिंपल सी बात हो गई। अब क्या होता है कि हम लोगों को जो हमारा डेटा की सेफ्टी है उस डेटा की सेफ्टी को हमको अच्छे तरीके से रखना होता है, जिसके लिए आपको क्या करना होता है। इस कंप्लीट आप देखिए इसके अंदर मैं जा रहा हूं, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूं, तो आप देखिए ऊपर में पिन का ऑप्शन आ रहा है, आपको ऊपर आपको व्हाइट व्हाइट बॉक्सेस दिख रहे हैं, जैसे हर चीज हर जगह में आप लोग को यहाँ पे सेक्शन दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ क्लिक करने के बाद मैं एक्सपोर्ट डेटा पे आउट करता हूँ। जैसे मैं एक्सपोर्ट डेटा करूंगा तो आप देखिए यहाँ पे मेरा जो डेटा है इजी तरीके से एक्सपोर्ट हो सकता है। तो मुझे अपने डेटा की सेफ्टी का ध्यान रखना होता है एज ए रिस्पॉन्सिबल डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट इंजीनियर। तो आपको इसके लिए क्या क्या ऑप्शन मिलते हैं वो हम लोग देखते हैं। आपको सबसे पहले यहाँ पे पिन का ऑप्शन मिलता है, आप जैसे जैसे पिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखिएंगे एक न्यू डैशबोर्ड का यहाँ ऑप्शन आ रहा है। अब आप क्या करेंगे, एक रिपोर्ट को आपने पब्लिश किया पावर बीआई सर्विस के अंदर,
आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट सीख लिया, अब इस एक्सपोर्ट से हम लोग क्या करेंगे, अपने डैशबोर्ड पे इन चीजों को जो है लाइव करेंगे, अपने आने वाले जो हमारे करंट लेक्चर्स हैं उस पे, उसके बाद हम लोग इसको जो है लाइव पिन करेंगे और एक मोबाइल व्यू में कैसे हम लोग इसको क्रिएट करते हैं वो मैं आप लोग को बता दूंगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर कि आपको कम्युनिकेशन भी करना होता है, तो कम्युनिकेशन भी आप यहीं पे कर सकते हो, क्योंकि यदि आप बाहर से कम्युनिकेशन करोगे तो आपका डेटा आउट होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, इसीलिए आपको कभी भी कोई भी फाइल भेजना तो आप एक्सपोर्ट यहां से करके भेजिए। उसके बाद आपको यहाँ शेयर का ऑप्शन, चैट करने का ऑप्शन टीम के साथ, और उसके बाद ईमेल सब्सक्राइब का ऑप्शन, और यहां पर आपको मिलेगा कमेंट का ऑप्शन, आप लोग यहां पर देख सकते हैं। इस तरीके से मैं आपको शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट का ऑप्शन नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूं या इसके बाद वाले टॉपिक में बताता हूं, जिससे कि आप यहां पर कंप्लीट सिक्वेंस वाइज हर टॉपिक को देख सको। चलिए अब हम लोग यहाँ पर रिपोर्ट को एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट हमारा स्टेप होगा वो होगा हमारा जो डैशबोर्ड है उसको हम लोग यहाँ पर पिन करें लाइव डैशबोर्ड को, जो रिपोर्ट एक हमारी है वो हमारे डैशबोर्ड पे कन्वर्ट हो पाए, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर जो ये फीचर्स है चैट, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब का, इसे हम लोग देख लेते हैं इसके बाद वाले स्टेप पे। सो आप लोग देख सकते हैं मैंने यहाँ पे पावर बीआई का जो हमारा जो सर्विस है इसको ओपन कर लिया है। जब भी मैं किसी भी यहाँ पर कार्ट के अंदर जा रहा हूँ या किसी भी सेक्शन के अंदर जा रहा हूँ, ऊपर है मुझे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है पिन विजुअल्स का, उसके बाद यहाँ पे कॉपी इमेज एज ए विद कैप्शन का, और उसके बाजू में यहाँ पे फिल्टर्स ऑन विजुअल्स का, उसके बाजू में फोकस मोड का, और उसके बाजू में यहाँ पे मोर ऑप्शंस का। मोर ऑप्शंस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर और कई सारे और भी ऑप्शंस आप लोग को यहाँ मिल जाते हैं, लेकिन अभी मुझे जो जरूरत है ये पिन की है। मैं पिन विजुअल जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूं तो आप देखिए यहाँ पर आपको जो है पिन टू डैशबोर्ड का एक यहाँ पे पॉपअप ओपन हो जा रहा है। यहाँ पर मेरे पास कोई भी डैशबोर्ड नहीं है इसलिए यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आ रहा है। अब मुझे क्या होगा, एक एक करके सब पिनअप नहीं करना होगा क्योंकि मैंने कंप्लीट एक रिपोर्ट तो बना ली है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो कंप्लीट पेज है, ये जो मेरा रिपोर्ट का जो कंप्लीट पेज है, अब ये डैशबोर्ड के फॉर्मेट में जाए। डैशबोर्ड का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, आप केवल वहां पे टच रिस्पॉन्स को देखकर हर चीज की रिपोर्ट को विजुलाइजेशन कर सकते हैं, और उस डैशबोर्ड को आप इस अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं मोबाइल के व्यू के अकॉर्डिंग, या फिर आपके जो हमारा जो कंप्यूटर सिस्टम होता है या स्क्रीन होती है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर आपको क्या करना होगा, एडिट के बाजू में आपको यहां पर जो है ये 3 डॉट्स शो रहे हैं। इससे पहले जो पावर बी आई सॉफ्टवेयर था, जो आप लोग को पहले जो पूरा ओल्ड वर्जन था उसमें यहाँ पे शो नहीं होता था, आप लोग को यहाँ ऊपर में दिखा देता था। तो आपको अभी जो है यहाँ पे 3 डॉट है इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे पिन टू डैशबोर्ड शो हो रहा है। ये एक्चुअल में पहले जो ऑप्शन आता था यहाँ पे लाइव डैशबोर्ड के अकॉर्डिंग ऑप्शन आता था, इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे न्यू डैशबोर्ड का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे कोई भी डैशबोर्ड नहीं है तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पे एक डैशबोर्ड का नाम दे देता हूँ। मान लीजिए मैं अमेजोन का ही एक डैशबोर्ड Amazon 1 दे दे रहा हूँ, ठीक है। इस डैशबोर्ड का नाम आप ध्यान रखिए Amazon 1 मैंने दे दिया, और यहाँ पर जो रिपोर्ट मैं पब्लिश कर रहा हूँ या रिपोर्ट को जो मैं डैशबोर्ड पे लाइव कर रहा हूँ या पिन कर रहा हूँ वो आप देखिए रिपोर्ट नंबर 2 है, आप लोग को यहाँ पे शो हो रही है। आप लोग को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, पहले हमने रिपोर्ट बनाया अपने पावर बीआई डेस्कटॉप के अंदर, फिर उसको हम लोगों ने पब्लिश किया अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस के अंदर, अब हम लोग पिन कर रहे हैं इसको डैशबोर्ड के अंदर। अब मैं पिन लाइव कर रहा हूं, इसी को मैं लाइव पिन डैशबोर्ड कह रहा हूं। आप लोग यहां पे देखिए अब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूं आप देखिए पिन लाइव को मैंने यहां पे क्लिक किया तो यहां पर आ रहा है क्रिएट मोबाइल लेआउट और गो टू डैशबोर्ड। मैं यहां पे क्रिएट मोबाइल लेआउट में बाद में जाकर दिखाता हूं आपको, गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूं। जैसे ही मैं गो टू डैशबोर्ड पे क्लिक करूंगा आप देखिए यहां पर मेरा जो पिन का ऑप्शन है जो ऊपर आप लोग को मैं क्लिक कर रहा था यहां पर, तो वो नहीं आ रहा है। आप देखिए यहां पे बिल्कुल भी कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। अब इसको मुझे ना कंप्लीट मेरे इस डैशबोर्ड को मैं चाहता हूं मैं अच्छे तरीके से यहां पे विजुलाइजेशन करके देख सकूं, तो मैं यहां पे एक काम करता हूं ओपन टू फुल स्क्रीन मोड पे क्लिक कर लेता हूं। नीचे यहां पे मेरे पास ऑप्शंस हैं फिट टू स्क्रीन का और उसके बाद फिट टू विड्थ का, तो मैं यहां पे फिट टू स्क्रीन कर लेता हूं। आप लोग देखिए डैशबोर्ड मेरा पूरा ओपन हो चुका है। अब इसको मैं डैशबोर्ड कहूंगा, एक्चुअल में है ये हमारी रिपोर्ट ही, इसको मैं बट यहाँ पे लाइव कर दिया हूं। तो अब इसमें कोई भी डेटा है मैं आप लोग को इसके बाद आगे आने वाली यूनिट में बताऊंगा कि यहाँ पे कोई डेटा रिफ्रेश भी होगा ना तो ये मेरा जो डैशबोर्ड है अपने आप पर सेकंड, पर मिनट या पर आवर अपने अकॉर्डिंग ये जो है ना ऑटोमेटिकली यहाँ पे अपडेट होते रहेगा, जिससे कि हमारे जो एंड यूजर है या फिर हमारे क्लाइंट है या हमारा कोई डिपार्टमेंट है वो अपनी रिपोर्ट्स को, अपने विजुअल्स को अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर देख पाएगा, अपने टारगेट्स को देख पाएगा, जिससे कि वो एक अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रेटजी बना सके और बिजनेस में ग्रोथ कर सके। तो इस तरीके से आप एंड टू एंड प्रोजेक्ट के अंदर ये सारी चीजें सीख रहे हैं,
यहाँ पर आपको प्रिंट निकालना है तो यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, नीचे में आप लोग को मैं यहाँ दिखा दूं, यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको और भी कई ऑप्शन मिल जाते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको शो हो रहा है, आप अच्छे तरीके से इसको सेटिंग करेंगे तो अच्छे तरीके से विजिबल हो जाती है सारी रिपोर्ट, जिससे कि आप किसी को भी यहाँ मेल कर सकते हो। अब क्या होता है कि इसी रिपोर्ट पे आपको क्या करना होता है, इस रिपोर्ट को शेयर करना होता है। तो यहाँ पर आपको शेयर का ऑप्शन मिलता है, यहीं पे आपको अपनी टीम के साथ चैट करने का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन मिलता है और ईमेल सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन मिलता है, जो हम लोग इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे। बट आप ध्यान दीजिए, मैं आप लोग को जो बताने वाला हूं, जो यहाँ पे अमेजोन वन का जो हमारा डैशबोर्ड जो बना है, ये डैशबोर्ड हमारे पर्टिकुलर एक पेज का बना है। ओके, मैंने दो पेज लिया था, एक रिपोर्ट टू लिया था और रिपोर्ट वन लिया था। तो मैं एक काम करता हूँ, होम पेज पे जाता हूँ वापस से और देखता हूँ यहाँ पे मेरे वर्क स्पेस के अंदर, यहाँ देखिए टाइप के अंदर यहाँ रिपोर्ट में डैशबोर्ड दिखा रहा है, यहाँ पे रिपोर्ट दिखा रहा है। मैंने पहले रिपोर्ट बनाया था जो प्रोजेक्ट वन थी, डैशबोर्ड का नाम मैंने अमेजोन वन दिया हुआ था। इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखिए ये वापस से ओपन हो जाता है यहाँ पे। अब मैं अपने वर्क स्पेस पे जाता हूँ और आपको फिर से दिखाता हूँ, यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट के अंदर जा रहा हूँ, अब प्रोजेक्ट में जो मेरा रिपोर्ट है उसके अंदर जा रहा हूँ और फिर से मैं यहाँ पर जो रिपोर्ट नंबर वन है मेरी, जो मेरा पेज वन था, जो आप लोग इस तरीके से देख पा रहे थे, ये आपका जो कलर था जिसको हम लोग डैशबोर्ड को बनाए थे, और रिपोर्ट टू के अंदर हम लोग केवल बैकग्राउंड फोटो को चेंज किए थे। अब मैं इसको पिन करता हूँ, आप देखिए मैं यहाँ पे थ्री डॉट पे गया, पिन टू डैशबोर्ड पे क्लिक किया, यहाँ पर मेरे पास एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड की जो फील्ड्स है ओपन हो चुकी है। मैं चाहूं तो इसको उसी डिपार्टमेंट के अंदर या उसी डैशबोर्ड के अंदर एग्जिस्टिंग डैशबोर्ड पे क्रिएट कर देता हूं। तो चलिए इसको भी मैं इसको अंदर लाइव कर देता हूं। तो मैं इसको लाइव किया और मैं इसको गो टू डैशबोर्ड कर दिया। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, अभी मैं आप लोग को मोबाइल व्यू भी बता देता हूँ इसके अंदर कैसे ये होता है। मैं यहाँ पे जैसे गया तो आप देखिए नीचे आपको एक और यहाँ पे पेज जो है अपडेट हो गया। अब ये पेज पे मैं वर्क करता हूँ 2014 के अंदर, ये पूरा वर्क कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे मैं जाता हूँ 2013 के अकॉर्डिंग, ये इसके अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है। तो इस तरीके से आप कंप्लीट मल्टीपल पेजेस की रिपोर्ट यहाँ पे बना सकते हो। अब आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आप थ्री डॉट्स के अंदर जाइए, माफ करिएगा, आप यहाँ पे एडिट का जो आपका ये जो ड्रॉप डाउन है इसके अंदर जाइए, ये थ्री डॉट्स के जस्ट बाजू में आप ये एडिट है, एडिट के अंदर यहाँ पे जो आपको कॉलम है इसमें जाइए, यहाँ पर आप डैशबोर्ड की थीम चेंज कर सकते हो और यहाँ नीचे आपको मोबाइल लेआउट भी शो होता है। तो आपको जब यदि रिपोर्ट मोबाइल के अकॉर्डिंग भी बनानी पड़ सकती है, कई बार यूजर डिमांड पे आप मोबाइल लेआउट पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं मेरी पूरी रिपोर्ट है यहाँ पर इस तरीके से शो हो रही, जैसे कि आपका मोबाइल रिस्पॉन्स है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यहाँ पे भी वर्क कर सकते हैं और इसी तरीके से आप रिपोर्ट को अभी मैंने डेस्कटॉप के अकॉर्डिंग बनाया, तो आप एक कोशिश करिए कि आप एक और प्रोजेक्ट खुद से बनाइए जिसपे मैं आप लोग को एक काम करता हूँ, लेकर चलता हूँ मेरे पावर बीआई डेस्कटॉप पे। सो आप देखिए मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन कर लिया है। पावर बीआई डेस्कटॉप क्या है, आप देखिए यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप पे मैं कैसे आपको पता चलेगा, यहाँ यूआरएल नहीं है, प्रोजेक्ट नंबर वन डेस्कटॉप जिसमें हम लोग बनाए थे, यहाँ पर आपको ना ऑप्शन मिलता है मोबाइल लेआउट का। किसके अंदर मिलता है ऑप्शन, मैं आप लोग को बता देता हूँ, आपको व्यू में जाना है, आप देखिए जो व्यू है इस पे जाना है, व्यू पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे मोबाइल लेआउट का ऑप्शन मिल रहा है। चलिए यहाँ पे मैं आप लोग एक बार बता देता हूँ, इसी रिपोर्ट को मुझे कन्वर्ट करना होगा तो मैं यहाँ पे मोबाइल लेआउट पे जो है क्लिक करूंगा। आप देखिए यहाँ पे मैंने मोबाइल लेआउट पे जैसे ही क्लिक किया तो मुझे यहाँ पर लेआउट है मोबाइल की तरह रिस्पॉन्स कर रहा है। इसी मोबाइल लेआउट पे ये जो मेरे विजुअल्स बने हुए हैं, जस्ट ए मिनट मैं यहाँ पे एक बार ओपन कर लेता हूँ, मुझसे दो बार क्लिक हो गया था एक्चुअली बटन। मैं मोबाइल लेआउट पे यहाँ पे जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मोबाइल लेआउट मेरा ओपन हो चुका है। अब यहाँ ग्रिड लाइंस और ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लॉक करने का ऑप्शन, सारे ऑप्शन मुझे यहाँ शो हो रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने जो ऑलरेडी पहले से डेस्कटॉप बनाया हुआ है इसको मुझे यहाँ उठाना है और ड्रैग एंड ड्रॉप करना है मोबाइल के अकॉर्डिंग। मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा और सारी चीजों को यहाँ पे मोबाइल जो मेरा इंटरफेस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटअप कर लूंगा और लाइव कर दूंगा, तो मेरी जो रिपोर्ट है वो कंप्लीट मोबाइल व्यू लेआउट के अकॉर्डिंग एक्सेस हो जाएगी और मैं केवल एक लिंक भेजूंगा और कंप्लीट मेरा जो यूजर है या मेरा एम्प्लॉई है या मेरा डिपार्टमेंट है वो मोबाइल में भी अपनी रिपोर्ट को इजी तरीके से स्क्रॉल कर लेगा। यही चीज आपकी टैबलेट के साथ भी होगी, यही चीज आपकी मोबाइल के साथ भी होगी, और कोई भी आप स्क्रीन लें और आप बूट स्टेप के इफेक्ट्स डाल देते हैं तो आपकी रिपोर्ट अच्छी तरीके से बन जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मोबाइल लेआउट को भी समझ पाए होंगे। हम लोग एक रिपोर्ट मोबाइल लेआउट में भी बनाएंगे आगे चल के, जिसमें मैं आपको एसक्यूएल के साथ एक पूरे सर्वर में मोबाइल और डेस्कटॉप में स्टॉक मार्केट का एक कंप्लीट आपको एनालिसिस बताऊंगा उस प्रोजेक्ट के अंदर। तो चलिए हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में इसके एडवांस टॉपिक जो है उसको हम लोग देखते हैं पावर बीआई सर्विस के, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे, आपको ये मोबाइल लेआउट है इसमें अभी वर्क नहीं कर रहे हम लोग,
हम लोग अभी इसको मैं वापस से वेब लेआउट पे क्लिक कर लेता हूं, तो हम लोग यहां पर ऊपर देखेंगे ये जो आपके फंक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल सब्सक्रिप्शन, कमेंट, चैट इन टीम्स, तो हम लोग इसको आगे चलकर देखते हैं। सो आई होप आप लोग यहां पर क्लियर हो गए होंगे कि आपको किसी रिपोर्ट को अपने डेस्कटॉप में बनाना है, डेस्कटॉप में बनाकर आपको अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करना है माइक्रोसॉफ्ट सर्विस में। माइक्रोसॉफ्ट सर्विस में आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट अलग मिलता है, डेटा सेट अलग मिलता है, उसके बाद आप इसको पिन करते हो एक एक करके, आप यहाँ पे अलग अलग जो आपके विजुअल्स है उसको भी पिन आप कर सकते हो, या फिर आप कंप्लीट पूरी अपनी जो रिपोर्ट पहले से बनी हुई है उसको आप पिन कर देते हो, जिससे कि आप एक डैशबोर्ड का लिंक बना सकते हो और उस डैशबोर्ड के लिंक को आप किसी भी वेब सर्वर को भेज सकते हो, जिसमें वो जाकर डैशबोर्ड पे कोई एडिट नहीं कर पाएगा, उस रिपोर्ट पे वर्क नहीं कर पाएगा, केवल वो वहां पे रिजल्ट आउटपुट देख पाएगा। तो इस तरह से हमने यहां तक बढ़े हैं, अब आगे हम लोग और भी टॉपिक्स को देखते हैं। सो चलिए अब एक स्टेप और मूव हम लोग करते हैं, जो होगा हमारा 12.4। इसमें हम लोग चार बेसिक फंक्शन देखेंगे, चैट का, कमेंट का, शेयर का और सब्सक्राइब का। आप देखिए मैं आपको यहाँ पर एंड टू एंड प्रोजेक्ट करा रहा हूँ, जिससे कि आप स्टेप बाय स्टेप सारे के सारे चीजों को फॉलो कर सकें और एक रियल टाइम प्रोजेक्ट पे जब आप वर्क करें तब आपको यहाँ पे हर चीज और फंक्शन जो है उसका एक बेसिक सा नॉलेज एटलीस्ट होना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं और इसके बाद हम लोग ये जो हमारी रिपोर्ट है इस रिपोर्ट में हम लोग ये देखेंगे कि हम लोग अपने डेटा को कैसे रिफ्रेश करते हैं ऑटोमेटिकली पर आवर, पर मिनट, पर डे या पर मंथ के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहले एक एक करके देखते हैं सबसे पहले 12.4 के अंदर के फंक्शन चैट, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब को। सो मैं पहले ये बता दूं कि कभी भी माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई अपने ट्रायल वर्जन में आपको जो है ईमेल सब्सक्रिप्शन नहीं देता है, बट आपको मैं यहाँ पे कंप्लीट फंक्शन बता दूंगा जिससे कि आपको कोई डाउट ना हो। मैं यहाँ पे माय वर्क स्पेस के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर अब मैं जो ओपन कर रहा हूँ मैं डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए मैं रिपोर्ट ओपन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे डैशबोर्ड ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको डेटा सेट है, डेटा सेट अलग से मिल रहा है, कॉन्टेंट के अंदर आपको रिपोर्ट और प्रोजेक्ट, रिपोर्ट और आपका डैशबोर्ड मिल रहा है। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ आप देखिए मैं डैशबोर्ड को ओपन कर लेता हूँ जो अभी हम लोगों ने बनाया था। इस डैशबोर्ड में जाकर आप देखिए यहाँ पर आपको शेयर का, चैट का, कमेंट का और ईमेल का ये चारों ऑप्शन यहाँ पर मिल रहे हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पर आपके पास फाइल के अंदर प्रिंट का, मैनेज परमिशन का और सेव एज ए कॉपी का यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। परमिशन इसीलिए क्योंकि आपको मल्टीपल यहाँ पे परमिशन देनी होती है कि कौन कौन सी रिपोर्ट को देख पाएगा, आपके डेटा की सेफ्टी देखनी होती है। तो एक एक करके हम लोग यहाँ पे देखते हैं, मैं शेयर पे जैसे क्लिक करता हूँ आप देखिए यहाँ पर मेरे पास जो है 60 डेज का लाइसेंस वर्जन जो है वो मुझे लेना होगा। तो आप लोग यहाँ पे लाइसेंस वर्जन मत लीजिएगा, यहाँ पे आप ट्राई फ्री करिएगा, उसके बाद आप यहाँ पे शेयर ऑप्शन को यूज कर सकते हैं, मैं आपको अभी चल के आगे चल के बता भी दूंगा। चैट इन टीम्स पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस चैट इन टीम में जब आप जाएंगे इस चैट इन टीम के अंदर आपको यहाँ पर एक लिंक मिल जाता है जो आपके इस डैशबोर्ड का लिंक है, उसके बाद ऊपर में आपको यहाँ पे आपके टीम का पर्सन का नाम या फिर आप कोई ग्रुप या चैनल बनाते हैं तो आपको यहाँ पे इम्पोर्ट करना होता है, उस टीम का या ग्रुप का नाम, जिससे कि आप यहाँ पे एज ए टीम वाइज यहाँ पे जो है किसी भी चीज में कन्वर्सेशन कर सके किसी भी टॉपिक्स में। उसके जस्ट बाजू में आपको यहाँ पे मिलता है कमेंट का सेक्शन, ये कमेंट का सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसमें क्या होता है कि आपको @ यूज करना होता है, @ यहाँ पर यूज आप जैसे ही करेंगे उसके बाद आप लोग को यहाँ नाम डालना होता है। मान लीजिए मैं यहाँ पे नाम डाल रहा हूँ निशांत, और उसके बाद मैं यहाँ पे किसी भी चीज में आप देखिए यहाँ पे मेरी ईमेल आईडी आ चुकी है, इसको मैं ऐसे क्लिक करूंगा ये प्रॉपर पर्टिकुलर उस ईमेल पे एक नोटिफिकेशन भी चले जाएगा और नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड में भी आ जाएगा। आप देखिए यहाँ पे आप जैसे ओपन करेंगे ऊपर में आपको यहाँ नोटिफिकेशन का सेक्शन दिख रहा है, आपके ईमेल में भी ये चले जाएगा कमेंट और नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाएगा, जिससे कि आपका क्लाइंट या एंड यूजर जो आपसे चाह रहा है वहां पे आपको कमेंट करके यहाँ पे बता सकता है। आप यहाँ पे एज ए कमेंट के अकॉर्डिंग भी कन्वर्सेशन देख सकते हैं, आप यहाँ पे कमेंट को हाइड भी कर सकते हैं और एक अपना खुद का एक कमेंट सेक्शन बना सकते हैं जिसमें आप ही डिसाइड कर पाएंगे कि ये कमेंट आपकी आपकी कौन सी टीम देखेगी। इस तरीके से ये आपको इजी बनाता है यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। तो यहाँ पे आप कमेंट देख चुके हैं, अब हम लोग चलते हैं ईमेल सब्सक्रिप्शन में। ईमेल सब्सक्रिप्शन भी ऐसा फंक्शन है जो आपको यहाँ पे जो है फ्री नहीं मिलता है, आपको यहाँ पे प्रीमियम वर्जन के साथ मिलता है। तो आप यहाँ पे ट्राई फ्री पे क्लिक करोगे, मैं इसके लिए आपको यहाँ पे बाजू में यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा हुआ है, मैंने जो पहले आप लोगों को बताया डॉक्यूमेंटेशन, आपको क्या करना है इस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि मैं अभी यहाँ पे जो है प्रीमियम वर्जन यूज नहीं कर रहा हूँ,
और मैं ट्राई फॉर फ्री भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं आपको रियल टाइम प्रोजेक्ट पढ़ाऊंगा तो वो 60 डेज के अंदर आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सको अपने फ्री वर्जन को, इसलिए मैं यहाँ पर इसे यूज नहीं कर रहा हूँ। बट मैं आपको बता देता हूँ ईमेल सब्सक्रिप्शन वर्क कैसे करता है। आप देखिए यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन के अंदर जाना है, उसके बाद आप लोग को यहाँ पे इस तरीके से पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, आप लोग को यहाँ पे सब्सक्राइब दिख रहा है, सब्सक्राइब वही होता है। यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, यहाँ सब्जेक्ट डाल दीजिए, यहाँ पर आप मेल की बॉडी डाल दीजिए। अब क्या होगा, ये रिपोर्ट जो है आपकी डेली जाना है तो यहाँ पे डेली चले जाएगी। रिपोर्ट का कौन सा पेज जाना है वो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हो। और उसके अलावा सबसे खास जो फंक्शन इसको खास बनाता है वो है आपका डे। मान लीजिए आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई है या फिर आपके मैनेजर की रिक्वायरमेंट आई है कि आपको रिपोर्ट जो है वो डेली जाना चाहिए यहाँ पर, और या फिर आपको वीक में किसी एक दिन, मान लीजिए मंडे के दिन मॉर्निंग में, आप लोग यहाँ देखिए मंडे आप लोग को दिख रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा साइज इसको छोटा छोटा कर लेता हूँ, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए मंडे में मैं चाहूंगा और यहाँ पे टाइम डेट जो है पुट अप कर दूंगा। इस डेट में स्टार्टिंग टाइम या फिर किसी एंड टाइम में या किसी डेट में पर्टिकुलर वो रिपोर्ट अपने आप चले जाएगी, जो भी वो एक डायनेमिक रिपोर्ट होगी। मान लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और उस बिजनेस के जो बोर्ड मेंबर है आपको एज ए डेटा एनालिस्ट आपको अपॉइंट किए हुए हैं, जिसमें आपको वीकली सेल्स जो है वो आपको रिपोर्ट देनी है और मीटिंग स्टार्ट होती है सुबह 10 बजे, तो आप यहाँ पे शेड्यूल कर देंगे 9 बजे। तो आपके 9 बजे सारे के सारे जो सब्सक्राइब ग्रुप है या फिर पूरे सब्सक्राइब आउट में, जैसे आप आउटलुक में मेल यूज किए होंगे, आप ग्रुप बना के रखते हैं, उस ग्रुप के अंदर मान लीजिए 100 आपके बोर्ड मेंबर्स हैं, सारे के सारे 100 बोर्ड मेंबर्स को यहाँ से रिपोर्ट अपने आप ऑटोमेटिकली चले जाएगी, जो उस समय तक 9 बजे तक की जो आपकी रिपोर्ट होगी वो कंप्लीट आपके ऑटो फ्रेश डेटा के साथ आपके रिपोर्ट के साथ वहां पे चले जाएगी। सो इस रिपोर्ट और इस बिजनेस के अकॉर्डिंग वहां पर जो है डिसीजन ले सके और हमारे बिजनेस में एक अच्छे तरीके से एनालिसिस करके इस बिजनेस में एक अच्छे ओरिएंटेड रिजल्ट तक हमारे जो बोर्ड्स हैं या डिसीजन मेकर है पहुंच सके। तो इस तरीके से आप समझ पाए होंगे ये फंक्शंस क्यों जरूरी हो जाते हैं और क्यों मुझे आपको बताना था ये फंक्शंस। आप लोग को यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, ये कहने को छोटे फंक्शंस है बट मैं यहाँ एज्यूम ये करके चल रहा हूँ कि आपको कुछ भी नहीं पता है, जिससे कि आप सारे के सारे फंक्शंस को, चाहे वो पावर बीआई के डेस्कटॉप का वर्जन हो या फिर पावर बीआई के हमारे इस सर्विस का वर्जन हो, आप इन सारे फंक्शन को जान पाए। अब जो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे जो टॉपिक होगा वो ये होगा कि अब जो हमारा डेटा है, वो डेटा हमारा ये डेटा सेट है या डेटा फ्लो है, इसमें हमारा जो डेटा है वो ये जो प्रोजेक्ट आपको वन दिखा रहा है, ये डेटा सेट जो आपको यहाँ शो हो रहा है, वो जब जब वहां पे रिफ्रेश हो आपके सर्वर में तब तब आप इसे यहाँ पे देख सकें। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इस चीज को पढ़ते हैं। सो आई होप आपको सारी की सारी चीजें पॉइंट वाइज क्लियर हो रही होगी। यहाँ पर आपने रिपोर्ट पब्लिश कर दिया है, रिपोर्ट को पिन करके लाइव कर दिया जो एक डैशबोर्ड में रूप में आ गई है। उसके बाद आपने यहाँ पे ईमेल सब्सक्राइब चैट और कमेंट के यहाँ पे फंक्शन देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे डेटा सेट जो है हमारा उसको कैसे हम लोग यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं वो फंक्शन को देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग हमारा 12.5 लेक्चर, जिसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग रिपोर्ट को यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिफ्रेश करते हैं अपने पावर बीआई सर्विस में, वो स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई के अंदर आप जो वर्क स्पेस देख रहे हैं, इस वर्क स्पेस को मैं ओपन कर लेता हूँ। इस माई वर्क स्पेस पे जब हम लोग जाते हैं तो आप लोग को यहाँ पे जो हमारा जो रिपोर्ट है और डैशबोर्ड है दोनों यहाँ पे शो हो रहा होगा। अब हमारा जो वर्क है, आप देखिए ऑल पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे डैशबोर्ड भी है, रिपोर्ट भी और डेटा सेट भी है। हमारा जो मेन वर्क है, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारा जो डेटा सेट है या डेटा फ्लो हम लोग इसको कह ले, इसके अंदर आपका जो डेटा है वो आपका डायनेमिक डेटा है। मतलब मान लीजिए आपकी जो एक्सेल फाइल है या आपका कोई एसक्यूएल का सर्वर है, उसको आपको इसके साथ कनेक्ट करना होता है। जनरली केस में ये आपको नहीं करना होता है, आप जिस कंपनी के लिए काम करते हो जिसके पास एक्सेस होता है वो आपको कंपनी ओनर या फिर जो कंपनी है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड करती है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे रिफ्रेश जो है ये रिफ्रेश नाउ पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे टाइम देख लीजिए, अभी जो टाइम आप लोग को शो हो रहा है वो यहाँ पे जो है 6:34 शो हो रहा है। ओके, तो अभी मैं आप लोग को यहाँ पे जो है एक टाइम ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी 6:46 शो हो रहा है, यहाँ पे 6:34 शो हो रहा है, यहाँ पे 6:46 शो हो रहा है और डेट सेम है। तो मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ और देखते हैं ये जो डेटा है हमारा इस टाइम के अकॉर्डिंग रिफ्रेश होता है या नहीं होता है। मैं जैसे रिफ्रेश किया, डेटा यहाँ रिफ्रेश हो चुका है। बट आप देखिए बाजू में यहाँ पर आपको जो एक आइकन दिख रहा है जो आपका एक एरर आइकन है। आप लोग को यहाँ पर रेड कलर से जो डेटा रिफ्रेश हुआ
जो सेम टाइम में डेटा जरूर रिफ्रेश हो गया, बट आप देखिए यहाँ पे एक आइकन भी शो हो गया जिस आइकन को आपको यहाँ पे नोटिस करना है, और यही चीज मैं आप लोग को यहाँ बताना चाहता हूँ। आप टाइम देखिए, टाइम वही है जो मैंने अभी रिफ्रेश किया था, और ये एरर आइकन है, इसको आप समझिए कि कभी भी हम लोगों को यहाँ पर एंड टू एंड हम लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो हम लोग देखिए यहाँ पर एरर क्यों शो हो रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ है शेड्यूल रिफ्रेश हैज बीन डिसेबल, मतलब यहाँ पर आप देखेंगे रिफ्रेश के बाजू में यहाँ पर आपको शेड्यूल रिफ्रेश का ये आइकन शो होता है। एक्चुअल में आपको इसको क्लिक करना है, यहाँ पर आपके पास जो है ना आपके इस डेटा सेट को कनेक्ट करने के लिए कोई चैनल नहीं है, जिसको हम लोग गेटवे कनेक्शन कहते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैं उस जो बटन है उस पर क्लिक करूंगा, जो आइकन है उस पर आप लोग को यहाँ डेटा सेट शो होगा। इस डेटा सेट में आपको यहाँ गेटवे कनेक्शन दिख रहा है, इस गेटवे कनेक्शन में आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर एक पर्सनल गेटवे जो है उसको इंस्टॉल करना होगा। जिस गेटवे में आपका जो कनेक्शन है एक बार इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पावर बीआई के अंदर आपके वेब सर्वर से या आप मान लीजिए अपने कंप्यूटर सिस्टम से भी किसी एक्सेल फाइल को या किसी डेटा फाइल को यहाँ पर कनेक्ट करते हो तो आपको एक गेटवे की जरूरत पड़ती है। इस गेटवे को कैसे इंस्टॉल करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इसके अंदर आप जाएंगे, एक बार मैं इसको आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ, आप देखिए पहले आपको माय वर्क स्पेस पे जाना है। माय वर्क स्पेस में जाकर आपको ये आइकन दिख रहा है, आप यहाँ रिफ्रेश करके देखेंगे यहाँ पे आपको एरर शो हो रहा है। ये एरर क्यों शो हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आपके पास कोई भी डेटा सेट का कनेक्शन नहीं बना है। तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है, जैसे आप क्लिक करेंगे आपको यहाँ डेटा सेट का जो ऑप्शन है यहाँ पे शो होगा। यहाँ डेटा सेट का आप डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो और आपको यहाँ गेटवे कनेक्शन दिख रहा है। इस गेटवे कनेक्शन में आपको जाना है और यहाँ पर जाकर आप देखिए यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का जो ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यू हैव नो पर्सनल गेटवे इंस्टॉल, तो मुझे इंस्टॉल करना होगा। मैं जैसे ही इस पे क्लिक करता हूँ आप देखिए इंस्टॉल नाउ पे यहाँ पे एक नया टैब ओपन हो जाता है। नया टैब जैसे ओपन होता है आप देखिए यहाँ पर मेरा इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। आप देखिए यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन फाइल हो गई है जिसपे आपका जो डेटा गेटवे है इसका एक इंस्टॉलेशन फाइल मुझे मिल जाएगी। जैसे ये फाइल इंस्टॉल होगी तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप शेड्यूल कर सकते हो, तो आपको ये सब चीजें पहले से एक रियल टाइम प्रोजेक्ट में मिल रही होगी क्योंकि आप किसी के डेटा पे जाके नहीं ले सकते। तो आपको ये सारी चीजें आपको यहाँ इंस्टॉल करके मिलेगी, तो आपको एक गेटवे के थ्रू जो कनेक्ट करके दिया जाएगा आपके पावर बी सर्विस के अंदर। मेरा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं आपको एटलीस्ट इसके बारे में बता दूं जिससे कि एंड टू एंड यूजर के अंदर आपको पता रहे कि ये फंक्शन कैसे वर्क करता है। फिर आपको यहाँ पर जब आपका एक डेटा सेट कनेक्ट हो जाएगा, मैं एक बार आपको ये करके भी बताऊंगा, ये मैं तब करूंगा जब आपको SQL के अंदर एक मैं लोकल होस्ट के अंदर एक कंप्लीट डेटा बनाऊंगा तब मैं कनेक्ट करके इसको आपके अंदर बताऊंगा। तो उसके बाद आप क्या करेंगे, जब एक बार डेटा सेट यहाँ पे आ जाएगा तो आप शेड्यूल रिफ्रेश के अंदर जाएंगे। यहाँ पर पूरी तरीके से ये एक्टिवेट नहीं है शेड्यूल रिफ्रेश, इसलिए आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। जब ये एक्टिवेट होगा तो यहाँ पर आप जो है रिफ्रेश करने के लिए इस ड्रॉप डाउन पे डेली, मंथली या फिर किसी टाइम के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे जो डेटा है इसको सेट कर सकते हैं, जिससे कि वो डेटा हर एक पर्टिकुलर शेड्यूल के अकॉर्डिंग रिफ्रेश होते रहे और आपको जो आपके डैशबोर्ड पे वैल्यू है वो आपको डायनेमिक वैल्यू मिलते रहे, रियल टाइम वैल्यू जो है मिलते रहे। इस तरीके से आप यहाँ पर कंप्लीट अपने जो डेटा सेट है इसको यहाँ पर जो है रिफ्रेश कर सकते हैं। आपको उसके लिए ये जो फाइल है इसको आपको इंस्टॉल करना होता है। तो यदि आप अभी बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो मेरी ये आपको एक सजेशन है कि आप अभी इस पे ना जाएं और आप इसे अभी इंस्टॉल ना करें। जब हम लोग SQL पे लोकल सर्वर बनाएंगे तब हम लोग लोकल सर्वर को या फिर जब मैं एडवांस एक्सेल पढ़ा रहा हूँ तब मैं यहाँ पर इस डेटा सेट के साथ आपको कनेक्ट करूंगा, और जब हम लोग एक डैशबोर्ड बनाएंगे मोबाइल फ्रेंडली वाला डैशबोर्ड भी उसी के साथ हम लोग बनाएंगे एक प्रोजेक्ट के अंदर, जिसमें मैं इसी डायनेमिक डेटा को कनेक्ट करूंगा और आप देखेंगे जैसे जैसे डेटा हमारा चेंज होते जाएगा वैसे वैसे यहाँ पे डैशबोर्ड पे जो वैल्यू है वो चेंज होते रहेगी। बट अधिकतर केसेस में आपको ये कंपनी या फिर आपके जो क्लाइंट है वही प्रोवाइड करते हैं यहाँ पर आपको डेटा सेट, बट आपको यहाँ पे शेड्यूल और बाकी ऑप्शंस पता होना चाहिए, जिसके लिए मुझे ये जो चीजें हैं आपको यहाँ पे एड ऑन करनी थी। अब हम लोग नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होगा जिसमें मैं आप लोग को प्रैक्टिस करने के लिए और भी डेटा सेट्स बता दूंगा जिसमें आप और इसी तरीके के डैशबोर्ड बना पाएंगे। सो इस तरह से हमारा एंड टू एंड प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। एक लास्ट छोटा सा टॉपिक मैंने यहाँ पे और एड ऑन करके रखा हुआ है जो होगा हमारा 12.6 लेक्चर, जिसके अंदर मैं आप लोग को बता दूंगा कि आपको और भी डेटा सेट्स कैसे मिलेंगे और कैसे आप और भी कंप्लीट हमारे और भी डैशबोर्ड अपने प्रैक्टिस के लिए बना पाएंगे। तो इस तरह से हम लोग अब अपने 12.6 पे चलते हैं, जिसमें मैं आप लोग को ये बता देता हूं कि आपको यहाँ पे
डेटा फाइल जो है हमारी उसके रिसोर्सेस फ्री में कैसे मिलेंगे, जिससे आप और भी डैशबोर्ड और कई सारी रिपोर्ट्स आप बना सकते हो जब आपको एक बार डेटा मिल जाए। लेकिन आपने अभी तक हमारी कंप्लीट प्लेलिस्ट फॉलो की होगी जो मैंने आप लोग कंप्लीट यूनिट वाइज पढ़ाया है, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अब आपको ये प्लेलिस्ट फॉलो करने के बाद खुद से यहाँ पर कुछ डैशबोर्ड या रिपोर्ट बनाने चाहिए, और जिसमें आप लोग को कहां से डेटा मिलेगा उसका फाइल रिसोर्सेस वो मैं आप लोग को बता देता हूं। उसके अलावा मैं आपको हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन में भी कई सारे रिपोर्ट्स, डेटा और सैंपल्स जो है प्रोवाइड करूंगा, जो क्लीन और ऑथेंटिसिटी के साथ आपको मिलेंगे, जो आगे चल के हमारे और भी जो डैशबोर्ड्स हैं, हमारे और भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे मान लीजिए नेटफ्लिक्स का डैशबोर्ड, स्पॉटिफाई जो म्यूजिक प्लेयर है उसका एनालिटिक्स का डैशबोर्ड, ये सब हम लोग जब बनाएंगे, या आईपीएल क्रिकेट मैच का डैशबोर्ड, और उसके अलावा हमारे पास सेंसेक्स का डैशबोर्ड, इन सब का डेटा क्लीन करने के साथ और उस डेटा की जो केस स्टडीज है वो सब मैं आपको अपने एंड्रॉइड एप्लीकेशन में प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा भी कई सारी वेबसाइट्स होती हैं जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता देता हूं, जहां से जाकर आप कई सारे डेटा को वहां से ले सकते हैं और खुद से अपनी जो रिपोर्ट है उसे क्रिएट कर सकते हैं। आप लोग गूगल के अंदर जाकर सिंपल सा लिखेंगे तो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस डेटा सेट्स फॉर डेटा साइंस आप टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपको कई सारी वेबसाइट्स यहाँ मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप जिस साइट को जो फॉलो करें वो एक अच्छी साइट से मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें आप जाकर यहाँ पर और भी डेटा सेट्स को निकाल सकते हो, वो है आपकी कैगल की वेबसाइट। आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है जो आपका वेबसाइट का URL है, यहाँ पर kaggle.com यहाँ पे शो हो रहा है आप लोग को। मैं एक बार यहाँ पर दिखा भी देता हूँ आपको अच्छी तरीके से, यहाँ पर आपको शो हो रहा है कैगल इसका लोगो, और ऊपर में आपको यहाँ पर वेबसाइट kaggle.com, यहाँ पर आपको डेटा सेट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर इस डेटा सेट को कैसे यूज करना है वो मैं आप लोग को यहाँ बता देता हूँ। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर 1,98,691 डेटा सेट शो हो रहे हैं। अब मुझे इस डेटा सेट में से कोई डेटा सेट निकालना है, मान लीजिए मैं यहाँ पर अडानी जो है इसको टाइप कर रहा हूँ और इस कंपनी का मैं जो डेटा सेट है वो निकालना चाहता हूँ, तो आप देखिए यहाँ पे अडानी स्टॉक डेटा सेट यहाँ पर शो हो चुका है, जो आप देख सकते हैं अभी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है ये जिस समय हम लोग इस पे काम कर रहे हैं, तो ये जो अपडेट हुआ है 3 डेज पहले अपडेट हुआ है। इस पे आप रेटिंग्स देख सकते हो और इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे कंप्लीट, जैसे मैंने अभी आपको अमेजोन का बताया, इसी तरीके से आप यहाँ पे डेटा सेट निकाल सकते हो। जैसे मान लीजिए आप जोमेटो जो हमारी ऑनलाइन फूड कंपनी है उसका डेटा सेट आपको निकालना है प्रैक्टिस करने के लिए रियल टाइम प्रोजेक्ट के लिए, तो आप यहाँ पे जोमेटो टाइप करेंगे, यहाँ पे कई सारे डेटा सेट मिल जाएंगे। और यही इसका डिसएडवांटेज है कि कई सारे डेटा सेट में आप यहाँ पे क्लियर नहीं कर पाते कौन से डेटा सेट को मैं यहाँ पे यूज करूँ। सो इस तरह से आपको कौन सा डेटा सेट यूज करना चाहिए उसके लिए मैं आपको यहाँ पे एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ, जो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के अंदर मैं कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा, जिसको आप क्लिक करेंगे तो आप उस डेटा सेट पे जाओगे जो आपके लिए रिकमेंडेड होगा, जिस डेटा सेट में आप काम कर सकते हो, जो एक ऑथेंटिसिटी के साथ आप लोग को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। वो मैं आपको बता देता हूँ कहां पर आपको मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स का एक आपको डेटा सेट जो है देखना है, तो मैंने यहाँ पे नेटफ्लिक्स लिखा। आप देखिए यहाँ पे नेटफ्लिक्स का कई सारा डेटा सेट यहाँ पे शो हो रहा है। पहली बात तो यहाँ पे रेटिंग्स देखिए, आप जाकर इस पे इसको ओपन कीजिए। इसको ओपन करने के बाद आप इसको जो है कंप्लीट इसके डिस्कशन ग्रुप में जाइए। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कशन ग्रुप में आपको कितना अच्छा आपको यहाँ पे रेटिंग मिला है, और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे किसी भी डेटा को जो है यहाँ पे सेलेक्ट करिए। इसके अलावा भी आपको समझ में नहीं आता है तो आपको एक काम करना है, आपको जैसे कि ये प्लेलिस्ट आप फॉलो कर रहे होंगे तो मैंने आपको बता चुका है, मैंने इस प्लेलिस्ट के अंदर यहाँ पर एक कंप्लीट हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन का वीडियो डाला हुआ था। तो आपको क्या करना है कि आपको सिंपल सा हमारे यूट्यूब जो चैनल है उस पर जाना है। आप लोग यहाँ पे टाइप कर सकते हैं IHSPT डेटा एनालिस्ट कोर्स या फिर प्लेलिस्ट बाय निशांत भैया, तो यहाँ पर आपको हमारा जो पेज ओपन हो जाएगा। इस प्लेलिस्ट पे आप जब जाएंगे तो यहाँ पर जो है मैंने इस एप्लीकेशन का कंप्लीट यहाँ पे यूजर्स बताया है, तो आप इस लेक्चर को देख लीजिएगा, यहाँ पर आप लोग को शो भी हो रहा है। इस लेक्चर में मैंने आप लोग को यहाँ पे बताया है, आप देख सकते हैं मैं आपको यहाँ पर इस तरीके से जो हमारा जो एनरोलमेंट जो हमारा फ्री कोर्स होगा उसके अंदर यहाँ पर लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जिस लिंक में पहला जो मेरा अभी जो प्रोग्राम था वो अमेजोन का था, जिसका यहाँ पे लिंक आपको मिल चुका है। इसके बाद मान लीजिए हम लोग जोमेटो का बनाते हैं, उसका लिंक यहाँ आपको मिल जाएगा। स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, उसके बाद क्रिकेट का हम लोग कोई प्रोग्राम बनाएंगे या फिर कोई इसी तरीके का डैशबोर्ड बनाएंगे वो मिल जाएगा। यहाँ पर आपको कई सारी बुक्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा PDF फॉर्मेट में, जिसमें आप और भी यहाँ पे जो है रेफरेंस ले सको। तो आप हमारे मोबाइल एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए। इसको आपको देखने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जाके कंप्लीट डिटेल में मैंने बताया है, वर्कशॉप के बारे में भी मैंने बताया है, और कई सारे हमारे जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे मान लीजिए हम अब इसके बाद हम लोग SQL पढ़ेंगे या मान लीजिए पावर क्वेरीज पढ़ेंगे, तो ये सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएगी।
हमारी कोशिश है कि सिंपल से सिंपल आसान भाषा में हम लोग प्रोवाइड कर सके अच्छे से अच्छा कंटेंट अपने स्टूडेंट्स कम्युनिटी के लिए। सो आई होप इस तरीके से हम लोग यहाँ पर कंप्लीट एक रिपोर्ट को बना चुके हैं और एक हम लोग इस रिपोर्ट को डैशबोर्ड में ले जाके पावर बी आई सर्विस में सारी चीजें जो है हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं। सो आपको यदि ये प्लेलिस्ट या ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, और कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे पूछ सकते हैं। इसके बाद मैं आपको एसक्यूएल पढ़ाऊंगा या एडवांस एक्सेल पढ़ाऊंगा या पावर क्वेरी पढ़ाऊंगा, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। सो इस तरह से हम लोग और भी कई सारी रिपोर्ट और इसी तरीके से मैं कई प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें मैं कंप्लीट आपको टॉप 5 यहाँ पर एक डैशबोर्ड बनाना सिखाऊंगा और एसक्यूएल के अंदर हम लोग एक कंप्लीट एंड टू एंड प्रोजेक्ट फिर से करेंगे। जब मैं एसक्यूएल पढ़ाऊंगा तभी भी आपको यहाँ पे पावर बीआई की जरूरत पड़ेगी, और वहां पर मैं कोशिश ये करूंगा कि मैं आपको जो डैशबोर्ड प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो आपका मोबाइल लेआउट से साथ कनेक्टेड हो। सो इस तरह से हम लोग स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे और एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट और एक अच्छे डेटा एनालिस्ट की तरफ हम लोग अपना फाउंडेशन रेडी करेंगे और हम लोग इसी तरीके से पढ़ते रहेंगे। सो इस तरह से आप बने रहिए इंडस्ट्रीज हेल्पिंग हैंड के साथ और हमारे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिए, और कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं।